फाइंड एज प्रेजेंट वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड टू द प्रेजेंट एट एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इनवर्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, प्रेजेंट कैश फ्लो कंपाउंडेड टू फ्यूचर डिस्काउंटिंग ऑफ कंपाउंडेड फ्यूचर कैश फ्लो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्यूचर कैश फ्लो फ्लो डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट एट एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। आगे देखते हैं, अ प्रोसेस बाय विच प्रेजेंट कैश फ्लो आर कन्वर्टेड इनटू फ्यूचर वैल्यू इज कॉल्ड। तो आज के रेट में जो कैश फ्लो है उसको यदि आप फ्यूचर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसे आप लोग क्या कहेंगे, इसे आप लोग कंपाउंडिंग कहेंगे। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर दे रखा है 3.8896, तो हमसे क्या पूछा गया कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर इक्विवेलेंट एन्युटी ड्यू इफ द इंटरेस्ट रेट इज 9%। तो इंटरेस्ट रेट यदि 9% है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना है फॉर इक्विवेलेंट एन्युटी ड्यू। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हम लोग निकालते कैसे हैं। सो यू शुड नो हाउ डू वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ये जो टर्म है एन्युटी फैक्टर का वो कुछ इस प्रकार है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो कुछ इस प्रकार है, ए इन या आप ऐसे लिखो 1 + i होल टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई आई टाइम्स 1 + i होल टू द पावर n। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है और इसी का वैल्यू आपको दे रखा है 3.8896। हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर इक्विवेलेंट एन्युटी ड्यू इफ द इंटरेस्ट रेट इज 9.9%। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि इसका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर बताना है इक्विवेलेंट एन्युटी ड्यू का। यानी कि आप इस टेबल का इसका यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी जो हमारा फॉर्मूला है वो वही है हमारा कि PVAD इज इक्वल टू PVOA PVOA मल्टीप्लाइड बाय 1 + i। ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है, कि 1 + i किस केस में लेते हैं किस केस में नहीं लेते हैं। तो PVAD इज इक्वल टू PVOA टाइम 1 + i। तो इस केस में बताइए आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना दे रखा है, तो वो आपका दे रखा है 3.8896 और इंटरेस्ट रेट दे रखा है 9%। तो इसे आप लोग परसेंटेज में डेसिमल 0.09 हो जाएगा। तो आपको PVOA कितना है, ठीक है, हाँ, तो वो आपका है 3.8896 और इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 + i से। तो 1 + i कितना हो जाएगा 1.09, 1.09 तो 4.2396 पाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि 444 रुपया उसका प्रेजेंट वैल्यू एक साल के अंत में है 400 रुपया। तो एक साल का डिस्काउंट फैक्टर कितना है, तो डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला 1/1 + r होल टू द पावर n होता है। तो फ्रेंड्स आप देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹444 इज ₹400। तो आपसे पूछा गया है कि एक साल का डिस्काउंट फैक्टर बताने के लिए, तो कैसे निकलेगा डिस्काउंट फैक्टर। सो वन ईयर डिस्काउंट फैक्टर ऑफ दिस, व्हाट इज द वन ईयर डिस्काउंट फैक्टर। सो फ्रेंड्स आपको पता है FV या PV इज इक्वल टू FV डिवाइडेड बाई या मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट फैक्टर, यही होता है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है कि डिस्काउंट फैक्टर बताने कितना है, तो आप डिस्काउंट फैक्टर को लिख सकते हो इट इज नथिंग बट PV upon FV, ठीक है। PV कितना है हमारा, PV है 444 और FV कितना है हमारा 400। तो ये यदि कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये हमें मिलेगा 0.909। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं डिस्काउंट रेट क्या होता है। डिस्काउंट रेट वो रेट होता है जहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर कैश फ्लो को हम लोग मैचिंग करते हैं। सो ऑप्शन ए विल द करेक्ट वन, ठीक है, वो रेट जहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर कैश फ्लो को मैच किया जाता है उसे हम लोग डिस्काउंट रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साल का डिस्काउंट फैक्टर दे रखा है 0.8333। तो हमसे डिस्काउंट रेट पूछा गया है, इंटरेस्ट रेट पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए 1/1 + r इसका वैल्यू दे रखा है 0.833।
आपसे आर का वैल्यू पूछा गया है। तो सिंपल है, आर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो यहाँ से देखिए, 1 + r हो जाएगा 1 / 0.833, यानी r हो जाएगा 1 / 0.833 - 1। इसे आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा 0.20, ठीक है, कितना मिलेगा 0.20। तो इसे आप लोग यूज कर सकते हैं 0.20। सो ऑप्शन ए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा 0.20। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं नीचे, व्हाट इज द 2 ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10% पर ईयर। तो देखिए डिस्काउंट रेट दे रखा है 10%, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है। फॉर्मूला है 1/1 + r^2। तो दोस्तों आर कितना है हमारा 10%, यानी 0.1 हो जाएगा, और एन कितना है हमारा 2 ईयर। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है 1/1.1 का स्क्वायर, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, वो मिलेगा 0.826। सिंपल से कैलकुलेशन है, 0.826 का आंसर होगा। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यदि डिस्काउंट रेट हमारा हायर है इसके कारण क्या होगा, तो बताइए दोस्तों, डिस्काउंट रेट यदि हायर है, डिस्काउंट रेट का मतलब आर हायर है, तो आर हायर है, आपको पता है जो पीवी होता है उस वो जो होता है वो डिस्काउंट रेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो यदि आर यदि हायर होगा तो पीवी हमारा कम होगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इफ आर इज हायर, यानी डिस्काउंट रेट इज हायर, सो इट विल हैव लोअर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आगे देखते हैं, आपसे पूछा गया कि क्या फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग नॉमिनल कैश फ्लो को फ्यूचर पीरियड में रियल कैश फ्लो में बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रियल कैश फ्लो इज इक्वल टू नॉमिनल कैश फ्लो अपॉन 1 + इन्फ्लेशन रेट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आपको दे रखा है इन्फ्लेशन रेट है 10% का, ठीक है, एक्सपेक्टेड नॉमिनल कैश फ्लो दे रखा है 11 लाख का, तो हमसे रियल कैश फ्लो निकालना गया है। तो रियल कैश फ्लो का फॉर्मूला है नॉमिनल कैश फ्लो अपॉन 1 + तो नॉमिनल कैश फ्लो कितना है 11 लाख है, ठीक है, इसको आप क्या कीजिए 1 + 0.1 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 1.1 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए ऐसे कीजिएगा आप, तो आपको मिल जाएगा 10 लाख, तो 10 लाख इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 10% इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टमेंट किया गया कंपाउंडेड मंथली इज इक्वल टू इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ। इसका इफेक्टिव एनुअल रेट कैसे निकलेगा, अब एनुअल रेट का फॉर्मूला आपको बताइए, अभी मैं आपको बताया था एनुअल रेट का फॉर्मूला क्या है, एनुअल रेट का फॉर्मूला याद है आपको, क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर 1 + नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अपॉन नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड टू द पावर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। तो दोस्तों इस केस में बताइए 10% इंटरेस्ट रेट है तो हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा 0.10 हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड कितना है, तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड है इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ कंपाउंडेड मंथली है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंपाउंडिंग जो किया गया है वो मंथली किया गया है, ठीक है, तो उसे हम लोग ईयरली में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसे आप लोग एन को लिख देंगे 12, क्योंकि हमारे पास यदि एक साल का बात करें तो एक साल में 12 महीना होता है, तो मंथली, तो इसलिए हमारा कंपाउंडिंग पीरियड 12 हो जाएगा। तो इसे आप लोग यदि सिंप्लीफाई करेंगे, इफ यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट 10.47%। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑड वन को पिकअप करना है, ऑर्डरी एन्यूटी पेमेंट आर मेड रिसीव एट द एंड ऑफ इच पीरियड, ये सही है, एफ बी इज इक्वल टू पीवी टाइम्स 1 + r^2 पीवी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू 1, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों एन्यूटी ड्यू इज इक्वल टू पेमेंट एट द आर मेड एट आर रिसीव एट द बिगनिंग ऑफ इच पीरियड, तो दोस्तों ये हमारा ये भी सही है, ठीक है। एन्यूटी ड्यू में क्या होता है कि पेमेंट जो है पेमेंट मेक किया जाता है हर एक पीरियड के शुरुआत में। और दोस्तों लास्ट है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू सीवी फैक्टर, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही गलत है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू सीवी फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा इनटू डिस्काउंट रेट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं, सीवी नहीं होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, अ कैश फ्लो व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट फॉरएवर, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा देखिए यदि इनडेफिनेटली यदि प्रोसीड करता है उसे परपेचुइटी कहते हैं, लेकिन यदि हमारा कांस्टेंट रेट है तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों ग्रोइंग परपेचुइटी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट सो दैट आई रिसीव अ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ फॉर इनडेफिनेट पीरियड, तो जैसे ही हमारा इनडेफिनेट पीरियड आया तो आप समझ जाओगे कि वो हमारा है परपेचुअल एन्यूटी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। एन्यूटी इज डिफाइंड एज, एन्यूटी में क्या होता है कि हमारा जो कैश फ्लो है वो इक्वल कैश फ्लो होता है और वो इक्वल इंटरवल होता है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। इफ द पेमेंट आर मेड और रिसीव्ड एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, तो यदि शुरुआत में कर रहे हैं तो हमारा हो जाता है एन्यूटी ड्यू, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
यदि सेम क्वेश्चन है आप यदि उसे एंड में कर रहे तो ऑलरेडी एनयूटी होगा, तो उसे 1/1 + r से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ एनयूटी इज, एनयूटी का एग्जांपल क्या है, किधर ईएमआई ऑफ होम लोन, आरडी, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों हमारे एनयूटी के एग्जांपल हैं। लाइफ टाइम पेंशन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो वो क्या है हमारा परपेचुटी है, ठीक है, वो क्या है हमारा परपेचुटी। नेक्स्ट है मिस्टर एस एक्सपेक्ट टू रिसीव 20,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 4 ईयर, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्यूटी ड्यू अज्यूमिंग इंटरेस्ट रेट इज 9%। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो एन्यूटी अमाउंट है, सॉरी हमारा जो अमाउंट है जो उसे रिसीव होगा, ठीक है, वो कितना है, 20,000 rupees है, ठीक है। एक्सपेक्ट टू रिसीव 20,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, तो यहाँ पे देखिए बिगनिंग लिख दिया, समझ जाइए कि हमारा FBAD है, एन्यूटी ड्यू का बात हो रहा है। तो एन्यूटी ड्यू का बात हो रहा है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एन्यूटी ड्यू का, अज्यूमिंग इंटरेस्ट रेट एज 9%। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, हाउ डू वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू अज्यूमिंग इंटरेस्ट रेट इज 9%। तो एक काम करते हैं हम लोग, देखिए 20,000 है, ठीक है, 4 साल तक है, तो पहले साल में कितना होगा 20,000 का, पहले साल में यदि आप 20,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालें, ठीक है, तो आपको 20,000 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। यदि दूसरा साल का निकालें तो आपको वो मिल जाएगा 20,000 / 1.09, तो ये मिल जाएगा आपको 18348। यदि थर्ड ईयर का निकालें तो थर्ड ईयर का हमारा मिल जाएगा 16834। फोर्थ ईयर का निकालें तो आपको मिल जाएगा 15444। तो यदि सभी को ऐड कर दें तो हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा, तो वो हमारा मिलेगा 70,626। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिपेमेंट ऑफ एंटायर लोन प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड इज कॉल्ड। तो दोस्तों देखिए आप प्रिंसिपल को, जो इंटायर लोन का प्रिंसिपल है उसे लोन पीरियड के अंत में पेमेंट कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं बैलून पेमेंट। क्या कहते हैं इसे हम लोग, बैलून पेमेंट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फंड विच इज क्रिएटेड बाय कंपनीज टू मेक पेमेंट ऑफ बैलून रिपेमेंट लोन बाय रेगुलर एनुअल कंट्रीब्यूशन टू हैव एडिक्वेट फंड। तो दोस्तों ये हमारा सिंकिंग फंड होता है, इसलिए जो एग्जांपल है ये हमारा सिंकिंग फंड का। तो आपको फ्यूचर में कोई लायबिलिटी को मीट करना है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, अभी से ही आप जो है एक पीरियोडिक इंटरवल पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसे हम लोग सिंकिंग फंड कहते हैं। तो सेम काम कोई कंपनीज भी करती है, ठीक है, तो बैलून रिपेमेंट मेथड को वो यूज करती है, और जिससे हम लोग रिपेमेंट को क्या कहते हैं, सिंकिंग फंड कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंड विच इज क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और बॉन्ड इज कॉल्ड। तो डेट या बॉन्ड के पेमेंट के लिए जो फंड क्रिएट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सिंकिंग फंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक केस स्टडी है, ABC कंपनी है, उसने इशू किया 50,00,000 का 100 पार वैल्यू पेबल एट कैरिंग 8% कूपन रेट एंड मैच्योरिंग इन 15 ईयर्स। बॉन्ड का इंडेंचर रिक्वायर्ड द कंपनी टू सेट अप थिंकिंग अप फॉर टू पे ऑफ द बॉन्ड एट मुनिसिपैलिटी एट मैच्योरिटी डेट। सेमी एनुअल पेमेंट आर टू बी मेड टू द फंड विच इज एक्सपेक्टेड टू अर्न 5% पर एनम। तो दोस्तों इसे कैलकुलेट कीजिए तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा इसका 1,13,88,820। ऑफ वाट इज द सिंकिंग फंड एग्जाम्पल ऑफ, सिंकिंग फंड किसका एग्जाम्पल है, परपेचुटी का, एन्यूटी का या ग्रेचुटी का, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों वो एग्जाम्पल है हमारा एन्यूटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मशीन कैन बी परचेस्ड फॉर 8,50,000, मशीन विल कंट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, एज्यूमिंग बोरोइंग कॉस्ट इज 10% पर एनम, डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेज और नॉट। तो दोस्तों मशीन परचेज किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी शुड नॉट बी परचेज। 26 नंबर क्वेश्चन है एक्स हैज बीन इन्वेस्टिंग रुपीज 5,000 एवरी ईयर एट ईयर एंड एट 5% फॉर 5 ईयर, हाउ मच ही विल गेट एट द एंड ऑफ 5 ईयर, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे इस एन्यूटी का, तो उसका फॉर्मूला है a/r (1+r)^(n-1), जिससे आपको मिल जाएगा 27,628। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ क्वेश्चन का सेट्स जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया। तो होपफुली आपको रिलेशन क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैलकुलेशन होता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन के सेट्स हैं तो जिसको मैं आपको शो कर सकता हूँ। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन के सेट्स मैंने बनाए हैं सेम टॉपिक से, जिसपे आप लोग न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करके अपने न्यूमेरिकल आस्पेक्ट्स को और अच्छे से कर सकते हो, देख सकते हो आप यहाँ पे,
ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि आपको इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस चाहिए, इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चन के सेट चाहिए, तो नीचे मुझे व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा जिस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। होपफुली लेसन को पसंद आया होगा, तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। अपने एमसीक्यूज के डिस्कशन पे शुरुआत करते हैं अपने पहले एमसीक्यू के साथ। आपको बेसिक कांसेप्ट क्लियर है? चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सैंपल साइज इज 16 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 100, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। बेसिक कांसेप्ट आप यदि आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सैंपल साइज दिया हुआ है ना 16, यानी स्मॉल एन का वैल्यू आपको 16 दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 100 दिया हुआ है, यानी सिग्मा जो है वो 100 दिया हुआ है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का है ऑब्वियसली। तो हमसे पूछा गया कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन बताना है, यानी हमसे एक्स सिग्मा एक्स बार बताना है। तो सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन रूट एन। तो सिग्मा की जगह आप 16 लिख दीजिए, इसी जगह 100/16 यानी 100/4 यानी कि 25। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने कुछ सैंपल डाटा दी गई हैं, ठीक है। 2, 4, 8, 6, 10, 12 मीन निकालना है, काफ़ी आसान है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को ऐड कर दीजिए। और टोटल कितने डाटाज हैं? तो 6 डाटाज हैं, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अब देखिए यही डाटा का आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को कहा गया है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मैंने आपको स्टेप बताए थे, याद है आपको स्टेप? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी दिया था, लेकिन आपको आपको मैंने कहा था कि इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब लिखिए कि क्या आंसर आ रहा है। तो दोस्तों आपने जरूर उस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो फ्रेंड्स जहाँ तक बात है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे इस इन सभी डाटा का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि मीन निकालना है। तो मीन आपने निकाल लिया, मीन निकालना है, मीन कितना निकला? मीन हमारा निकला है, मीन है हमारा दोस्तों 7, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि हर एक नंबर के लिए मीन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो नंबर क्या क्या है हमारे पास, जरा देखिए, नंबर है हमारे पास 2, 4, 8, 6, 10, 12, ठीक है। तो दो, जैसे देखिए 2, 4, 8, 6, 10 और 12, तो पहले क्या करेंगे, 2 - 7 का स्क्वायर + 4 - 7 का स्क्वायर + 8 - 7 का स्क्वायर + 6 - 7 का स्क्वायर + 10 - 7 का स्क्वायर + 12 - 7 का स्क्वायर, तो ये आप लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो भी स्क्वायर डिफरेंस आया उसका आपको क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है। तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप 6 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा वेरिएंस, क्या मिल जाएगा आपको, वेरिएंस। और दोस्तों हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो आपके पास जो भी रिजल्ट आए उसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए जरा देखते हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो देखिए 2 - 7 का स्क्वायर 25, इस तरह से हम लोग ने निकाला, तो समेशन सबका कर दिया तो मिला हमें 42, ठीक है दोस्तों। कितना मिला, सॉरी हमें मिला हमें 70, और 70 को हम लोगों ने 6 से डिवाइड कर दिया क्योंकि एवरेज निकालना है, और फिर उसका रूट निकाल लिया, तो आंसर मिलेगा आपको 3.42। इसे आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए, देखिए कि सेम आंसर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ट्राई कीजिए दोस्तों। क्या कर रहा है कि एक सैंपल है इसमें 36 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, मीन दे रखा है 80, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7। तो दोस्तों मीन दे रखा है 80, यानी म्यू का वैल्यू है 80 हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा होता है, सिग्मा हमें दे रखा है 7, सैंपल का ऑब्जर्वेशन साइज दे रखा है 36, ठीक है। तो दोस्तों 36 यदि हमारा ऑब्जर्वेशन साइज है, तो यानी कि आपका स्मॉल एन यानी सैंपल का जो साइज है वो कितना है, 36 है, ठीक है। तो ये सब डाटा हमें दी गई है। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन बताना है। तो दोस्तों जहाँ तक बात है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, यानी कि हम बात कर रहे हैं सिग्मा एक्स बार की, और सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा अपॉन रूट एन। तो सिग्मा हमारा 7 है और ये हो जाएगा रूट 36, यानी 7/6 हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.17 आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको यदि फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए ये आपको क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी एक्स बार इज लेस देन और इक्वल टू 77। दोस्तों समझिए ये चीज़ आपको क्लियर रखना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। ये हमारा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व,
ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा मीन। इस क्वेश्चन में मीन बताइए तो कितना है, इस क्वेश्चन में मीन है हमारा 80, ठीक है, मीन कितना है हमारा 80, देखिए समझिए ये मीन है हमारा 80, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली आप एक तो इसको निकालने का तो या तो जेड टेबल यूज कीजिए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना आपको प्रोबेबिलिटी टेबल का जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो दिया हुआ है कि जेड यदि 2.55 है तो प्रोबेबिलिटी आपको 0.4946 मिलेगा, जेड यदि 2.56 है तो प्रोबेबिलिटी आपको 0.4948 मिलेगा। ये जेड का वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, जेड का वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, ठीक है। तो दोस्तों आप जरा इस क्वेश्चन पे आ जाइए, तो म्यू है आपको मीन है आपका दे रखा है 80 दे रखा है, ठीक है। और फ्रेंड्स हमसे एक्स बार है लेस देन और इक्वल टू 77, तो 77 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, 77 कहाँ, यही यहाँ कहीं होगा। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में म्यू स्टैंडर्ड एरर दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7 का, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना का है दोस्तों, 7 का है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसका इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू निकालेंगे, इसे कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू निकालेंगे। जेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जेड का फॉर्मूला में पता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो दोस्तों एक्स बार कितना है हमारा 77, म्यू कितना है हमारा 80, और सिग्मा कितना है हमारा, सिग्मा एक्स बार होता है, सॉरी, तो सिग्मा एक्स बार स्टैंडर्ड एरर होता है, तो स्टैंडर्ड एरर हम लोगों ने निकाला है 1.17, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1.17, इसे हम लोग 1.17 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -3/1.17। तो यदि आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -2.564, ठीक है, -2.564, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 0, यहाँ पे जो जेड का वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है आपको -2.564, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पी एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू 77, यानी कि आपसे इस वाले रीजन का एरिया बताना है ना दोस्तों, यही बताना है आपको इस वाले रीजन का एरिया। फ्रेंड्स इस वाले रीजन का एरिया आप कैसे बताएंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो डाटा आपको दी गई है, जो डाटा आपको दी गई है उसका आप लोग यूज करेंगे। जहां तक मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में, ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आप जरा देखिए कि जेड यदि हमारा 2.56564 है तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, देखिए तो कॉरस्पॉन्डिंग देखिए 2.56 के लिए जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है हमें 0.4948, ठीक है, तो कितना दिया हुआ है 0.4948। तो दोस्तों आप जरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में कितना है 0.4948, ठीक है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.4948। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको मैंने बताया था ऐसे एक और तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों, आपको मैंने समझाया था कि ये जो चार्ट है, ठीक है, ये जो चार्ट है इसमें ये म्यू होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा जेड इज इक्वल टू 1 है, ये हमारा जेड इज इक्वल टू -1 है, यदि ये हमारा जेड इज इक्वल टू -2 है, और यदि हमारा जेड इज इक्वल टू -3 है, ठीक है। यदि हम लोग इतना इस एरिया का बात करें तो ये होता है 34%, ठीक है, ये होता है हमारा 13.5%, और ये वाला रीजन जो होता है वो होता है हमारा 2.35%, और ये वाला जो रीजन होता है वो होता है 0.15%। हमारा जो इस केस में जो वैल्यू है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब ये वाला रीजन होगा, तो 0.15% तो होगा ही होगा। अब मान लीजिए कि 2.30% है एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2.45%, ठीक है दोस्तों, कितना मिलेगा 2.45%। तो इसे आप यदि वैल्यू निकालिएगा पर डेसिमल में तो 0.0245 के आसपास आंसर आएगा। तो जरा आप इस क्वेश्चन को देखिए, जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, ये तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 0.003, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि इसमें पूछा गया है कि पी 78 और 83 के बीच में क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स बार लाइन करने का, तो आप क्या कीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड निकालिए, इसे कॉरस्पॉन्डिंग जेड कितना निकलेगा, तो 78 माइनस 80 अपॉन म्यू, म्यू कितना है हमारा, सिग्मा कितना है 1.17, ठीक है, तो 78 माइनस 80 निकालिएगा तो ये आपको मिल जाएगा
1.709 जेड का वैल्यू। और यदि आप 83 कॉरस्पॉन्ड निकालिएगा तो 83 माइनस 80 अपॉन 1.17, तो ये आपको मिल जाएगा कितना बताइए, ये आपको मिल जाएगा 3 अपॉन 1.17 यानी कि 2.564। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है कि ये हमारा जेड टेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम शो करते हैं 80 को जो हमारा मीन है, इधर कहीं 78 आएगा और इधर कहीं आएगा हमारा 83। हमको ये वाला रीजन का एरिया बताना है, इसी रीजन का एरिया बताना है ना आपको। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि आप जेड टेबल जो ये देखिए कि 1.709 के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया कितना है, तो एरिया देखिए 1.709 के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया जरा खोजिए। यहाँ पे देखिए 1.71 की कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, 0.4564 है ना, या 1.70 देखिए तो 0.4554। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिए 0.4554। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे 0.4554। और आप देखिए कि जो हमारा 2.5654 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी टेबल में एरिया कितना है, 2.564। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा 0.4948, कितना है 0.4948। अब इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे लगभग तो आपको ये मिलेगा, आपको ये इसका आंसर मिलेगा 0.9512 के इक्वल। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार से हम लोग इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डाटा इज कॉल्ड। तो दोस्तों सैंपल डाटा से जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। या आपको पता है स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो किसका करेक्टरिस्टिक्स होता है, वो हमारे सैंपल का करेक्टरिस्टिक्स होता है, और जो हमारा पॉपुलेशन का करेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारा क्या, वो पैरामीटर होता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो पॉपुलेशन का जो सबसेट होता है उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाता है। तो पहली बात की सबसेट ऑफ पॉपुलेशन यानी कि आप सैंपल की बात कर रहे हो, और सैंपल का जो करेक्टरिस्टिक्स होता है हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों, यहाँ पे बी नहीं होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड। तो दोस्तों आपके पास एक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो, तो उसको आप क्या कहोगे, तो हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर जिसका सिंबल है हमारा सिग्मा एक्स बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स सो ऑब्टेंड वन फॉर ईच सैंपल कंटिन्यूज व्हाट इज कॉल्ड। तो दोस्तों देखिए आप क्या है कि हर एक सैंपल के लिए एक वैल्यूज आ रहा है, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स सो ऑब्टेंड वन फॉर ईच सैंपल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं व्हाट इज कॉल्ड, एक सैंपल के लिए एक वैल्यू यदि आता है तो इसे हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी कॉल इट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स टेंड्स टुवर्ड द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन एज साइज इंक्रीजेस, व्हाट इट इज टू बी। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू है और जो हमारा पॉपुलेशन का वैल्यू है वो अप्रोच करता है जो हमारा साइज, यदि हमारा सैंपल का साइज बढ़ता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एफिशिएंट। क्या कहते हैं इसे हम लोग, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज अ सबसेट ऑफ डैश। तो दोस्तों बताइए कौन किसका सबसेट होता है, सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का क्या है, सबसेट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। तो दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताया था, एस से सैंपल, एस से स्टैटिस्टिक्स, याद है, एस से सैंपल होता है और एस से होता है दोस्तों हमारा क्या, स्टैटिस्टिक्स, और पी से पॉपुलेशन और पी से होता है हमारा पैरामीटर। तो सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है पैरामीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, डैश इज अ पैरामीटर वेयर डैश इज स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि जो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो पैरामीटर होता है। तो फ्रेंड्स ये कैपिटल एन जो है वो तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन म्यू बी जो है वही पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ऑप्शन वन तो होगा नहीं, ये सिग्मा है दोस्तों, सिग्मा नहीं है, सिग्मा है। तो सिग्मा जो होता है वो स्टैंडर्ड एरर होता है जो कि पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और स्मॉल एस जो है वो हमारा सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये सही है, सही है, बिल्कुल सही है। स्मॉल कैपिटल एन जो होता है वो साइज होता है, अभी मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन का, और स्मॉल एन जो है वो साइज होता है स्टैटिस्टिक्स का, तो ये भी सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ओनली 2 एंड 3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, इफ वी कंपेयर टू स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ सैंपल ऑफ द सेम साइज एंड ट्राई टू डिसाइड व्हिच वन इज मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर वी वुड पिक अप द एस्टिमेटर व्हिच हैज।
अब देखिए समझिए, हमारे पास दो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, एक सैंपल में क्या सेम साइज का दो स्टैटिस्टिक्स है, तो हमसे ये डिसाइड करना है कि ज़्यादा एफिशिएंट एस्टिमेटर कौन है, तो आप कैसे बताओगे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि इसका देखिए नियम है कि स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लार्जर स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो जिसका स्टैंडर्ड एरर कम होगा, ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड एरर कम होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, तो वो समझिए कि ज़्यादा एफिशिएंट है। ये आप समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड एरर बढ़ता है, ठीक है, सिग्मा एक्स बार जैसे जैसे बढ़ेगा, तो क्या होता है दोस्तों कि कोई भी सैंपल का जो मीन है वो क्या होगा कि जैसे जैसे ये घटेगा, दोस्तों समझिए, ये यदि घटता है, मैं यहाँ बढ़ने का नहीं, मैं यहाँ पे घटने का एग्जांपल लेता हूँ, सिग्मा एक्स बार यदि आपका घटेगा तो क्या होगा कि सैंपल का जो मीन है वो क्लोजर आते जाएगा पॉपुलेशन के मीन से। फिर क्या होगा कि इस कारण से क्या होगा कि जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन क्या होगा वो बढ़ेगा, समझ रहे ना? तो वही चीज़ है, यदि आपके पास दो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, सेम साइज का, लेकिन आपको डिसाइड करना है कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, तो जो ज़्यादा स्मॉलर होगा स्टैंडर्ड एरर का वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि जो स्मॉलर है उसका सैंपल का मीन और उसके पॉपुलेशन का मीन दोनों एक दूसरे के नज़दीक होंगे, और नज़दीक होंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्रिसीजन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम एज्यूर्स अस दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है कि वो यही कहता है ना कि जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होगा, ठीक है, यदि सैम्पल साइज ज़्यादा है तो ये यही देखिए इज ऑलवेज नॉर्मल, गलत है, हमेशा नॉर्मल तो होता नहीं है। यदि सैम्पल साइज कम होगा तो नॉर्मल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। फिर बी करा इज ऑलवेज नॉर्मल फॉर लार्ज सैम्पल साइज, सी करा अप्रोचेज नॉर्मलिटी या सैम्पल साइज इंक्रीजेज, और डी करा एफएस नॉर्मल ओनली वैन, ये गलत है। एन का वैल्यू जो है कोई मतलब हमने मैंने स्मॉल एन से मतलब है वो 30 से ज़्यादा होना चाहिए, तो डी और ये तो साफ साफ गलत है, ठीक है। और उसके अगर ऑलवेज ऑलवेज वाला क्वेश्चन हमेशा गलत होता है दोस्तों, ऑलवेज ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्मल ही रहे लार्ज सैंपल साइज के लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी अप्रोच करेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नहीं, यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कि लार्ज सैंपल साइज के लिए क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा, ठीक है, लार्ज सैंपल नॉर्मल होगा, लेकिन ऐसा सी नहीं है, सी गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एवरी मेंबर ऑफ द एक्सेसिबल पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी द रिसर्चर इज यूजिंग। तो मैंने आपको टाइप ऑफ सैम्पलिंग बताया था, तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है उसमें जितने भी सैंपल आइटम्स हैं उनके सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है, तो हर एक मेंबर का जो चांस है सेलेक्ट होने का वो बराबर है, तो ऐसे ऐसे सैम्पलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन, सो दिस विल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन रैंडम सैम्पलिंग वी पिक अप वन, वी नोट इट डाउन, पुट इट बैक विद द रिमेनिंग एंड पिक द नेक्स्ट वन, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब आप रैंडम सैम्पलिंग, मैंने मार्बल का एग्जांपल दिया था ना आपको, जैसे 10 मार्बल था उसमें से एक मार्बल हमने निकाला फिर से उसे रख दिया, तो ये रिप्लेसमेंट वाला केस है ना, ठीक है, और फिर से निकाल रहे हैं, देखिए पुट इट बैक विद द रिमेनिंग है ना एंड पिक द नेक्स्ट वन, तो ये होता है हमारा रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग विद क्या होता है, रिप्लेसमेंट, ठीक है, सैम्पलिंग विद क्या होता है दोस्तों, रिप्लेसमेंट होता है। और मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो हमारा सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होता है उस केस में ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है, ये याद होगा आपको। चलिए तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रैंडम सैम्पलिंग वी पिक अप वन, कीप इट अवे एंड देन पिक अनदर फ्रॉम द सैम्पलिंग, अब इसे क्या कहेंगे? आप वही एग्जांपल ले लीजिए 10 मार्बल वाला, आपने एक मार्बल पहले उठाया तो बचा कितना, 9 मार्बल बचा, लेकिन उस मार्बल को जिसको आपने उठाया उसको दोबारा आप प्लेस नहीं कर रहे हो, उसको आप कहीं साइड रख रहे हो, आप बचा हुआ तो 9 ही मार्बल है ना, तो आप उस 9 मार्बल में से एक उठाओगे, तो इसे कहते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि आप उस मार्बल को रिप्लेस नहीं कर रहे हो, तो ये हमारा होगा सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सैम्पलिंग टेक्निक एवरी 10th यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज चूजन, सो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक कॉल्ड। तो दोस्तों देखिए क्या हो रहा है कि सैम्पलिंग टेक्निक में से हर एक 10वां यूनिट जो है पॉपुलेशन का उसे चूज कर रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो फ्रेंड्स देखिए ये आपको मैंने बताया है, इसे हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्या कहते हैं इसे हम लोग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये चीज़ मैंने आपको बताया है कि जैसे हर एक 10वां को चूज कर रहे हैं, ये एक हमारा स्ट्रेटजी है, इसलिए 10th आइटम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, सॉरी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ध्यान दीजिएगा रैंडम वर्ड यहाँ छूट रहा है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग।
व्हेन अ रैंडम सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम इट इज नोन एज। तो दोस्तों देखिए, आपके पास स्ट्रेटम है और स्ट्रेटम से आप रैंडम सैंपल को ड्रॉ कर रहे हो, इसे आप क्या कहते हैं? तो इसे आप लोग कहेंगे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। मैंने आपको बताया है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में कि आप क्या करते हो, अलग अलग स्ट्रेटा में ग्रुप करते हो और सभी स्ट्रेटा से आप सैंपल को ड्रॉ करते हो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहते हैं रादर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर इन विच द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू होमोजेनस ग्रुप एंड देन अ सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप इज कॉल्ड। दोस्तों आपको याद एग्जांपल याद होगा वेजिटेबल वाला, मैंने आपको बताया था हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के वेजिटेबल्स थे, याद है? और आपने क्या किया था कि ग्रीन वाले वेजिटेबल को एक जगह, ब्लू वाले वेजिटेबल को एक जगह, येलो वाले वेजिटेबल को एक जगह, तो होमोजेनस ग्रुप बनाया था अलग अलग वेजिटेबल का, ठीक है? तो ऐसे सैम्पलिंग को क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं, याद होगा आपको। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या है, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ऑप्शन नंबर सी। तो इसीलिए मैंने आपके आपके सामने एग्जांपल प्रस्तुत किया था, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जरूर जाकर देखिए, तभी आपके दिमाग में एग्जांपल बैठेगा और आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन में यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल इन विच, ऑप्शन ए द सैंपल इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा, बिल्कुल सही, एंड देन रैंडम सैंपल आर टेकन फ्रॉम इस स्ट्रेटम। ऑप्शन टू द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा एंड देन रैंडम सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम इस स्ट्रेटम। तो दोस्तों बताइए आप क्या करते हो कि सैंपल को डिवाइड नहीं करते हो, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो, है ना? आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो स्ट्रेटा में और रैंडम सैंपल को ड्रॉ करते हो हर एक स्ट्रेटम से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली टू, है ना? सैंपल को डिवाइड नहीं करते हो, पॉपुलेशन को आप स्ट्रेटा में डिवाइड करते हो और रैंडम सैंपल को ड्रॉ करते हो हर एक स्ट्रेटा से। चलिए आगे देखते हैं, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन बिकम अप्रॉक्सिमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली व्हेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मेट। क्या कर रहा है कि जो हमारा मीन है, मीन का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है जब ये कंडीशन मेट होता है। तो अब कंडीशन क्या है बताइए, अभी मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा। पहला है द सिंगल रैंडम सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, दूसरा द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज, द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द सैंपल साइज इज लार्ज। ठीक है, तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है सैंपल साइज इज लार्ज। यदि सैंपल साइज लार्ज होता है तो हमारा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल वही है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही तो है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम मैंने आपको बताया है ना कि सैंपल साइज लार्ज होगा तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, टाइप ऑफ। दोस्तों जब मैंने आपके साथ सैम्पलिंग का टाइप डिस्कस किया था तो आपको मैंने बताया था कि उसे ब्रॉड लेवल पे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हम लोगों ने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को स्टडी नहीं किया था, लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोगों ने चार भाग में डिवाइड किया था, याद होगा आपको, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और सिंपल। तो ये तीनों के तीनों जो टाइप है वो किसके पार्ट है, वो हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट है, जिसे हम लोग रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ध्यान दीजिएगा ये सब टर्म आप याद रखिए। देखिए एक होता है जजमेंट सैम्पलिंग, तो जजमेंट सैम्पलिंग जो होता है वो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है क्योंकि उसमें रिसर्चर का जजमेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें क्या है कि हर एक सैंपल के सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए, यदि आपको इस तरह के पीडीएफ, इस तरह के क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए जो कि आप देख सकते हैं मैं आप अपने चैनल पे अपलोड करते जा रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो दोस्तों नीचे व्हाट्सएप लिंक है जिसपे आप जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो पेड पीडीएफ है, मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूंगा और थ्योरी भी प्रोवाइड करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, अब पॉपुलेशन इज फाइनाइट बट हेट्रोजेनस। अब देखिए ये वर्ड आ गया हेट्रोजेनस, अब कोई इन्वेस्टिगेटर है जो को चाहिए गुड सैंपल, तो किस सैम्पलिंग को यूज करेगा? दोस्तों फिर से वेजिटेबल वाला एग्जांपल याद कीजिए। वेजिटेबल वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था एक ऐसा सैंपलिंग था जिसमें जो जो क्लस्टर था, ठीक है, एक क्लस्टर के अंदर एक रेड वाला, एक रेड वेजिटेबल, एक ब्लू वेजिटेबल, एक येलो वेजिटेबल, फिर अगले वाले में रेड ब्लू येलो, अगले वाले में रेड ब्लू येलो, तो ये हमारा हेट्रोजेनस सैंपलिंग है क्योंकि एक एक क्लस्टर के अंदर जो आइटम्स हैं वो आपस में क्या है, आपस में हेट्रोजेनस है, लेकिन दो क्लस्टर आपस में क्या है, होमोजेनस है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग। तो दोस्तों क्लस्टर सैम्पलिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये मैंने आपको समझाया भी है कि यदि हमारा होमोजेनस हो अंदर से तो वो होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और यदि हमारा अंदर से हेट्रोजेनस हो तो वो था हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन रैंडम सैम्पलिंग वी कैन डिस्क्राइब मैथमेटिकली हाउ ऑब्जेक्टिव आवर एस्टिमेट्स आर, व्हाट इज दिस? तो वी ऑलवेज नो दैट द चांस दैट एनी पॉपुलेशन एलिमेंट विल बी इंक्लूडेड इन द सैम्पल, एवरी सैम्पल ऑलवेज हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ऑल द सैम्पल आर डायरेक्टली द सेम साइज एंड कैन बी काउंटेड बोथ ए एंड बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। तो रैंडम सैम्पलिंग में हमें चांस पता होता है कि पॉपुलेशन एलिमेंट को उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज,
तो मीन का सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों अ प्लॉट होता है। वो क्या होता है? प्लॉट है। किसका प्लॉट है? सैंपल मीन का ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सेंट्रल टेंडेंसी थ्योरम स्टेट। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बताता है आपको? तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बताता है कि जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मलिटी अप्रोच करेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन एवन इफ पॉपुलेशन नॉट नॉर्मल। ये भी सही है। यूज ऑफ सैम्पलिंग स्टडीज टू मेक इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर विदाउट नोइंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, यानी सेंट्रल टेंडेंसी थ्योरम का ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने 9 इनपुट दिए गए हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है 220.31। आपको वेरियंस बताना है। तो दोस्तों एन दिया हुआ है हमें 9, ठीक है। सिग्मा एक्स बार दिया हुआ है हमें 20.31। हमसे वेरियंस पूछा गया है। सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा अपॉन रूट एन। यहाँ से सिग्मा आप निकाल लीजिए, सिग्मा हो जाएगा 20.31 × 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 60.93 मिल गया। और वेरियंस जो होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। वेरियंस क्या होता है दोस्तों? हमारा सिग्मा स्क्वायर होता है। तो या सिग्मा इज इक्वल टू वेरियंस। तो 60 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। इसका स्क्वायर देखिए हम यहाँ निकाले हैं, ठीक है। कितना निकला है? 3712.46। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है 3712.46। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। डाटा दिए गए हैं, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। इसका स्टैंडर्ड एरर निकालने को कहा गया है। तो दोस्तों कैसे स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे इनका? स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए आपको मैं तरीका बता चुका हूँ। पहले मीन निकाल लीजिए। मीन निकालने के बाद क्या कीजिए आप? मीन निकाल, देखिए ये पहले ये समझिए, एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको n माइनस वन से क्यों डिवाइड करना है। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी सैंपल रहे, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग n माइनस वन से उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए सैंपल वाले केस में हम लोग n माइनस वन से डिवाइड करते हैं जब वेरियंस को निकाल रहे होते हैं, तो ठीक है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए कि पहले मीन निकाल लीजिए, हर एक एलिमेंट को मीन से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कीजिए और फिर उसको अंडर रूट कर लीजिए। तो ये मिल जाएगा 15.811, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, और स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट एन से उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा 7.0711, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इक्वल टू सिग्मा बाय रूट एन। तो इसके इसको कब यूज करते हैं हम लोग? जब पॉपुलेशन हमारा क्या होता है? जब पॉपुलेशन हमारा होता है इनफाइनाइट। पॉपुलेशन इनफाइनाइट होता है, एक ये केस होता है। और जब पॉपुलेशन, एक और केस होता है कि जब रिप्लेसमेंट होता है तब, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी सेम है, लेकिन यहाँ पे गलती से इसको आप ऑप्शन बी को चेंज कर लीजिए, इसको फाइनाइट बना दीजिए। सो ऑप्शन नंबर बी को आप इनफाइनाइट की जगह क्या कर दीजिए? फाइनाइट। तो जब पॉपुलेशन इनफाइनाइट होता है तब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। और एक और केस है कि जब पॉपुलेशन है विद रिप्लेसमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है सिग्मा एक्स बार का, सिग्मा का उसके बाद सिग्मा हमारा मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, पॉपुलेशन साइज दिया हुआ है, पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला सही है इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए? तो इसका फॉर्मूला सही है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा इंटू सिग्मा बाय रूट एन, ये फॉर्मूला होता है। सिग्मा बाय रूट एन अंडर ब्रैकेट एन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बैंक कैलकुलेट्स, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक बैंक कैलकुलेट करती है इस अपने इंडिविजुअल की सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन दे रखा है 2000, यानी म्यू जो है वो कितना है? 2000 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना? 600, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है सिग्मा में दिया हुआ है 600, ठीक है। बैंक क्या कर रही है? रैंडम सैंपल ले रही है 100 अकाउंट का, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि मीन जो है वो इस रेंज में लाई करे, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। म्यू और सिग्मा दिया हुआ है, पहले हम लोग सिग्मा एक्स बार निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिग्मा एक्स बार निकाल लीजिए, तो कितना निकलेगा सिग्मा एक्स बार? मिल जाएगा आपको 60 मिल गया। अब आप क्या कीजिए कि ये जो दो एक्सट्रीम वैल्यू दिया हुआ है 1900 और 2050, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जेड वैल्यू निकाल लेंगे, तो जेड वैल्यू कितना मिलेगा देखिए। तो सबसे पहले आप इसके 1900 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालिए, तो मिल जाएगा -1.67, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 200 नहीं होगा, यहाँ पे 2000 होगा, क्योंकि मीन हमारा 2000 है। गलती से यहाँ मिस्टेक है, 200 लिखा गया है। तो आप 1900 कॉरस्पॉन्डिंग जेड निकाल लीजिए -1.67, 2050 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड निकाल लीजिए 0.83, आप निकाल सकते हैं। अब आप प्रोबेबिलिटी टेबल का यूज़ कीजिए, देखिए कि -1.67 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितना दिया हुआ है।
तो ये आपको मिलेगा 0.4525, और 0.83 कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो मिलेगा 0.2967, और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा जो कि मिलेगा 0.7492। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर है, 0.7492। चलिए आगे देखते हैं, रूट एन माइनस वन, ये जो फॉर्मूला है ये क्या देता है हमें, तो ये हमें फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आप कैसे कैरी करते हो, तो आप क्या करते हो कि पॉपुलेशन को आप क्या करते हो कि पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो ग्रुप में, ठीक है ना, डिवाइड पॉपुलेशन एंड होमोजेनस ग्रुप, और ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो आप होमोजेनस ग्रुप में डिवाइड करते हो, याद है स्ट्रेटिफाइड में होमोजेनस ग्रुप में डिवाइड करते हो और सेलेक्ट करते हो इक्वली, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, व्हाट इज सैम्पलिंग फॉर ग्रुप विद कंसिडरेबल वेरिएशन विद इन बट सिमिलर टू इच अदर, तो अंदर में वेरिएशन है लेकिन आपस में सिमिलर, तो क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल ब्रांचेस दे रखे हैं 1000, सैंपल ब्रांच दे रखे हैं 20, तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर कितना होगा, तो कैपिटल एन है ये स्मॉल एन है, तो एन माइनस एन बाई एन माइनस वन, इसे निकालिए आप तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, तो 0.99 यानी 1 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है इसका, हाँ ये मल्टीप्लायर नहीं यूज करना है जब n बाई n का वैल्यू कितना हो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बुक में आपको दे रखा है, याद रखिएगा यदि n बाई n का वैल्यू 0.05 से, ठीक है, n बाई n का वैल्यू यदि 0.005 से कम हो तो इसे हम लोग यूज नहीं करेंगे, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ठीक है। फिर से देखिए क्वेश्चन है, कब किस किस सिचुएशन में इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, तो एक तो मैंने बताया इनफाइनाइट पॉपुलेशन का, और दूसरा मैंने बताया फाइनाइट पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट का, ठीक है। तो दोस्तों नॉट, यहाँ देखिए नॉट है, नॉट वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, नॉट भी करेक्ट, ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन में यूज़ तो करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, फाइनाइट पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, यदि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आप इस फॉर्मूले को नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है, यदि विद रिप्लेसमेंट है या इनफाइनाइट है तो आप इसे यूज कर सकते हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिए, ये डी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपके सामने एक एग्जांपल है, रडार यूनिट इज यूज टू मेजर स्पीड ऑफ कार ऑन मोटरवे, द स्पीड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ 60, तो मीन दे रखा है, म्यू दे रखा है, हमें 60 दे रखा है, ठीक है, ये क्या क्या आपका म्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दे रखा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार जो पिक किया गया रैंडम में वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, यानी पी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 70, ये आपसे पूछा गया है कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर से वही बात है, आप म्यू दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जेड निकाल लीजिए 70 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आपको 1 मिल जाएगा, यानी पी जेड ग्रेटर देन 1, टोटल एरिया में से क्या कीजिए, जो एरिया जेड के लेफ्ट का है उसे माइनस कर दीजिए, और हमें प्रोबेबिलिटी टेबल से वैल्यू मिल जाएगा जेड का, तो 0.8413, तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका 0.1587। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज के क्वेश्चन का सेशन, उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत कुछ क्लियर हुई होंगी, तो यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। एक टेलीग्राम का लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके आप जुड़ जाइए, ताकि जो भी क्विज वगैरह है, क्विज वहाँ पे मैं कंडक्ट करवाता हूँ, तो आप उसे आसानी से कंडक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेसन में, धन्यवाद। हमारा जो रेग्रेशन है, ठीक है, वो गो कैसा है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो दो सीरीज है, ठीक है, स्केलर डायग्राम का यूज आपको पता है ना, कि हमारे पास जो दो सीरीज है, ठीक है, हमारे पास जो डाटा पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए 1, 6, 2, 4, ठीक है, तो ये सब डाटा पॉइंट्स है, उसके बीच में कैसा रिलेशन है, तो ये करेक्ट आंसर होगा नेचर ऑफ कोरिलेशन इन टू सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ, फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उसके बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करना है, तो हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं। आपको पता है ना कोरिलेशन को यदि स्टडी करना है, मैंने बताया था व्हाट इज द मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, तो आंसर होगा स्कैटर प्लॉट और स्कैटर डायग्राम। स्कैटर प्लॉट या स्कैटर डायग्राम एक बेस्ट मेथड है, जिसके थ्रू हम लोग दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्कैटर डायग्राम इज यूज टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, नो द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, एस्टीमेट द एक्सटेंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, नन ऑफ द अबव,
तो दोस्तों स्केलर डायग्राम का यूज क्या है कि हम लोग कोरिलेशन के डायरेक्शन को देख पाते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों, यदि दो वेरिएबल का किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। यदि दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी एक पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग एक पॉजिटिव वाई के लॉन्ग, तो हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है। यदि दोनों वेरिएबल अपोजिट मूव कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग एक नेगेटिव वाई के लॉन्ग, तो हम कहेंगे इनवर्स रिलेशन है। तो दोस्तों स्केलर डायग्राम के माध्यम से हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारे जो कोरिलेशन है उसका डायरेक्शन क्या है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आपको यदि इस पार्टिकुलर जो एमसीक्यू जो उसका पीडीएफ चाहिए, जो मैं एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और वो पीडीएफ आप ले सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, द पर्पज ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस इज टू। हमारे पास जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस होता है उसका क्या पर्पज है? तो दोस्तों उसका पर्पज ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रेडिक्ट वन वेरिएबल फ्रॉम अदर वेरिएबल, यानी कि हमारे पास एक वेरिएबल पता है उस वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को पता लगाना। उसके बाद दोस्तों रिप्लेस पॉइंट्स ऑन स्कैटर डायग्राम बाय स्ट्रेट लाइन, यानी स्कैटर डायग्राम पे जो पॉइंट्स होते हैं उसको स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर लेना। तीसरा है मेजर द डिग्री टू विच टू वेरिएबल आर लीनियरली एसोसिएटेड। चौथा है ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बताइए दोस्तों रिग्रेशन एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं? तो रिग्रेशन एनालिसिस का क्या है कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सके एक वेरिएबल को जब हमको ऑब्जर्व वैल्यू पता है, यही तो मेन पर्पज है। मैंने आपको बताया था ना रिग्रेशन एनालिसिस क्या करते हैं कि हमको एक वेरिएबल का वैल्यू पता है और हम लोग उसी के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो फॉर दिस वी यूज दिस रिग्रेशन एनालिसिस। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कोरिलेशन हम लोग करते क्यों हैं, रेग्रेशन हम लोग करते क्यों हैं, फिर उसके बाद स्कैटर प्लॉट का क्या यूज है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक और टर्म है दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक टर्म लास्ट में, मैंने आपको बताया था दोस्तों स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये आखिर करते क्यों हैं। हम ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर रखना है, जब भी मैं पूछूं कि रेग्रेशन का क्या यूज है तो आप बताएंगे कि रेग्रेशन के द्वारा हमें यदि एक वेरिएबल का वैल्यू पता है तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब मैं पूछूं आपसे कि स्कैटर प्लॉट का क्या यूज है तो आप बताएंगे कि स्कैटर प्लॉट के जरिए मैं एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है उसको स्टडी कर सकते हैं। सो यू शुड नो दीज थिंग्स। ओके नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मान लीजिए स्कैटर डायग्राम पे जो पॉइंट्स हैं वो आपस में कोई टेंडेंसी ही नहीं शो करने हैं या बढ़ने का या घटने का, तो आर का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों जहाँ तक बात है आर का, तो मैंने आपको बताया था कि आर का जो रेंज होता है वो -1 से +1 होता है। यदि हमारा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है दो वेरिएबल के बीच में तो हम क्या कहेंगे कि आर का वैल्यू क्या है, 0 है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्कैटर डायग्राम में R1 आया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉइंट्स उस लाइन पे लाई करेंगे उसका स्लोप क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों R1 आ रहा है ना, तो मैंने आपको बताया था कि R यदि 1 आए तो हमारा कर्व कुछ इस प्रकार बनता है। देखिए आप डॉट 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 ऐसे बनाएंगे ना, R1 का यही केस होता है। और जब भी R1 आता है दोस्तों तो जो हमारा स्लोप होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। कैसा स्लोप होता है दोस्तों? वो पॉजिटिव स्लोप होता है। और दूसरी बात कि R1 में पॉजिटिव स्लोप तो है, और ये स्लोपिंग कहाँ से कहाँ होगा? तो देखिए ये है हमारा लेफ्ट और ये है हमारा राइट, तो स्लोप जो होगा वो अप होगा, अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। और दोस्तों राइट टू लेफ्ट, सॉरी राइट टू लेफ्ट टू राइट, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पॉजिटिव स्लोप अपवर्ड लेफ्ट टू राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए ठीक से, तो उसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है, आपसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है, r का वैल्यू पूछा गया है कितना होगा। दोस्तों अभी देखिए r का वैल्यू, r का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, बताइए r का फॉर्मूला मैंने बताया आपको कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय क्या बताया भाई, याद कीजिए, डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, यही बताया ना। तो आपको जो डाटा x और y का दिया हुआ है इस बेसिस पे आप ये सब निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब कैसे निकालिएगा देखिए मैं बताता हूँ। एक x का एक कॉलम बनाइए, एक y का कॉलम बनाइए, एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाइए, एक वाई स्क्वायर का कॉलम बनाइए और एक एक्स वाई का कॉलम बनाइए। ये सब चीज़ मैंने आपको करके देख चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सभी का कॉलम बनाइए। तो एक पहला आपका क्या है, 1 है, ठीक है। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये कितना है आपका 11, 22। ये देखिए काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, वाई का जो वैल्यू सब है ना काफ़ी बड़ा बड़ा दिया हुआ है, तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, समझ रहे हैं ना। क्यों ये मेथड इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वाई का वैल्यू देखिए 11 का स्क्वायर तो आप निकाल लेंगे, 22 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर काफ़ी लेंदी होगा और ये काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा। तो आप इस मेथड को अवॉइड ही कीजिए यहाँ पे। तो आप बोल रहे हो इस मेथड को अवॉइड करने, तो कौन सा मेथड अप्लाई करें हम लोग? तो देखिए जो मेथड अप्लाई करना है वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ। देखिए दोस्तों
आप क्या कीजिए, सबसे पहले मीन स्टेप वन में पहले मीन निकाल लीजिए, मीन निकाल लिया आपने, उसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। तो वाई के लिए निकालिए, फॉर्मूला पता है या आपके फॉर्मूला है, ठीक है। तो दोस्तों सभी का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो 17.5699 आ जाएगा। एक्स के लिए निकाल लीजिए तो आ जाएगा आपका 1.5811, ठीक है। और दोस्तों जो हमारा पास जो हमारे पास कोवेरियंस एक्स वाई होता है, तो कोवेरियंस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन आपने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकाल लिया, कोवेरियंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, समेशन ऑफ एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है। तो सिग्मा एक्स वाई, तो एक्स वाई निकालने के लिए आपको खड़ी डाटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे किया गया है, और एक्स बार वाई बार से माइनस किया गया, एक्स बार 3 है 33.2 है, ठीक है। इसे कीजिएगा तो आ जाएगा 111, ठीक है। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो आएगा वो आ जाएगा कोवेरियंस एक्स वाई माइनस डिवाइड बाई एन माइनस वन इंटू एक्स सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज आर इज इक्वल टू माइनस 1.02, तो अब बताइए दोस्तों कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको माइनस 1.02 दिया हुआ है, तो आपको कैसा कोरिलेशन दिख रहा है, कि सबसे पहली बात कि माइनस 1.02 यदि आ रहा है तो आप देख सकते हो कि ये तो हमारा इनडायरेक्ट कोरिलेशन है, और दोस्तों ये वीक कोरिलेशन, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अवॉइड कीजिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इफ वैल्यू ऑफ कोरिलेशन आर इज जीरो, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, आर यदि जीरो है तो कैसा कोरिलेशन है, पहला ऑप्शन है परफेक्ट इनवर्स कोरिलेशन, दूसरा ऑप्शन है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तीसरा ऑप्शन है नो लीनियर कोरिलेशन, चौथा ऑप्शन नो कोरिलेशन। तो दोस्तों आर जीरो है तो कोई कोरिलेशन नहीं होगा, नो लीनियर कोरिलेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इज मेजर्ड बाय, तो दोस्तों आप स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हो बताओ, आपको यदि स्ट्रेंथ मेजर करना है, कोरिलेशन के स्ट्रेंथ को मेजर करना है, तो कैसे मेजर करोगे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, तो आपके सामने ऑप्शन है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए सभी मेथड है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट से आप बेसिकली स्ट्रेंथ को मेजर करते हो, लेकिन आर भी हेल्प करता है, डिटरमिनेशन भी हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आर का वैल्यू है 9.8, तो ऐसा दोस्तों ये गलत है, 0.98 होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, 9.8 नहीं हो सकता है दोस्तों, ये 0.98 होगा, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिए। आर का वैल्यू 0.98 है तो कैसा कोरिलेशन है, तो वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग, इनडायरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट एंड वीक, इनडायरेक्ट एंड वीक। तो दोस्तों आर का वैल्यू यदि हमारा 0.98 है तो उस केस में बताइए कैसा कोरिलेशन है, तो पहली बात की डायरेक्ट तो है, इनडायरेक्ट तो है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इनडायरेक्ट मतलब नेगेटिव होगा, यहाँ आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो डायरेक्ट तो है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो गया। अब डिपेंड करता है स्ट्रांग है या वीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वन से जितना नज़दीक होगा उतना स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली ये वन से नज़दीक ही तो है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी इट इज डायरेक्ट एंड स्ट्रांग। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, फिर से देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है -0.95, अब बताइए दोस्तों, तो आप बताइए सबसे पहली बात नेगेटिव है तो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और दूसरी बात क्या है कि वीक है कि स्ट्रांग है, देखिए ये भी वन के क्लोज है ना, इसलिए स्ट्रांग है, ठीक है, तो बी तो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव कर रहा है, सी होगा, सी आंसर सही है, ठीक है, और ए और डी गलत है, तो ऑप्शन सी नंबर सही है। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये होता क्या है आपको पता है दोस्तों, जब हम लोगों ने रेग्रेशन पढ़ा था ना, तो आपको मैंने बताया था कि वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है ना, ठीक है, तो ये y on x है, तो इसमें जो स्लोप आता है वो होता है हमारा बी वाई एक्स, कभी कभी आप देखिएगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई भी रहेगा, मान लीजिए ऐसा कोई कर्व है, ठीक है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई रहेगा, तो उस केस में हमारा आता है बी एक्स वाई। तो दोस्तों r का जो वैल्यू होता है ना, वो ये दोनों का अंडर रूट का प्रोडक्ट होता है, इसे भी नोट कर लीजिए आप, ये फॉर्मूला भी कभी कभी काम आता है। तो अब क्या कीजिए, 0.25 इंटू 0.64 इसका रूट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.8 यानी हो जाएगा 40/100 यानी 0.4 यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। समझ में आया आपको कि आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ना वो स्क्वायर रूट होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अब देखिए आर का वैल्यू दिया हुआ है -1, पहली बात तो नेगेटिव है तो इनडायरेक्ट होगा, दूसरी बात कि वन है तो परफेक्ट होगा, ठीक है, तो दोस्तों परफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कैटर डायग्राम एज अ टेक्निक इन यूज इन कोरिलेशन इज अंडरटेकन, अब स्कैटर डायग्राम कैसे अंडरटेक करते हो, बाय प्लॉटिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ ग्राफ पेपर टू सी द रिजल्ट, बिल्कुल गलत, बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड देन ड्रॉइंग लाइन लिंकिंग पॉइंट, ये भी सही है, बाय प्लॉटिंग पैरेलल लाइन ऑन ग्राफ, ये भी गलत है, ठीक है, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज कॉल्ड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
देखिए रेग्रेशन लाइन, अभी मैंने आपको बताया है कि वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये जो स्लोप होता है बी, इसको कहते हैं वाई ऑन एक्स, ठीक है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग रेग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस बी को क्या कहते हैं, इस बी को बेसिकली कहा जाता है बी एक्स बी वाई एक्स, यानी रेग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन आर इज ऑलवेज फॉल बिटवीन, दोस्तों आर का वैल्यू किस किस रेंज में रहता है, तो वो रहता है माइनस वन से प्लस वन के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। आर का वैल्यू जो है वो हमेशा माइनस वन से प्लस वन के बीच में रहता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिटिव कोरिलेशन एक्स और वाई के बीच में, इसका क्या मतलब है, यदि पॉजिटिव कोरिलेशन है इसका ऑप्शन नंबर ए कर रहा है एक्स हाई है तो वाई हाई होगा, एक्स हाई है तो वाई लो होगा, एक्स जीरो है तो वाई पॉजिटिव होगा, और चौथा कह रहा है कि एक्स और वाई जो है वो पॉजिटिवली अनरिलेटेड है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि एक्स हाई है तो वाई भी हाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है द प्रोसेस बाय विच वी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रेग्रेशन। तो बताइए कि हमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू पता है और उसके बेसिस पे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं रेग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये आप नोट कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर डिक्टेट दैट वी चूज अ रेग्रेशन लाइन वेयर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन इज लेस। दोस्तों जब हम लोग लीस्ट स्क्वायर की बात करते हैं ना, तो लीस्ट स्क्वायर में क्या कहा जाता है कि बेसिकली हम ये पता करते हैं, ये बेसिकली लाइन ऑफ बेस्ट फिट होता है, एक ऐसा लाइन होता है जो कि उस पॉइंट से पास हो रहा होता है। तो हम लोग जब भी लीस्ट स्क्वायर मेथड को अप्लाई करते हैं रेग्रेशन एनालिसिस में, then what we try to do, we try to find the sum of square of deviation of the point from the line is minimum या zero, ठीक है, वो हम try करते हैं कि minimum हो, ठीक है दोस्तों, we want to minimize the square of deviation। और दोस्तों जब हम लोग बात कर रहे हैं square of deviation की, तो इसका मतलब क्या हुआ, variance की तो बात कर रहे हैं, that is what we want to do, we want to minimize the square of deviation, so that's why the correct answer is option number B। Okay, let's move to the question number 21. Our next question is a relationship where the flow of the data point is best represented by a curve is called. देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हमारे पास डाटा पॉइंट्स है, आप उसके फ्लो को एक कर्व से डिनोट कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग। तो पहली बात कि कर्व है तो लीनियर तो होगा नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों लीनियर बेसिकली वी एक तरह का कर्व होता है और हम इस चैप्टर में कन्फाइन करना है लीनियर से ही, तो आप क्या कर रहे हो, डाटा पॉइंट्स को एक कर्व से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये हमारा एक लीनियर रिलेशनशिप का टाइप है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सो इट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व इज कॉल्ड लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं ऑल डाटा पॉइंट्स फॉलोइंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कर रहा है, जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग फॉल कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग लीनियर रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू वी वुड प्रिडिक्ट फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर ऑल इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो सभी के सभी जीरो हैं, तो हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं हम लोग इंटरसेप्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इंटरसेप्ट का मतलब क्लियर है आपको, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कर्व है हमारा, दिस इज कर्व, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग बात करें ना वाई इंटरसेप्ट की, तो वाई इंटरसेप्ट कब होगा, जब एक्स का वैल्यू जीरो, और एक्स इंटरसेप्ट कब होगा, जब वाई का वैल्यू जीरो हो। तो जब भी एक वेरिएबल जीरो होता है तो दूसरे वेरिएबल का जो वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इस केस में देखिए ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, क्यों, क्योंकि तो इस पॉइंट पे आप वाई का वैल्यू जीरो ले रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम लोग वाई इंटरसेप्ट, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे आप एक्स का वैल्यू जीरो ले रहे हैं। तो जब भी एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग जीरो लेते हैं तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू आता है उसे हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द प्रेडिक्टेड रेट ऑफ रिस्पांस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसमें कुछ चेंजेस आए, आपने क्या किया उसका रिस्पॉन्स प्रेडिक्ट किया, उसका रिस्पॉन्स में कितना चेंज आ रहा है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं दोस्तों स्लोप, व्हाट वी कॉल इट स्लोप, राइट, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं द स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज कॉल्ड। तो दोस्तों रेग्रेशन लाइन है वाई ऑन एक्स, इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे कहते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सिंपल लीनियर रेग्रेशन द नंबर ऑफ अननोन कांस्टेंट आर। तो एक सिंपल लीनियर रेग्रेशन है तो उसमें अननोन कांस्टेंट कितने होते हैं, तो दोस्तों अननोन कांस्टेंट एक ही तो होंगे, जैसे ना सॉरी दो होंगे, जैसे वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो एक ए कांस्टेंट और एक बी कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये लीनियर रेग्रेशन है क्योंकि हम लोग लीनियर लाइन की बात कर रहे हैं, तो वी हैव ओनली टू अननोन कांस्टेंट, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ भी दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इफ द वैल्यू ऑफ एनी रेग्रेशन को अब बताइए कि रेग्रेशन कोएफिशिएंट ही जीरो आ गया तो आप क्या कहेंगे। तो यदि मान लीजिए कि रेग्रेशन कोएफिशिएंट आपका जीरो आ गया तो फ्रेंड्स व्हाट यू कॉल इट, तो दो वेरिएबल कैसे हैं, डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कोरिलेटेड हैं या क्या हैं। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये इंडिपेंडेंट है, ध्यान दीजिएगा। यदि रेग्रेशन कोएफिशिएंट हमारा आर का सॉरी हमारा जो ए और बी, ए भी जीरो आ गया, बी भी जीरो आ गया, तो आप कहेंगे कि दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, आपस में कोई डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन वाई इक्वल टू प्लस बी स्लोप विल बी अपवर्ड। दोस्तों स्लोप इसमें होता क्या है, तो जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसे हम लोग स्लोप कहते हैं। तो जब स्लोप का वैल्यू बी पॉजिटिव होगा तभी तो स्लोप अपवर्ड होगा, यदि बी नेगेटिव होगा स्लोप हमारा डाउनवर्ड होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर देखिए स्लोप विल बी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप मतलब कि बी का वैल्यू जी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब बी, ऑप्शन नंबर बी। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। उसका स्लोप हॉरिजॉन्टल है, मतलब ऐसा कर्व बन रहा है। दोस्तों हॉरिजॉन्टल स्लोप का मतलब ये हुआ कि आपका बी का वैल्यू जीरो है, ठीक है। बी का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं, यदि मान लीजिए कि रेग्रेशन लाइन है, रेग्रेशन लाइन ऑफ डैश वैल्यू ऑफ, दोस्तों यहाँ कुछ मिसिंग है, इस क्वेश्चन को आप भी स्किप कर दो। यहाँ पे लगता है x इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू 5 होगा, कुछ मिसिंग है, तो यू कैन स्किप राइट नाउ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का, तो आपको पूछा गया है कि y इंटरसेप्ट पूछा गया है। तो दोस्तों y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, तो आप देखिए कंपेयर कीजिए, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स से कंपेयर कीजिए। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू कितना है, -0.2 है। मैंने a को क्या बताया था, a को बताया था ना y इंटरसेप्ट। तो दोस्तों a का वैल्यू 2 है, तो यानी ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे देखते हैं, यदि एक रेग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो ज़्यादा है दूसरे से, तो अदर विल क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है कि रेग्रेशन कोएफिशिएंट एक का वैल्यू दूसरे से ज़्यादा, आपको पता है ए और बी रेग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं, तो मान लीजिए ए बी से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि अदर विल बी लेस देन वन, सो इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। सो अदर विल बी व्हाट, लेस देन वन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो यदि आपको किसी पर्सन का हाइट डिटरमाइन करना है जब उसका वेट दिया गया है, तो ये कैसा प्रॉब्लम है, कोरिलेशन का प्रॉब्लम है या रेग्रेशन का प्रॉब्लम है या एसोसिएशन का प्रॉब्लम है या क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों आप देखिए, यदि आपको हाइट पता लगाना है और वेट दिया हुआ है, तो ये हमारा रेग्रेशन का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है, तो दिस इज प्रॉब्लम ऑफ रेग्रेशन, क्योंकि मैंने बताया ना एक वेरिएबल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल है, एक हाइट एक वेरिएबल है और वेट दूसरा वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको दूसरा वेरिएबल पता लगाना है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ रेग्रेशन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो वाई को क्या कहते हैं इसमें। देखिए एक्स होता है हमारा, एक्स होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी एक्स होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y को कहते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। रेग्रेशन इक्वेशन x इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इज कॉल, बताइए इस केस में देखिए, तो y जो होगा मेरा, जो भी हमारा x एक्सिस पे होगा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है ना, तो इस केस में भी जो x है हमारा, सो दिस केस में भी जो x है हमारा वो हमारा डिपेंडेंट ही होगा, x इज x y पे डिपेंडेंट है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। हाँ, इस केस में y इक्वल टू ए प्लस बी, ए को क्या कहते हैं हम लोग, ए को कहते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट, ठीक है, क्या कहते हैं y इंटरसेप्ट। अब देखिए ग्राफ जो शो करता है पेयर्ड पॉइंट को x y y, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्कैटर डायग्राम कहते हैं। व्हेन द रेग्रेशन लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन, जब ऑरिजिन से पास होगा तो क्या होगा, तो रेग्रेशन कोएफिशिएंट इज जीरो ऑब्वियसली, y इक्वल टू यदि a प्लस बी एक्स है, ठीक है। तो यदि कोई पॉइंट ऑरिजिन से पास होता है तो उसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा, तो x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा, यानी a जीरो होगा हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि जो इंटरसेप्ट है वो कितना होगा, जीरो होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डैश द ऑफ द टू रेग्रेशन कोएफिशिएंट, तो देखिए मैंने बताया है जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो अंडर रूट होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का होता है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो दो रेग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ सिंपल रेग्रेशन एनालिसिस इज टू, आखिर रेग्रेशन क्यों करते हैं हम लोग, तो आपको एक वेरिएबल पता लगाना है दूसरे वेरिएबल से, इसलिए करते हैं हम लोग। द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई एंड वैल्यू ऑब्टेन्ड व्हेन द फिटेड रेग्रेशन लाइन इज कॉल्ड इज ऑलवेज, तो ये हमेशा जीरो होता है। इफ द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई आर सेम रेग्रेशन लाइन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर विल बी, ये भी जीरो होगा।
इफ द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, अब देखिए स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। आर क्या मेजर करता है, आर मेजर करता है क्या स्ट्रेंथ है। मैंने बताया ना यदि आर का वैल्यू वन वन हो जाए तो परफेक्ट स्ट्रेंथ है, माइनस वन हो जाए तो परफेक्ट नेगेटिव स्ट्रेंथ है, यदि वन के क्लोज है तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो आर क्या मेजर करता है, आर स्ट्रेंथ को मेजर करता है कि जो लीनियर रिलेशनशिप है उसके उसके स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो आर से मेजर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आर मेजर करेगा स्ट्रेंथ को, ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन रेग्रेशन जो है, रेग्रेशन मेजर करता है आपका क्या, रेग्रेशन मेजर नहीं करता, रेग्रेशन आपको बताता है, प्रेडिक्ट करता है, रेग्रेशन प्रेडिक्ट करता है वेरिएबल के वैल्यू को, ठीक है, वेरिएबल के वैल्यू को, ठीक है, ये सब चीज़ क्लियर होना चाहिए, आर क्या मेजर करेगा, रेग्रेशन क्या मेजर करेगा, सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं, वैन रेशियो वेरिएशन इन द रिलेटेड वेरिएबल इज कॉन्स्टेंट इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल एक्स एंड वाई इंक्रीज और डिक्रीज साइमल्टेनियसली, तो बताइए यदि एक्स और वाई एक साथ ही डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो आर क्या होगा हमारा, आर पॉजिटिव होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि स्कैटर डायग्राम पे जो पॉइंट्स हैं, इफ द पॉइंट ऑन स्कैटर डायग्राम इंडिकेट दैट वन वेरिएबल इंक्रीजेस तो अदर वेरिएबल विल टेंड टू डिक्रीज, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो इससे इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ द पॉइंट ऑन डायग्राम सो नो टेंडेंसी, ना कोई टेंडेंसी नहीं है तो आर का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू सीरीज मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन देन वेरिएशन इन द वैल्यू आर पॉजिटिव, इसे क्या कहेंगे, यदि रिवर्स डायरेक्शन मूव कराए तो क्या कहेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, इफ बोथ द सीरीज मूव इन सेम डायरेक्शन और फिक्स प्रोपोर्शन में है वेरिएशन, इसे कहेंगे हम लोग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, आर का वैल्यू किसके रेंज में लाया जाता है, तो माइनस वन से प्लस वन के रेंज में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों आपके साथ मैं मैकमिलन का अनसॉल्व क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जितने भी मैकमिलन के पीछे में अनसॉल्व क्वेश्चन दिए गए हैं उसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप मैकमिलन बुक को निकालिए, मैकमिलन बुक को खोलिए और आप देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर आपको दिखेगा, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन से मिलाइए, आप देखिए कहां मिस्टेक कर रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, इस बेस्ट तरीका सॉल्व करने का एक बार आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं केस स्टडी में ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसका प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों मैकमिलन बुक में क्या कर रहा है, आपके पास एक टेबल दिया हुआ है एक्स और वाई का, देख सकते हैं आप टेबल दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बेस्ट फिटिंग लाइन बताना है, यू हैव टू फाइंड द बेस्ट फिटिंग लाइन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बेस्ट फिटिंग लाइन बताना है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट बताना है, और तीसरा आपको बताना है प्रिडिक्शन बताना है, प्रिडिक्शन इंटरवल फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 44 विद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो दोस्तों आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं, हम लोग स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेस्ट फिटिंग लाइन बताना यानी रेग्रेशन का क्वेश्चन है, तो रेग्रेशन का क्वेश्चन है तो आपको वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एस का फॉर्मूला पता है आपको, इसका यही आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का फॉर्मूला आपको पता है, बी का फॉर्मूला होता है को वेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो आपको वेरियंस निकालिए सिग्मा एक्स निकालिए फिर बी मिल जाएगा, और ए का फॉर्मूला भी आपको पता है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे, तो अगले स्टेप में अगले स्लाइड में देखिए, सबसे पहले तो टेबल बनाइए आप, टेबल बनाइए, टेबल में आपको चार कॉलम पाँच कॉलम बनाना है, एक एक्स का एक वाई का एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का और एक्स वाई का। ठीक है, उसके बाद आप वैल्यूज़ को लिखिए, अब आप एक्स स्क्वायर निकालिए वाई स्क्वायर निकालिए एक्स वाई निकालिए और सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों मीन निकाल लीजिए, क्योंकि मीन का यहाँ पे रोल है, मीन कैसे निकालते हैं तो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसका भी मीन सभी का आप लोग क्या किए मीन निकाल लिए। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहला स्टेप में क्या निकालना है, हमें वेरियंस निकालना है, तो वेरियंस का फॉर्मूला पता है, वेरियंस एक्स का वेरियंस कैसे निकलता है, तो एक्स का वेरियंस निकलता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाय एन तो आपने निकाल लिया, देखिए एक्स स्क्वायर को एन से डिवाइड करके कितना मिला 2312.71 मिला ना 2312.71, तो ये आपका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन मिल गया। ठीक है, और एक्स बार भी आपने निकाल लिया, एक्स बार कितना निकला है 47.57। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, हाँ तो पुट किया तो वैल्यू मिलेगा आपको 49.673। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका रूट निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 7.05974। उसी तरह वाई के लिए कर लीजिए, वाई के लिए समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाय एन, तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाय एन कहाँ निकला है, देखिए तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर बाय एन निकला है ना 15013, और एक्स बार और वाई बार का इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगा 26.7996, इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा 5.1763। अब दोस्तों आपने स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का निकाल लिया वाई का निकाल लिया, आपको वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो क्या होता है कोवेरियंस का फॉर्मूला, आपको पता है कोवेरियंस का फॉर्मूला, तो दोस्तों कोवेरियंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स वाई बाय एन हाँ माइनस मीन एक्स बार इंटू वाई बार, तो एक्स वाई का समेशन बाय एन कर लीजिए
तो वो कहाँ से कीजिएगा? तो देखिए उसके लिए अलग से टेबल बना हुआ है इस चार्ट में, तो कितना है 1870.67 है ना, तो ये आपको मिल जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई बाई एन माइनस मीन एक्स इंटू मीन वाई, तो आपको मिल जाएगा 36.4531। दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई, हाँ कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, तो आपको आर निकल जाएगा। आपको यदि रेग्रेशन इक्वेशन निकालना है तो बी होता है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा 0.77385। ए निकालने के लिए क्या करना है? मीन वाई माइनस बी इंटू एक्स वाई, तो मिल जाएगा इतना। तो इक्वेशन आपको मिल गया दोस्तों, ये पहला पार्ट सॉल्व। दूसरा पार्ट में क्या पूछा था? स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का फॉर्मूला? तो दोस्तों स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए टाइम्स समेशन ऑफ वाई माइनस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एन माइनस टू। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया भी है अपने चैप्टर में, उसे आप एक बार देख सकते हैं। तो आपको ये स्टैंडर्ड एस्टीमेट 0.21995 मिल जाएगा। एक्स 44 दिया हुआ है तो वाई निकाल लीजिए कितना निकलेगा, 35.9362। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ जो डेविएशन होता है वो होता है 2 times स्टैंडर्ड एरर, ये भी मैंने आपको बताया है। 95% पे क्या होता है 2 times स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर कितना है 0.21995, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.4399 से। तो दोस्तों हमारा जो वाई का वैल्यू है वो किसी रेंज में लाई करेगा? वो लाई करेगा वाई बार यानी 35.9362 माइनस 2 times में माइनस कितना हो जाएगा 0.4399, और एक हो जाएगा 35.936 प्लस 0.439, इस रेंज में लाई करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मैकमिलन बुक उठाइए और देखिए इसका अनसॉल्व क्वेश्चन में आ जाइए। और दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर देखिए 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, मैं इस डाटा को फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको। ये 100 है, ये 500 है, ये 220 है, ये 800 है, ये 120 है, ये 1300 है, ये 350 है, ये 2000 है, ये 420 है, ये 2700 है, ये 300 है, ये 2800 है, उसके बाद दोस्तों ये 410 है, ये 3500 है, ये 590 है, ये 3800 है, और दोस्तों 470 है, और यहाँ पे कितना है 3900 है। ये डाटा आपको यहाँ दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, आपको लीनियर ट्रेंड ड्रॉ करना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हुए और आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल, और कोरिलेशन ऑफ डिटरमिनेशन बताना है, कोवेरियंस बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले तो टेबल बना लीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, वाई स्क्वायर निकाल लीजिए, एक्स वाई निकाल लीजिए, सबका समेशन कर लीजिए, मीन निकाल लीजिए सबका। निकाल लिया आप? चलिए पहला स्टेप वेरिएंस निकालते हैं एक्स का। तो वेरिएंस एक्स का कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपको पता है? फॉर्मूला पता है ना? तो फॉर्मूला आपको पता है तो दोस्तों देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए तो वेरिएंस निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, वाई का भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या कीजिएगा आप? कोवेरियंस निकालने के लिए समेशन ऑफ एक्स वाई बाय मीन ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए आर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन 0.91 मिल जाएगा आपको। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन याद रखिए कि आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर क्या होता है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता है। तो ये निकाल सकते हैं, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से आप बी निकाल लीजिए, फिर ए निकाल लीजिए। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, वाई एक वैल्यू दिया हुआ था उस बेसिस पे आप दोनों निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मैकमिलन बुक का देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव। ये क्वेश्चन नंबर फाइव है कि एक फैक्ट्री है, उसमें कंसल्टेंट को कहा गया कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो वर्कर और सुपरवाइजर के बीच में। कंसल्टेंट ने टॉक किया डेंजर ऑफ सुपरवाइजिंग द वर्क, द वर्कर इन असेंबली लाइन गिवन सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टास्क परफॉर्म ड्यूरिंग द वर्कर परफॉर्मेंस, सुपरवाइजर कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट द वर्कर टू असिस्ट हिम, एट द एंड ऑफ द टास्क द वर्कर इज गिवन साइकोलॉजिकल टेस्ट टू मेजर द हॉस्टिलिटी टुवर्ड द सुपरवाइजर, दिस वर्क एट वर्कर। अब देखिए इतना डाटा का जरूरी नहीं है, ये डाटा आपको दिया हुआ है, 8 वर्कर का इंटरप्शन दिया हुआ है, ये 5, ये दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये डाटा मत देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। आप ऐसे देखिए 5 है, 58 है, ठीक है, उसके बाद 10 है, यहाँ 41 है, उसके बाद 10 है, 45 है, उसके बाद 15 है, 27 है, उसके बाद 20 है, 12 है, उसके बाद 20 है, 16 है, उसके बाद 25 है, ये 3 है। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ इंटरप्शन, और ये क्या है? वाई हमारा हॉस्टिलिटी स्कोर। ठीक है, आपको डाटा को प्लॉट करना है और बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करना है, एक्सपेक्टेड स्कोर एक्स का आर का वैल्यू इतना है, सैंपल कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल सब कुछ बताना है। तो दोस्तों फिर से वही काम, टेबल बनाइए, मीन निकालिए, वेरियंस एक्स का निकालिए, वेरियंस वाई का निकालिए, सब में वही स्टेप है, स्टैंडर्ड एक्स का निकालिए, स्टैंडर्ड वाई का निकालिए, कोवेरियंस निकालिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालिए, फिर बी का वैल्यू निकालिए, ए का वैल्यू निकालिए, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए आप मैकमिलन बुक को उठाइए, सब में एक ही कॉन्सेप्ट का काम करना है आपको सभी क्वेश्चन में, तो आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, आप मैकमिलन बुक को उठाइए, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ। ठीक है दोस्तों, देखिए हाउसिंग एरिया है
और उसमें आपको हाउसिंग अप्लायंस के उसमें चार्ट दिया हुआ है, सब काम वही करना है। तो देखिए वही वही काम किया गया यहाँ पे, तो आपको समझ सकते हैं यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है सब में एक ही काम करना है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा 95% यदि कॉन्फिडेंस इंटरवल रहता है तो एक्स माइनस टू एक्स सॉरी उस केस में क्या होता है, टू टाइम्स स्टैंडर्ड एरर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यदि 64, एक तो है 95% और एक होता है हमारा 65%, तो उसमें हम लोग 1 टाइम्स लेते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, होपफुली आपने लेसन इन्जॉय किया होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैंने हर एक तरह के क्वेश्चन आपको समझा दिए, और यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में, यदि आप समझे इन चीज़ों को। तो दोस्तों एक लाइक कीजिए चैनल को, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। और यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है नीचे व्हाट्सएप नंबर मैं दे रखा हूँ, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस तरह के पीडीएफ के लिए, एमसीक्यूज का पीडीएफ के लिए और थ्योरी के लिए पीडीएफ के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। स्विच के क्या है कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो सीजनल हो, चाहे वो साइक्लिकल हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टाइम सीरीज डाटा इज कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड एट, टाइम डाटा को कब कलेक्ट करते हैं, तो डाटा को ईयरली, मंथली, रेगुलर या रैंडम, तो रेगुलर होता है, ठीक है। टाइम सीरीज में क्या होता है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, तो इसलिए रेगुलर वर्ड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर वेरिएशन दैट इज मेड इन टाइम सीरीज टेबल, तो देखिए ट्रेंड साइक्लिकल इरेगुलर होता है, ट्रेंड होता है प्रेडिक्टेबल, ये नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सीजनल कंपोनेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड आर रेगुलर रिपीटेड पैटर्न आर लॉन्ग रन ऑफ ऑब्जर्वेशन, बताइए। तो सीजनल कंपोनेंट होता है वो लॉन्ग रन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, और वो हमेशा क्या होता है, रेगुलर रिपीटेड पैटर्न होता है। याद होगा आपको सीजनल पैटर्न जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कैसे कुछ इस प्रकार का पैटर्न आता है, याद कीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ट्रेंड लाइन है, तो ऐसा सीजनल पैटर्न ऐसे करके ये कुछ इस प्रकार का आएगा, सीजन में बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा सीजनल पैटर्न है, तो ये हमेशा रेगुलर होगा और रिपीटेड लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मली गेट मोर केसेज इन फ्लू इन द विंटर सीजन, तो ये कैसा एग्जांपल है, तो ये जो एग्जांपल है वो हमारा है सीजनल इंडेक्स का, सीजनल वेरिएशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल मूवमेंट परसिस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड, तो लॉन्ग पीरियड के लिए हमेशा जब भी रहेगा तो हमेशा सेकुलर ट्रेंड होता है, ठीक है। आगे, विच वेरिएशन डज मूविंग एवरेज मेथड एलिमिनेट, तो मूविंग एवरेज मेथड किस वेरिएशन को एलिमिनेट करता है, बताइए। तो सीजनल वेरिएशन को एलिमिनेट करता है, ठीक है। डिप्रेशन इज बिजनेस, अभी हम लोगों ने मूविंग एवरेज देखा था ना, याद होगा। डिप्रेशन जो होता है दोस्तों बिजनेस में वो कैसा होता है, तो साइक्लिकल वेरिएशन होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो हमारा बिजनेस साइकिल होता है वो साइक्लिकल वेरिएशन का एक टाइप है, ठीक है। आगे देखते हैं, द जनरल पैटर्न ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन इकोनॉमी सोशल फिनोमेना इज शोन बाय, तो देखिए इसमें ये होता है हमारा सेकुलर ट्रेंड, क्या होगा इसका सेकुलर ट्रेंड, सॉरी इसका होगा हमारा साइक्लिकल वेरिएशन। देखिए इकोनॉमिक्स में जो डिक्रीज और इंक्रीज होता है उसके लिए कौन सा मेथड है हमारा, साइक्लिकल वेरिएशन है एप्लीकेबल, ठीक है। आगे देखते हैं, रिमूविंग द हाइएस्ट एंड लोएस्ट एक्चुअल टू मूविंग एवरेज वैल्यू एंड कंप्यूटिंग सीजनल इंडेक्स फॉर द एनुअल, अब देखिए हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम लोग हाइएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को रिमूव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि जो हमारे पास एक्सट्रीम साइक्लिकल वेरिएशन है, जो सेकुलर ट्रेंड है और सीजनल वेरिएशन है, उन सभी को रिमूव कर सकें। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सॉरी इस क्वेश्चन का करेंट आंसर एक्सट्रीम साइक्लिकल वेरिएशन को रिमूव करना है, सेकुलर ट्रेंड को नहीं, सीजनल वेरिएशन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो एक्सट्रीम साइक्लिकल वेरिएशन है उसे रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइज इन प्राइस बिफोर ईद, ईद से पहले प्राइस का बढ़ना, तो ये कैसा ट्रेंड है, तो ये हमारा सीजनल ट्रेंड है, ठीक है। नेक्स्ट है, द रिपीटेटिव मूवमेंट अराउंड ट्रेंड लाइन इन फोर मंथ पीरियड इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय, तो फोर मंथ पीरियड में जो ट्रेंड लाइन का मूवमेंट है उसको कैसे बेस्ट है, तो सीजनल से करते हैं, सीजनल वेरिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री इंक्रीजेस स्टेडली ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर, हाउएवर द इंक्रीज इन वेरियस ईयर आर नॉट इक्वल, द इंक्रीज इन द सेकंड एंड थर्ड ईयर आर लेस देन द थर्ड ईयर, तो ये कैसा होगा, तो ये सेकुलर ट्रेंड होगा। नेक्स्ट है, एक टूरिस्ट रिजॉर्ट जो कि हिली स्टेशन एरिया में लोकेटेड है, तो रूम ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ता है मार्च से जून में, फिर अक्टूबर तक घट जाता है और फिर बढ़ता है फरवरी तक, तो ये कैसा ट्रेंड, तो ये सीजनल ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी रिसेशन एंड डिप्रेशन इन अ बिजनेस साइकिल, तो ये फिर से वही बात है कि जो बिजनेस साइकिल होता है हमेशा साइक्लिकल ट्रेंड का एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट टू स्टडी द सेकुलर ट्रेंड, आखिर सेकुलर ट्रेंड हम लोग क्यों स्टडी करें, पहला हिस्टोरिकल पैटर्न कैन बी डिस्क्राइब, बिल्कुल सही, फ्यूचर चेंजेस कैन बी प्रेडिक्टेड, बिल्कुल सही, ट्रेंड कंपोनेंट एंड सीजनल कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड, बिल्कुल सही, लेकिन एक्चुअली एक्यूरेट प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 ऑल, 1 2 1 2 3 ओनली, ठीक है।
आगे साइक्लिकल वेरिएशन एज अ कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज काइंड्स टू ऑसिलेट अबव एंड बिलो द साइक्लिकल ट्रेंड लाइन फॉर हाउ मच पीरियड। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो साइक्लिकल वेरिएशन होता है वो क्या होता है, लॉन्गर देन वन ईयर का होता है, ठीक है, साइक्लिकल ट्रेंड से एक से ज़्यादा साल के रहता है। और जो सीजनल वेरिएशन होता है वो एक साल से कम का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है नंबर ऑफ शिप्स के बारे में कि 2015 में कितना शिप हार्बर पे लूट किया गया था, 98, 16 में 104, 17 में, तो देखिए बढ़ रहा है, 98 से 114, 104 के बाद 115, 118, 131, वैसे करके बढ़ते जा रहा है ये, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं कि कैसा वेरिएशन है दोस्तों। ये वेरिएशन जो है हमेशा सेकुलर ट्रेंड होता है, जब भी बढ़ता है तो क्या होता है दोस्तों, हमारा सेकुलर ट्रेंड होता है, ठीक है। अब देखिए पैराबोलिक कर्व का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोलिक कर्व का इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम सीरीज में क्या कह रहा है कि रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड द डिग्री ऑफ वेरिएशन इज मेजर्ड बाय। तो डिग्री ऑफ वेरिएशन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं मूविंग टू एवरेज मेथड में दोस्तों, डिग्री ऑफ वेरिएशन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं वेरिएशन अवे फ्रॉम द बेस, वेरिएशन अवे फ्रॉम द बेस, ठीक है। टू मेजर द सीजनल वेरिएशन अंडर टाइम सीरीज डैश इज आर रिक्वायर्ड। तो सीजनल वेरिएशन को मेजर करने के लिए किस मेथड की रिक्वायरमेंट होती है, रेसिडुअल, सीजनल, इरेगुलर या एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों सीजनल वेरिएशन के रिक्वायरमेंट के लिए हमें सीजनल इंडेक्सेस की यूज होती है, एसआई का यूज होता है दोस्तों, ठीक है। अंडर सीजनल वेरिएशन द टाइम सीरीज डिसनलाइज कैसे करते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू को हम लोग सीजनल इंडेक्स से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डिवाइड करते हैं दोस्तों, सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं करते हैं। अब देखिए टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग में सीजनल इंडेक्स दिया हुआ है पहला दो तीन क्वार्टर का इतना 0.80, 0.90, 0.195। तो आप क्या कर सकते हैं फोर्थ क्वार्टर के बारे में, देखिए जो हमारे पास सीजनल इंडेक्स का वैल्यू होगा ना वो वन के, वो सम जो होता है वन के बराबर होता है, ये आपको पता है। तो आपको देखिए 0.80, 0.90, 0.95 सबको जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा आपको बताइए, 5987, वो 4 के बराबर होगा दोस्तों, 4 के बराबर, नॉट 1 के बराबर, किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो 8, 9, 17, 17, 9, 26, 26, तो 2.65 है। तो 4 में से 2.65 माइनस कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 1.35 मिलेगा ना, ठीक है। देखिए 1.35 जो है चौथा क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स होगा, तो यदि तीन क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स पता है तो आप चौथा क्वार्टर का निकाल सकते हैं दोस्तों। ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। आगे सीजनल वेरिएशन जो होता है वो क्या होता है, रेपिटेटिव प्रेडिक्टेबल। तो दोस्तों सीजनल वेरिएशन रेपिटेटिव होता है, ठीक है, प्रेडिक्टेबल भी होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखिए ये हमारे पास मैकमिलन बुक का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ का है, मैकमिलन बुक का। तो मैकमिलन बुक का क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसको मैं समझाता हूँ, आपसे क्या कहा गया है कि हर एक साल का सीजनल इंडेक्स निकालो, ठीक है। देखिए ये डाटा दिया हुआ है 98, 99, 2000, 2001, स्प्रिंग का दिया हुआ है, समर का दिया हुआ है, फॉल विंटर। देखिए क्वार्टर का पूछता तो अलग तरीके से निकलता, लेकिन यहाँ ईयर का पूछा है, ईयर का पूछा है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो डाटा दी गई है 87, 106, 86, 125, तो इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेगा तो 404, 405, 404, 404 मिलेगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेगा, एवरेज निकाल लीजिए इसका, एवरेज निकलेगा ऐसे, ठीक है। और एवरेज निकालने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, ये एवरेज जो है निकला है, ठीक है, उसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, सम से, ठीक है। देखिए ए वाई डबल ए एक्चुअल वैल्यू जो है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो हमें सीजनल इंडेक्स मिल जाएगा हर एक ईयर का, तो वो कितना मिलेगा, 99.94, 101, ये सब मिल गया आपको, ठीक है। तो यही हमारा सीजनल इंडेक्स, ये सब जो वैल्यू है, ये सब क्या है, सीजनल इंडेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि वाई सी ए इक्वल टू बी एक्स है, तो बी पॉजिटिव है, इसका मतलब कैसा ट्रेंड है, तो बी यदि पॉजिटिव है दोस्तों तो ये हमारा राइजिंग ट्रेंड होता है, कैसा ट्रेंड होता है ये हमारा, दिस इज राइजिंग ट्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में इरेगुलर वेरिएबल नॉट रिपीट विद डेफिनेट, तो ये होगा ऑल द पैटर्न आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, ये भी हमारे बुक से लिया गया क्वेश्चन है, टाइम सीरीज डाटा 9 साल के लिए दिया हुआ है, सेल ऑफ टेबल बाय फर्नीचर मार्ट, तो वो देखिए 1973 सेल हुआ, फिर 1994 में 90, 2001 में 2005, तो आपको लीनियर इक्वेशन डिस्क्राइब करना है जो कि स्टैंडर्ड ऑफ सेल को डिस्क्राइब करे,
और फॉरकास्ट बताना है 2003 का फॉरकास्ट कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों जो केस स्टडी पूछा जाएगा वो भी आपको इसी कंसेप्ट पूछा जाएगा, तो कंसेप्ट क्लियर है तो केस स्टडी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों सेक्युलर टेंट का क्वेश्चन है, सेक्युलर टेंट का क्वेश्चन कैसे मेथड को अप्लाई करते हैं बताइए। सेक्युलर टेंट के लिए हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करेंगे। लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करने के लिए क्या कीजिए, टेबल बनाइए। देखिए आपके सामने मैंने टेबल बनाया है, पहला कॉलम लिया है हमने ईयर, ठीक है। आपके बार खुद से एक बार ट्राई कीजिए, फिर से मेरा आंसर देखिए तभी आप समझ पाएंगे, यदि खाली आंसर देखेंगे तो नहीं समझ आएगा। देखिए ईयर लिया है, उसके बाद हम लोगों ने एक कॉलम मीन का लिया है, फिर एक कॉलम लिया एक्स इजिकल टू ईयर माइनस मीन ईयर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो ईयर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑड है तो बीच वाला आपका 97 वाला हो जाएगा मीन, ठीक है, ये मीन हो गया। आप सबको घटा दीजिए मीन से, तो आपको एक अलग कॉलम मिल जाएगा। ये करना आसान है, ठीक है, ये मैंने बताया था कि मीन निकाल के जल्दी बन जाता है प्रॉब्लम, और डाटा भी छोटा छोटा आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेल दिया हुआ है आपको हर एक साल का, ये लिख लीजिए। अब एक कॉलम बनाइए एक्स वाई का, एक कॉलम बनाइए एक्स स्क्वायर का। अब आपको क्या निकालना है, ट्रेंड लाइन बनाना है, ठीक है। सबको जोड़ जाड़ के रख लीजिए, समेसन निकाल लीजिए, यहाँ भी समेसन, यहाँ भी समेसन, ठीक है, यहाँ भी समेसन, तो जीरो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आपके पास इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। देखिए इसको मैंने नीचे बताता हूँ आपको, देखिए वाई इक्वल ए प्लस बी एक्स ये इक्वेशन है ना, ठीक है। तो दोस्तों एक तो ये इक्वेशन है, तो यहाँ से बी का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन एक्स वाई माइनस एन टाइम एक्स वाई अपॉन समेसन, ये सब जीरो हो गया, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा समेसन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। समेसन एक्स वाई कितना निकला 119, समेसन एक्स वाई कितना निकला 60, तो 1.98। अब 1.98 मिल गया, ये निकालने के लिए इस फॉर्मूले पुट करिए y बार माइनस बी टाइम एक्स बार, ये जीरो हो गया, ठीक है। तो ये y बार हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, y बार कितना है 189.1। देखिए y बार निकालना है हम लोगों ने ऊपर, y बार यानी कि आपका सेल का मीन, जब मीन निकालिएगा तो कितना मिलेगा आपको 199 समथिंग, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 189.1, ठीक है दोस्तों। तो आपने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, तो आपको ट्रेंड वैल्यू मिल गया। आपको 2003 का पूछा है ना, 2003 के लिए पहले मीन निकाल लीजिए, 2003 में से 97 में तो 6 आ जाएगा, 6 पुट कर दिए आंसर मिल जाएगा 201.1। देखिए कितना आसान है, आप स्टेप समझते हैं तो आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। इसी मेथड को हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो एक हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड देखा, एक हमने मूविंग एवरेज मेथड देखा, फिर हम लोगों ने एक रेगुलर सेकुलर उसके लिए देखा था, साइक्लिकल के लिए क्या देखा था, याद कीजिए रेसिडुअल मेथड देखा था। ये तीन मेथड हम लोगों ने देखा है, लेसन भी समझाएं। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारे बुक का दिया गया है। एक गैस कंपनी है, उसने कुकिंग गैस सप्लाई किया है सिटी में, इसने 18 20 21 25 और 26 लाख क्यूबिक फीट गैस सप्लाई किया है 1996 से 2000 में, 96 में इतना था, 2000 में इतना था, ठीक है। आपको लीनियर इक्वेशन बताना है, फिर परसेंटेज ऑफ ट्रेंड बताना है, रिलेटिव साइक्लिकल रेशियो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे साइक्लिकल ट्रेंड है, ठीक है, साइक्लिकल ट्रेंड है, ये सर्कुलर ट्रेंड नहीं है हमारा, क्योंकि आपको यहाँ पे ये टर्म से पता चल जाएगा, रिलेटिव साइकिल रेजिडुअल टर्म से पता चल रहा है। तो दोस्तों साइक्लिकल ट्रेंड है तो कोई मतलब नहीं है, बात तो वही है, पहले हम लीनियर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लीनियर ट्रेंड को ड्रॉ करेंगे। तो फिर से वही टेबल बनाइए आप, सबसे पहला काम तो आप बताएंगे ना कि हमारा ट्रेंड लाइन क्या है, टेबल बनाइए। तो कितना साल, 1 2 3 4 5, फिर से ऑड है तो मीन आपका 98 हो जाएगा, तो एक एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ये सब आपका वाई का वैल्यू सेल है आपका, एक्स वाई एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कीजिएगा, ये एक ट्रेंड लाइन का आपका क्वेश्चन है। बी निकालने के लिए आपका समेशन एक्स वाई अपन समेशन एक्स वाई हो जाएगा, समेशन एक्स वाई कितना निकला है बताइए, तो समेशन एक्स वाई जो मिला है वो मिला है 21, और समेशन एक्स वाई कितना मिला है 10, तो बी कितना मिलेगा 2.1। ए निकालने के लिए वाई बार कितना है आपका, 110 को आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, तो 22 हो जाएगा, तो वही हमारा 22 हो जाएगा, एक्स तो जीरो है, ए हमारा 22 मिला और बी हमारा मिला 2.1। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, वाई इजिकल टू 22 प्लस 2.1x। ये देखिए ये जो वैल्यू मिला है ये हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये क्या है हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू। तो ये अब जो हम लोग एक्सपेक्टेड y लिखे हैं यहाँ पे, ये जो 21.62 लिखे, ये कैसे लिखे, देखिए x कितना है -2 है ना, तो इसे पुट कीजिए 22 प्लस 2.1 टाइम्स -2, ठीक है। पहले केस में जो y का वैल्यू मिला, x का वैल्यू निकला है, वो मिला है हमारे -2। एक मिनट रुकिए जरा, y का मीन निकालिए, तो 110 को यदि आप 5 से भागा देते हैं तो 22 होगा, बिल्कुल सही, ये तो 22 हो गया। b निकालने के लिए समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई 2.1, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो b का वैल्यू हमें मिल रहा है समेशन एक्स वाई अपॉन ये 21, ठीक है ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगा पहले केस में वो मिलेगा 21.62,
उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए मिलेगा 21.81, फिर 22.0। 22.0 किस लिए मिलेगा कि एक्स का वैल्यू जीरो है। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको मिल जाएगा जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा कितना, आप देखिए 22.22 प्लस 2.1, ठीक है। तो इसके लिए एक्स का वैल्यू है आपका 1, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यदि 1 लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 22.19, ठीक है। ये 0.19 आएगा। उसके बाद अगले में आएगा ये। तो दोस्तों ये हमारा एक्सपेक्टेड वाई है, परसेंटेज निकालने के लिए एक्चुअल वाई डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड वाई। तो एक्चुअल वाई कितना है, एक्चुअल वाई है 18 डिवाइड बाई 21.262, आपको मिल जाएगा 83.26। फिर 20 डिवाइड बाई 21.81, 91.0। तो हर एक वाई को उसके वाई बार से डिवाइड करिए, वाई बार होता है दोस्तों, ठीक है। डिवाइड के लिए परसेंटेज मिल जाएगा। और रिलेटिव सैक्लोरेशन के लिए वाई माइनस वाई बार अपॉन वाई बार। जैसे इस केस में देखिए वाई कितना है हमारा 18, वाई बार कितना है हमारा 21.62 अपॉन 21.62 इंटू 100। तो ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा वैल्यूज। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव साइकिल रिजल्ट को निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा डाटा दिया गया है सोलर होम बिल्ड किया गया है रीजन में लास्ट 7 मंथ में वो दिया हुआ है। तो देखिए ये जो डाटा है तो आपको लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना है और सेकेंडरी डिग्री इक्वेशन को प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपके पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। तो देखिए साल को काउंट कीजिए, तो साल जो है हमारे पास वो ऑड है कि इवन है, देखिए ऑड है तो मीन आसानी से निकल जाएगा। तो एक कॉलम यहाँ बढ़ जाएगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, उसमें आप एक्स टू पावर 4 भी लीजिए और एक्स एक्स स्क्वायर वाई भी लीजिए। ये दो कॉलम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कॉलम आप ऐड कर लीजिए और दोस्तों उसके बाद सबका मीन ये समेशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हमारे पास पैराबोलिक कर्व होता है तो उस केस में हमारा इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, यही इक्वेशन होता है ना। वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वेशन होता है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उस केस में पहला जो इक्वेशन हमारे पास आता है वो समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एन प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर आता है। इसको यूज कीजिए, एक पहला इक्वेशन बनाइए। तो दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए क्या कीजिएगा, दूसरा इक्वेशन में एक्स बार तो हमारा जीरो ही रहेगा, समेशन एक्स बार समेशन एक्स स्क्वायर होगा, तो बी वहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन मिलेगा समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए टाइम समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइम समेशन एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो दोस्तों आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ए और सी निकाल सकते हैं। ए और सी मिलेगा आपको, इतना पुट कर दीजिए इसमें ए बी सी, आपको इक्वेशन मिल जाएगा पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिपार्टमेंटल स्टूडेंट स्पेंडिंग इन मार्केट से ड्यूरिंग द पास्ट 7 ईयर, आपको लीनियर इक्वेशन बताना है, परसेंटेज चेंज बताना है, रिलेटिव साइक्लिक रिजल्ट बताना है। तो दोस्तों देखिए डाटा को देखिए, आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो फिर से वही काम करना है हमें, ईयर निकालिए। अब यहाँ पे फिर से देखिए मीन, यहाँ फिर से ऑड है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो मीन मिल गया, फिर एक्स निकल गया, वाई निकल गया, एक्स वाई निकल गया, एक्स वाई निकल गया, ए भी मिल जाएगा आपको, ए भी मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेक्टेड वाई निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए निकाला है मैंने, ए मिला है कितना 32.87, बी कितना मिला है 0.077। तो वाई प्लस वाई को ले प्लस बी एस इक्वेशन है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एक्स का वैल्यू पुट करते जाइए तो एक्सपेक्टेड वाई मिलेगा। तो यहाँ उसके क्या कीजिए, परसेंट ऑफ ट्रेंड निकालने के लिए ये निकाल लीजिए और फिर फ्लक्चुएशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, होपफुली आपने लेसन एंजॉय किया होगा। मैंने हर एक तरह के क्वेश्चन को आपको समझाया है जो कि इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। यदि आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, यदि लेसन आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। दो ब्रांचेस कौन कौन सा है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का जो दो ब्रांच है उसमें पहले ब्रांच का नाम है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर और जो दूसरा ब्रांच है उसका नाम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो ऑप्शन नंबर वन इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एस्टिमेट।
तो एस्टिमेट का टाइप हमने देखा था, दो दो टाइप ऑफ एस्टिमेट होता है, एक होता है पॉइंट एस्टिमेट और एक होता है हमारा इंटरवल एस्टिमेट। ये रेंज के बारे में पता नहीं और जनरल के बारे में पता नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, वन एंड टू ओनली। सो पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट, दो तरह के हमारे एस्टिमेट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर थ्री है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कहा गया है कि आपको 10 टॉसेस, देखिए एक कॉइन है इसको 10 बार टॉस किया गया, ठीक है, और उसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार है। पहले बार हेड आया, दूसरे बार टेल आया, तीसरे बार टेल आया, फिर हेड टेल आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया। तो आपके पास 10 रिजल्ट्स हैं। आपको क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या निकालना है, आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना है अपने एस्टिमेट का। तो देखिए दो क्वेश्चन है, पहले केस में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को एस्टिमेट करना है और दूसरे केस में आपको इसी एस्टिमेट का स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्रोबेबिलिटी निकालना आपको आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जरा आप देख के बताइए इस केस में फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, हेड आने का प्रोबेबिलिटी। अब जरा देखिए 10 टॉस में कितना बार हेड आया है, एक बार, दो बार और तीन बार। तो आप 3 को लिख दीजिए न्यूमरेटर में। अच्छा अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताइए, तो हमारे पास 10 टॉसेस है ना, तो 10 आउटकम है, तो ये हो जाएगा बाई 10। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 0.3 आ गया ना। चलिए प्रोबेबिलिटी तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसी का स्टैंडर्ड एरर निकालना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो हमारा है प्रोपोर्शन वाला, समझ रहे हैं, प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको एक शायद बताना भूल गया, प्रोपोर्शन वाले केस में जो फॉर्मूलाज होता है उसको मैं एक बार बता देता हूँ आपको। शायद मैंने पिछले स्लाइड में बताना भूल गया था, एक बार मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि 2-3 फॉर्मूला है प्रोपोर्शन से रिलेटेड भी जो कि आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है एन का, एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, जैसा कि इस केस में हमारा 10 है ना, 10 बार हम लोग टॉस कर रहे हैं कॉइन को, तो इसीलिए हमारा जो एन है 10 है। उसके बाद पी होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो जैसे उस केस में हेड आया, कितना बार हेड आया, 3 बार हेड आया, सक्सेस हो गया हमारा 3। क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो जैसे उस केस में हमारे पास 7 बार टेल आया था, तो हेड नहीं आया ना 7 बार, तो फेल हो गया हम लोग, तो कितना 7 बार हमारा ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इस केस में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मीन होता है दोस्तों, तो हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोपोर्शन का, उसका जो मीन होता है जिसको हम लोग म्यू पी से नोट करते हैं, वो होता है हमारा पी। और दोस्तों हमारा जो स्टैंडर्ड एरर होता है, एक और टर्म है स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर जो होता है दोस्तों वो होता है अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन। तो ये 3-4 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये हमारा प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, प्रोपोर्शन। चलिए आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं दोस्तों। अब देखिए आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना गया है। सबसे पहली बात आप ये बताइए कि हमारा यहाँ पे ये पी तो निकल गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना होगा 0.7। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला कितना होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन। तो P की जगह लिख दीजिए 0.3, Q की जगह लिख दीजिए 0.7 और N कितना है हमारा 10। इसे आप कैलकुलेट कीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 0.21/10। दोस्तों यदि आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो आएगा वो आपको मिलेगा 0.14, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ना वो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ जाएगा 0.3 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट आ जाएगा 0.14, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास 150 लोगों का सर्वे लिया गया एक सिटी में, और उसमें देखा गया कि 50 जो लोग थे वो स्मोकर थे। तो आपको कुछ कैलकुलेशन करना है इस डाटा के बेसिस पर, ठीक है। तो 150 लोग थे टोटल, उसमें से 50 लोग कैसे थे, स्मोकर थे। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, आपको एस्टिमेट बताना है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, एस्टिमेट कैसे बताइएगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का, बहुत ही सिंपल है। देखिए एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बताना है ना, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ,
बेसिकली जब एस्टिमेट के बारे में बात किया जा रहा है तो कौन सा एस्टिमेट, पॉइंट एस्टिमेट या इंटरवल एस्टिमेट, जरा ऑप्शन को देखिए बताइए तो आप। तो सिंगल सिंगल वैल्यू दिख रहा है ना आपको, तो ऑब्वियस ये बात है पॉइंट एस्टिमेट है। और दोस्तों पॉइंट एस्टिमेट के बारे में आपको बता दूं, जब भी हमारा पॉपुलेशन प्रपोर्शन होगा ठीक है, तो उसमें बात ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट एस्टिमेट होता है ठीक है, तो जो पॉइंट एस्टिमेट होता है वो क्या होता है, वो देखिए जो हमारा सैंपल का प्रपोर्शन है वही वही हमारा पॉइंट एस्टिमेट होता है ठीक है। तो सैंपल का आपको प्रपोर्शन निकालना है ठीक है, सो याद रखिएगा सैंपल प्रपोर्शन ठीक है इज द कन्वीनियंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन, बस ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो जरा इस क्वेश्चन में आप आ जाइए, इस क्वेश्चन में देखिए 150 लोग हैं, उसमें से 50 आपके स्मोकर हैं, आपको बताना है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का एस्टिमेट बताना है। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का एस्टिमेट क्या होगा, तो जो हमारा सैंपल प्रोपोर्शन होगा, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे 50 स्मोकर हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालना आता है ना आपको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एट रोल नंबर ऑफ आउटकम, रोल नंबर आउटकम कितना है हमारा 150, और फेवरेबल आउटकम कितना यानी कितने स्मोकर्स हैं 50 स्मोकर्स हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 यानी 0.333 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ में कैसे हम लोगों ने एस्टिमेट निकाला, तो आपको करना क्या है, आपने जो सैंपल लिया है उसका आप प्रोपोर्शन निकाल, उसका आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, वही हमारा पॉपुलेशन का भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ठीक है। चीज़ आपको समझ में आ रही है। उसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको स्टैंडर्ड एरर बताना है प्रोपोर्शन का, पॉपुलेशन का। तो दोस्तों स्टैंडर्ड एरर पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट पी क्यू अपॉन एन। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसको एक और चीज हमें ऐड करना पड़ेगा, वो ये है दोस्तों अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन एन है, अब क्यू को आप क्या क्यू कैसे निकालेंगे, तो पी तो आपको पता है 0.3333 अभी आपने निकाला है ना पी 0.3333, तो क्यू कैसे निकलता है बताइए। तो पी यदि हमारा 0.3333 है तो क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 से सेपरेट कर देंगे ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.67 आएगा ना ठीक है। तो दोस्तों आपको यदि इस फॉर्मूले में पुट करना है तो आप क्या पुट करेंगे, 0.33 × 0.67 अपॉन 150 लोग हैं, एन एन का वैल्यू कितना है हमारा, एन का वैल्यू 150 है। तो दोस्तों आप यदि इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.0385, कितना मिलेगा 0.0385। तो फ्रेंड्स ऑप्शन को जरा देखिए, ऑप्शन नंबर सी में तो यही कहा गया है ना कि हमारा जो स्टैंडर्ड एरर पॉपुलेशन होगा वो हो जाएगा 0.0385 ठीक है। सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए आगे देखते हैं, आगे पूछा गया है कि बाइनोमियल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन पूछा गया है। देखिए इससे पिछले क्वेश्चन में हमसे स्टैंडर्ड एरर पूछा गया था, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। तो दोस्तों आप जरा ये बताइए कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स देखिए हाँ ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है उसे भी आप नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका दो फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके बुक में दे रखा है ये, आप मैकमिलन बुक देखेंगे तो आपको बुक में दिया होगा इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको आपको दोस्तों आपको करना क्या है कि मेरे टेलीग्राम लिंक के साथ जुड़ जाइए, मैं आपको टेलीग्राम लिंक में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं उस चैप्टर से उसका मैं आपको एक समरी दे देता हूँ, तो वहाँ से आपको फॉर्मूलेज भी क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीन पता होना चाहिए, तो उसका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं वो होता है एन इंटू पी ठीक है। और यदि हम लोग सिग्मा बात करें, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें दोस्तों, इफ वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, इसका फॉर्मूला होता है एन टाइम्स पी टाइम्स क्यू ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मीन का फॉर्मूला है एन टाइम्स पी और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है एन टाइम्स पी टाइम्स क्यू। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, एन टाइम्स पी टाइम्स क्यू होगा, यही तो होगा। एन कितना है हमारा बताइए, इस केस में एन है 150, पी कितना है हमारा, पी हमने निकाला है 0.3333 ठीक
ठीक है, और क्यू कितना है हमारा 0.67। तो आप इसे यदि कैलकुलेट करेंगे, इफ़ यू कैलकुलेट दिस वैल्यूज यू विल गेट 5.77। कितना मिलेगा आपको? 5.77 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि 9 फीट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल बताना है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक रेंज बताना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल बात किया गया ना, यू हैव टू कैलकुलेट द रेंज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप जरा आप जेड टेबल को यूज कीजिए, जेड टेबल देखिए और ये हमको बताइए कि 95% के कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू कितना होता है। ठीक है, जेड वैल्यू आप देखिएगा ना तो 1.96 मिलेगा आपको। आपको देखना आता है ना, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कैसे हम जेड टेबल का यूज करके जेड वैल्यू निकालते हैं, तो वही तो यूज करना है आपको। तो फ्रेंड्स जब हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं तो इसका एक दो लिमिट होता है, एक को कहते हैं अपर कॉन्फिडेंस लिमिट और एक को कहते हैं लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट। अपर कॉन्फिडेंस लिमिट निकालने के लिए एक्स बार प्लस माइनस जेड टाइम सिग्मा का यूज करेंगे, और लोअर कॉन्फिडेंस लेवल निकालने के लिए, सॉरी प्लस माइनस नहीं, खाली प्लस होगा, क्या होगा, केवल प्लस होगा। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, वेट ये नहीं हो रहा है, हाँ तो देखिए मेज हो गया। तो एक्स बार माइनस जेड टाइम सिग्मा करेंगे लोअर इंटरफेस निकालने के लिए। अब आप पूछेंगे एक्स बार क्या है, तो एक्स बार है हमारा मीन। ठीक है, तो मीन मीन क्या है इस केस में, तो ये देखिए दिया हुआ है, तो आपको मीन है, मीन क्या है बताइए। देखिए मीन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एक्स बार जो होता है वो पी के बराबर होता है, बताया था ना, और जो हमारा सिग्मा एक्स बार होता है वो होता है अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन। तो एक्स बार की जगह आप क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, और जेड हमारा कितना है 1.96 है, और सिग्मा कितना है हमारा, सिग्मा अभी हमने निकाला है ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, देखिए निकाला है सिग्मा, यही तो है 5.77। ठीक है, सॉरी ये सिग्मा जो होता है दोस्तों स्टैंडर्ड एरर है, सिग्मा एक्स बार लिखिए, सिग्मा मत लिखिए तो कन्फ्यूज हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स बार होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड एरर निकाला है ना उस पिछले क्वेश्चन में, ठीक है यहाँ निकाला है 0.0385, तो उसे पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, पी भी निकाल लिया, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, और ये परफेक्ट केस स्टडी है। ठीक है, पी हमने कितना निकाला था, देखिए पी कितना निकाला था हमने, पी निकाला था 0.3333। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, 0.3333 प्लस सिग्मा टाइम्स जेड। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 0.4088। ठीक है, और दोस्तों ये हमारा अपर UCL है, यदि LCL निकालना है तो P माइनस जेड टाइम सिग्मा लिखना है, जेड हमारा 1.96 है, सिग्मा हमारा 0.0385 है, तो ये आपको मिल जाएगा 0.2578। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा, आप यदि ऑप्शन को मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, मैं आपको फिर से स्टेप बता दूं। देखिए जब भी हमारा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होगा, जब भी हमारा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में दो तीन बातों का ध्यान रखना है। वो क्या, वो दो तीन बात क्या है, सबसे पहले मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी पी निकालना है। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी निकालना आता है आपको, तो एक्स बार हो जाएगा हमारा। म्यू निकालना है, सॉरी यदि आपको सिग्मा एक्स बार निकालना है, ठीक है, सिग्मा एक्स बार निकालने के लिए रूट पी क्यू अपॉन एन यूज करना है। ये ध्यान रखिएगा कि फाइनाइट इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए फॉर्मूला है, यदि फाइनाइट पॉपुलेशन होगा तो रूट पी क्यू अपॉन एन अंडर ब्रैकेट एन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन लेना पड़ेगा। ये किस केस में होता है, फाइनाइट पॉपुलेशन वाली केस में। चलिए सिग्मा एक्स बार निकाल लिया, अभी आपको हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने पूछता है, तो याद रखिएगा पी क्यू एन, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, यू सी एल आप जानते ही हैं, यू सी एल होता है एक्स बार प्लस माइनस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार। ठीक है, एल सी एल जानते ही हैं, एक्स बार माइनस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार। तो बस ये चार पांच फॉर्मूले को ध्यान रखना है, आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, सब कुछ वही रहेगा, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि 99% के लिए जो जेड वैल्यू आता है ना वो 2.58 आता है, ये कॉमनली यूज है, इसलिए तीन चीज़ को याद रख सकते हैं, 99 के लिए 2.58, 95 के लिए 1.96 और 90 के लिए 1.645, ये कॉमनली यूज होता है ये तीन चीज़, सो यू नीड टू रिमेंबर इट, अदरवाइज आप निश्चिंत रहिए एग्जामिनेशन में जो आपका क्वेश्चन होता है ना उसमें जेड का वैल्यू आपको दिया रहेगा। ठीक है, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, सो यू नॉट वरी अबाउट दैट, द वैल्यू ऑफ जेड विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो कॉरस्पॉन्डिंग टू 90% द जेड वैल्यू इज 1.645,
95% डेड वैल्यू इज 1.96 और 99% के लिए है 2.58, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस केस में 99% कहा गया है तो आप 2.58 ले लीजिए, ठीक है। पी आपको पता ही है 0.3333 और सिग्मा एक्स बार हमने निकाला ही है, तो पुट कीजिएगा तो एक अपर लिमिट मिलेगा, एक लोअर लिमिट मिलेगा, और ऑप्शन मिला लीजिए तो वही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ एन इनसफिशिएंट। ये मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि इंटरवल एस्टिमेट को यूज करें, पॉइंट एस्टिमेट को यूज करना नहीं चाहते हैं, क्यों? तो देखिए, पहला है डिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एस्टिमेट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द करेक्ट सिंगल एस्टिमेट, सी कह रहा है बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड द एक्सटेंट ऑफ एरर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। पॉइंट एस्टिमेट से क्या होता है कि हमें एरर का एक्सटेंट नहीं पता चलता, एरर पता ही नहीं चलता है। हम एक सिंगल वैल्यू यदि ले लें, एरर पता चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो हमें एरर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है यदि हम लोग पॉइंट एस्टिमेट लेते हैं, तो दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट वी एसोसिएट विद द इंटरवल एस्टिमेट इज कॉल्ड। बताइए जो इंटरवल एस्टिमेट है उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी हम एसोसिएट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, ये मैंने आपको बताया है, उसे क्या कहा जाता है? सीएल कहलाता है। तो सीएल हमने तीन सीएल आपको बताया था, 99%, 95% और 90%। 99% का कॉरस्पॉन्डिंग कितना था याद कीजिए, 95 के 1.96 है, 90 का कॉरस्पॉन्डिंग एक को मैंने बताया था कि जैसे जैसे 2.548 याद है, 2.5 ऐसे याद रखिए 2.548, और 90% में कितना होता है 1.645। चलिए ये तीन वैल्यू आप याद रखिएगा, आगे देखते हैं। डैश एस्टिमेट इज अ सिंगल नंबर विच इज यूज टू एस्टिमेट द नोन पॉपुलेशन। बताइए हमने बताया आपको कि दो तरह के एस्टिमेट होते हैं, एक पॉइंट एस्टिमेट एक इंटरवल एस्टिमेट। अब कौन सा एस्टिमेट जो कि एक सिंगल नंबर है इसके थ्रू हम लोग अननोन पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। जब सिंगल नंबर की बात की जाए तो हमारा पॉइंट एस्टिमेट आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है डैश एस्टिमेट इज अ रेंज ऑफ वैल्यू। अब देखिए जब रेंज ऑफ वैल्यू की बात की जाए जिससे हम लोग अपना अननोन पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर सके, देखिए इस टॉपिक में हम लोग कर क्या रहे हैं, इस टॉपिक में यही तो कर रहे हैं हम लोग कि हम सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन पैरामीटर को डिसाइड कर रहे हैं। तो सैंपल का जो स्टैटिस्टिक्स होता है जैसे कि मीन हो गया, जैसे कि आपका सिग्मा एक्स बार हो गया, मी स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, एस हो गया, इस बेसिस पे हम लोग म्यू और सिग्मा निकाल रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो दोस्तों आपसे ये पूछा गया कि जब हम लोग रेंज ऑफ वैल्यू को यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं इंटरवल एस्टिमेट। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं इंटरवल एस्टिमेट। आगे क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स विच इज यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड। अब बताइए वो सैंपल स्टैटिस्टिक्स को क्या कहते हैं इसके थ्रू हम लोग पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट एस्टिमेटेड असेसमेंट प्रोबेबिलिटी। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका एस्टिमेटर। आगे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आपके सामने चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है द सैंपल मीन इज एस्टिमेटेड ऑफ पॉपुलेशन मीन, दूसरा द सैंपल प्रोपोर्शन कैन नॉट बी यूज एस्टिमेट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ये गलत है। द सैंपल मीन कैन नॉट बी एस्टिमेट, ये भी गलत है। द सैंपल प्रोपोर्शन कैन बी यूज एस्टिमेट पॉपुलेशन, ये गलत है। दोस्तों देखिए सैंपल का मीन ही हमारा पॉपुलेशन का मीन का एस्टिमेटर होता है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ही हमारा पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का एस्टिमेटर होता है, ये आपको पता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन एस्टिमेट इज अ डैश वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एवरेज वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू, जनरल वैल्यू या स्पेसिफिक वैल्यू। तो दोस्तों ये होता है हमारा स्पेसिफिक वैल्यू। तो कोई भी एस्टिमेट जो होता है वो हमारे स्टैटिस्टिक्स का क्या होता है दोस्तों, स्पेसिफिक वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर। तो एक अच्छा एस्टिमेटर का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? तो पहला है अनबाइस्ड, इफिशियंसी, कंसिस्टेंसी और सफिशियंसी। तो दोस्तों बताइए, मैंने आपको चार क्राइटेरिया बताया था किसी भी गुड एस्टिमेटर का, चार क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था। तो बताइए कौन कौन सा क्राइटेरिया है? सबसे पहला है अनबाइस्ड, ये तो है, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और सफिशियंट होना चाहिए। दोस्तों आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, क्या होगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ये चारों के चारों हमारे गुड एस्टिमेटेड के क्राइटेरिया हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, इफ इट इज रिपोर्टेड दैट वी आर 90% कॉन्फिडेंस दैट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इनकम ऑफ पीपल इन अ सर्टेन कम्युनिटी विल लाई बिटवीन 10,000-24,000, दिस रेंज इज कॉल्ड। अब बताइए लोअर लिमिट कितना है हमारा 10,000, अपर लिमिट कितना है हमारा 24,000। तो इस रेंज को क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टाइटर एंड टाइटर कॉन्फिडेंस इंटरवल इज सेफ। बताइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यदि हमारा
कॉन्फिडेंस इंटरवल टाइटर होगा तो हमें क्या मिलेगा? तो मैंने आपको बताया ना कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, अब देखिए जैसे आप एक 90% ले लीजिए कॉन्फिडेंस लेवल को, ठीक है, तो उसके लिए जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो होता है एक्स बार प्लस माइनस कितना होता है 1.64 टाइम्स सिग्मा एक्स बार। यदि आप 95% लेते हैं तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो होता है एक्स बार प्लस माइनस 1.96 सिग्मा एक्स बार, और यदि आप 99% कॉन्फिडेंस लेवल लेते हैं तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो होता है एक्स बार प्लस माइनस 2.58 सिग्मा। आप खुद बता सकते हैं दोस्तों ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ लिखा है ये है कॉन्फिडेंस लेवल, ये जो वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल। जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं या टाइट कीजिए, टाइट मतलब क्या होता है कि टाइट मतलब कि घटा रहे हैं, जैसे देखिए इफ अ टाइटर, तो जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस इंटरवल घटा रहे हैं तो वैसे वैसे कॉन्फिडेंस लेवल भी घट रहे हैं ना, समझ रहे हैं आपको। देखिए आपके सामने में एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे 2.58 है, मैंने घटा के 1.96 किया और घटा के 1.64 किया, तो वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी तो घट रहा है, पहले 99 था, 95 हो गया, फिर 90 हो गया। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा? हमें लोअर मिलेगा, लोअर एंड लोअर कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, यदि हम दो स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करें, हाँ हमारे पास सैंपल है सेम साइज का और उससे हम लोग दो स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करें और उस बेसिस पे डिसाइड करें कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट एस्टिमेटर है, तो किसे चूज करेंगे आप? तो दोस्तों जहाँ तक बात है हमारा एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैंने आपको बताया था कि बेस्ट एस्टिमेटर कौन सा होगा जिसका जो है सैंपल से वेरियंस सबसे कम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एफिशिएंसी में क्या है कि इफिशियंसी हमारा स्टैंडर्ड एरर का साइज बताता है। तो यदि हम दो स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करें तो जिसका स्टैंडर्ड एरर कम होगा वही सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आप बताइए आपके सामने दो स्टैटिस्टिक्स दिया गया है, ठीक है, और आपको डिसाइड करना है कि कौन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, तो वही सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा जिसका क्या होगा स्टैंडर्ड एरर क्या होगा स्मॉलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर स्मॉलर होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा आपका स्मॉलर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द सैंपल साइज इज इंक्रीज, इट इज ऑलमोस्ट सर्टन दैट द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, दिस रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया है, चार कैरेक्टरिस्टिक होता है अनबायसनेस, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी और सफिशिएंसी, ठीक है। तो जब सैंपल साइज को हम बढ़ा रहे हैं तो और उस तब बढ़ाने पर भी स्टैटिस्टिक्स का जो वैल्यू है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के वैल्यू के क्लोज है, तो ये कौन सा चीज़ को दर्शा रहा है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये हमारा दर्शा रहा है अनबायसनेस को, ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों? नहीं, ये ध्यान रखिए, ये हमारा कंसिस्टेंसी को दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है कंसिस्टेंसी को, कि सैंपल साइज को बढ़ाने पर भी हमारा एक्स बार जो है वो म्यू के बराबर है, हाँ एक्स बार मतलब कि हमारा सैंपल का स्टैटिस्टिक्स, म्यू यानी कि पॉपुलेशन का पैरामीटर, तो एन को बढ़ाने पर भी यदि एक्स बार और म्यू के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये जो केस है हमारा वो केस हमारा किस चीज़ का है, वो केस है हमारा कंसिस्टेंसी का, किस चीज़ का केस है दोस्तों? कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी वाला कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी है। तो इफ सैंपल साइज इंक्रीज एंड वी आर सर्टेन दैट द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, सो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यदि एस्टिमेटर का मीन पॉपुलेशन पैरामीटर के मीन के बराबर नहीं है तो एस्टिमेटर को क्या कहेंगे? तो देखिए अनबायसनेस मैंने आपको बताया था ना, अनबायसनेस का तब होता है जब सैंपल का मीन और जो पॉपुलेशन का मीन है वो बराबर हो, ठीक है, लेकिन यदि बराबर नहीं है तो हम बायसनेस कहेंगे, क्या कहेंगे उसे? बायस कहेंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स टेंड टुवर्ड द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन एज साइज इंक्रीजेस। अभी मैंने बताया कि जब हम साइज बढ़े, एन का वैल्यू बढ़े, तो हमारा एक्स बार जो है वो किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर चला जाता है, वो म्यू के बराबर चला जाता है। अभी मैं आपको बताया है ना, एन ज़्यादा होगा तो सिग्मा एक्स बार कम होगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल कम होगा, टाइट बनेगा, समझ में आया ना? तो एन जैसे जैसे बढ़ता है ना, हमारा सैंपल साइज जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल टाइट होते जाता है, और टाइट होने से क्या होता है कि जो एक्स बार है वो म्यू के अप्रोच करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी, समझ में आया आपको कंसिस्टेंसी क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि
एक होम लोन का कंपनी है, उसका ऑनर है, ठीक है, उसने 150 कंपनी को सर्वे किया, ठीक है, 3000 अकाउंट ऑफ द कंपनी सर्वेड, 150 ऑफ द कंपनी 3000 अकाउंट एंड डिटरमाइन दैट 60% वेयर इन एक्सलेंट स्टैंडिंग। तो आपको ये डाटा दी गई है, आपको 95.5% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, प्रोपोर्शन एक्सेलेंट कंडीशन और इंटरवल एस्टिमेट निकालना है। तो दो क्वेश्चन है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए नंबर ऑफ, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ट्रायल कितना है? 150, ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा? तो देखिए सिंपल है, कैसे निकालिएगा प्रायोरिटी ऑफ सक्सेस? देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 60% जो है वो एक्सीलेंट कंडीशन में है, ये तो मेरा सक्सेस है, तो 0.6 हो जाएगा हमारा प्रायोरिटी ऑफ सक्सेस। और प्रायोरिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। तो आप इस बेसिस पे मीन निकाल सकते हैं ना, मीन कैसे निकालेंगे बताइए? तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है? एन टाइम्स पी, ठीक है, ये मैंने बताया है। तो मीन निकल जाएगा इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? एन टाइम्स पी टाइम्स क्यू, ये भी निकल जाएगा। स्टैंडर्ड निकालने के लिए क्या करेगा? ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल 95% के लिए होता है हमारा जेड का वैल्यू कितना होता है बताइए? ठीक है, 2 ले सकते हैं या 1.96 लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर टाइम्स टू, सिग्मा एक्स वाला लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये रह जाएगा। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ इंटरवल एस्टिमेट माइट यू गिव फॉर द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ अकाउंट दैट मीन द। अब देखिए हमारे पास इस केस में 3000 अकाउंट ही है, ठीक है, अकाउंट कितने हैं? 3000 है, तो फाइनाइट अकाउंट है ना, इसीलिए जो फाइनाइट अकाउंट है, हाँ, तो फाइनाइट अकाउंट है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों? उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट ऑफ n-n-1, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे फाइनाइट अकाउंट को निकालने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, द एंड पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल आर कॉल्ड। तो एंड पॉइंट को क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं, कॉन्फिडेंस लिमिट कहते हैं। तो दो लिमिट होता है, एक UCL होता है और एक LCL होता है। तो एक अपर कॉन्फिडेंस लिमिट और लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 150 स्टूडेंट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ 3000 कॉलेज स्टूडेंट। एमंग सैम्पल स्टूडेंट द एवरेज IQ स्कोर इज 115 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, व्हाट इज द 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द स्टूडेंट IQ स्कोर। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 150 स्टूडेंट का सैंपल लिया गया है 3000 कॉलेज स्टूडेंट के साथ, और एवरेज IQ स्कोर दिया गया 115, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 10, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार, देखिए समझिए, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार, यही होता है ना। एक्स बार कितना है? एक्स बार एवरेज दिया हुआ है 115, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखिए जेड जो है 99% के लिए जेड वैल्यू पता है आपको कितना होता है? 99% के लिए मैंने आपको बताया था, 99% के लिए जो जेड वैल्यू होता है वो होता है 2.58 करके आता है, ऐसा कुछ 2.58 लिख लीजिए। आप बता सिग्मा एक्स बार निकालना, तो सिग्मा एक्स बार कैसे निकलेगा बताइए? तो सिग्मा एक्स बार निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सिग्मा अपॉन रूट एन का, ठीक है। तो आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 10, तो सिग्मा की जगह लिख दीजिए 10, और एन की जगह कितना लिखेगा? एन की जगह लिखेगा, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा पॉपुलेशन फाइनाइट है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? या आप यदि बात करें 150 के लिए, तो 150 के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा हो जाएगा 10 और n का वैल्यू हो जाएगा कितना? रूट ऑवर 150, ठीक है। तो आप इसे सिग्मा एक्स बार निकाल के पुट कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखा है, ठीक है, तो सिग्मा आपको मिल जाएगा 0.836, ठीक है, सिग्मा एक्स बार, और जेड मिल जाएगा 2.58, ठीक है। फॉर्मूला में पुट कीजिए तो आप कन्फ्रेंस मिलेगा 115 + 2.3, 115 - 2.3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन एस्टिमेटर एंड द वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर इज कॉल्ड। देखिए क्या है कि जो एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो पैरामीटर का जो वैल्यू है उसके बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अंतर तो होगा ही, क्योंकि हम लोग तभी तो एक रेंज ले रहे हैं, ठीक है ना। अंतर क्या कहते हैं? अंतर कहते हैं बायसनेस। क्या कहते हैं अंतर को? बायसनेस, ठीक है। तो हमारा जो एस्टिमेटर का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल रहा है और जो पैरामीटर का जो वैल्यू मिल रहा है उसके बीच का अंतर को क्या कहते हैं? बायसनेस कहते हैं, ठीक है। 27वां नंबर क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस इंटरवल बिकम नैरोअर बाय इंक्रीजिंग द। बताइए कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैसे आप नैरो बनाएंगे? तो मैंने बताया है कि यदि सैंपल साइज आप बढ़ाएंगे तो सिग्मा एक्स बार घटेगा, स्टैंडर्ड एरर घटेगा, स्टैंडर्ड एरर घटेगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल घटेगा, तो नैरोअर बनेगा, सैंपल साइज बढ़ाने से होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज द प्रिसीजन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज। देखिए प्रिसीजन क्या होगा? बढ़ेगा ना,
जैसे जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो आएगा, मान लीजिए इतना बड़ा है और अभी इतना बड़ा है, तो कहाँ पे ज़्यादा प्रिसाइज है? ऑब्वियस बात है यहाँ ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। तो प्रिसिजन बढ़ता है कब, जब हम लोग सैम्पल साइज को बढ़ाते हैं, तो इट इज़ इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉलोइंग द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स, देखिए पढ़िए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स आर अनबायस्ड एस्टिमेटेड। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बुक में आपको दिया हुआ है, देखिए इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। इससे यदि हम लोग सैंपल का वेरियंस निकाल रहे हैं, ये सैंपल का वेरियंस ही तो होता है एस से स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यदि इस फॉर्मूले से हम लोग सैंपल का वेरियंस निकाल रहे हैं, तो इसमें बायसनेस है। इसमें क्या है, बायसनेस है। बायसनेस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो पॉपुलेशन पैरामीटर है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, दोनों बीच में अंतर आएगा। लेकिन यदि हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, ध्यान दीजिएगा एन माइनस वन यहाँ, ठीक है, तो इस केस में ये हमारा अनबायस एस्टिमेटर हो जाता है। ये बुक में दिया हुआ है दोस्तों, आप पेज नंबर 196 निकालिए मैकमिलन बुक का, ये चीज़ लिखा हुआ है साफ साफ। तो इसीलिए हम लोग बार बार आप लोग पूछते हैं ना कि एन माइनस वन लिए, क्यों लिया एन माइनस वन, क्योंकि ये एन माइनस वन ही हमारा एस्टिमेटर को अनबायस बनाता है, समझ रहे हैं बात को। तो ये जो है देखिए अनबायस पूछा है कि पूछा तो फॉलोइंग अनबायस एस्टिमेटर, सैंपल मीन अनबायस्ड है, सैंपल प्रोपोर्शन अनबायस्ड है, सैंपल वेरियंस, ध्यान दीजिएगा सैंपल वेरियंस ये वाला फॉर्मूला ही अनबायस्ड है, यदि केवल एन लिखेंगे तो अनबायस नहीं होगा, समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एन माइनस वन लेने का क्या मतलब है, एन माइनस वन लेने से हमारा बायसनेस घटता है, बायसनेस घटाता है, यानी अनबायस बनता है। अनबायस का मतलब समझ में आता है ना आपको, अनबायस का मतलब ये होता है कि सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायस एस्टिमेटर, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हमारा बायस एस्टिमेटर है। तो देखिए दोस्तों ये होगा क्या, बायस एस्टिमेटर कौन सा है, तो ये वाला होगा क्या, बाय एन वाला होगा, तो एन वाला नहीं होगा, एन माइनस वन क्या है, ये देखिए सॉरी ये अनबायस्ड है, ये अनबायस्ड है, ये अनबायस्ड है, लेकिन ये वाला क्या है हमारा बायस्ड है, सो ऑप्शन डी हमारा बायस एस्टिमेटर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या होता है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या होता है कि 95% चांस है कि ये जो है हमारा इट कंटेंस द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, इट कंटेंस द, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कि 95% चांस ये है कि हमारे पॉपुलेशन के मीन को ये कंटेंट करेगा, ठीक है। ये दो तो मतलब होता है कॉन्फिडेंस 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है ना, तो आप हर एक तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और इसको मैंने अच्छे समझाया अभी अपने पिछले वीडियो में। देखिए क्या है, कंसीडर द सैंपल मीन इज 10, सैंपल मीन दिया हुआ है 10, यानी एक्स बार आपको दिया हुआ है 10, सैंपल स्टैंडर्ड एरर मीन दिया हुआ है सिग्मा, तो सिग्मा एक्स बार दिया हुआ है 1, तो आपको बताना है कि 95% लाने के लिए पॉपुलेशन का मीन किस इंटरवल लाई करेगा। सबसे पहली बात 95.5% कॉन्फिडेंस के लिए जेड का वैल्यू कितना आता है, 1.96 आता है, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, तो जो आपको रेंज ही पूछा गया ना, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार माइनस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार, ये लोअर लिमिट हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा एक्स बार प्लस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार, तो लोअर लिमिट कितना है 10 माइनस 1 टाइम्स 1.96, अपर लिमिट कितना है 10 प्लस 1.96, तो माइनस कीजिए और प्लस कीजिए, तो ये हो जाएगा 11.96, सॉरी आप 2 ले लीजिए, समझे, देखिए कहीं कहीं 2 से भी काम चल जाता है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, आप 2 लेके चलिए, तो 95.5% के लिए 2 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 8 और 10 प्लस 2 12, ठीक है, तो 8 और 12 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग आते हैं मैकमिलन के अनसॉल्व क्वेश्चन पे, आप जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो आप मैकमिलन बुक उठाइए और नया जो एडिशन है उसका पेज नंबर आप 204 निकाल लीजिए, 205 से बाद जितना भी क्वेश्चन है सभी को हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको जो चांसेस हैं, जो केस स्टडी पूछे जाने के चांसेस एग्जामिनेशन में, वो बढ़ जाएंगे आप इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, एक पिज्जा शॉप है जिसने बिजनेस को डेवलप किया, कैसे पिज्जा ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए, शॉप गारंटी करता है कि पिज्जा को डिलीवर कर देंगे हम 30 मिनट में या उससे कम टाइम में, ठीक है, ये हाँ, और यदि पिज्जा का डिलीवरी लेट होता है तो वो फ्री है, तो टाइम इट टेक्स टू डिलीवर इस पिज्जा ऑर्डर इज टाइम रिकॉर्डेड डिलीवरी टाइम फॉर दोस पिज्जा डिलीवर रिकॉर्ड, ये सब फालतू चीज़ है, ये सब काम कर ही नहीं है। क्लटर नाउ, अब देखिए 12 रैंडम एंट्रीज आया,
ठीक है 15.3, ये सब टाइम का इंक्रीज है। तो आपको मीन निकालना है सैंपल का। तो मीन कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ के नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर दीजिए तो मीन हो सकता है। अब बी कर रहा है, कैन दिस सैंपल बी यूज टू एस्टिमेट द एवरेज टाइम दैट इज टेक फॉर द सॉफ्टवेयर डिलीवरी, फिर आइए देखते हैं। तो दोस्तों मीन कैसे निकलेगा, तो देखिए आपके पास सैंपल का ये दिया हुआ है ना, देखिए ये सब सैंपल है ये आपका, ठीक है एक कॉलम बनाइए मीन का। तो मीन तो आप निकाल सकते हैं, 2 2 4 ये निकला टोटल ना, तो इसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ आइटम से, तो आपको मीन निकल जाएगा। एक कॉलम बनाइए एक्स माइनस मीन का, एक कॉलम बनाइए एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का, तो बना सकते हैं ना। अब दोस्तों सैंपल का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, इन सभी को जोड़ दीजिए, देखिए जोड़ के निकला नहीं इतना, ठीक है इन सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ दिए आप, ठीक है। और n माइनस वन अब क्यों किया आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है अभी मैंने बताया था कि अनबायस एस्टिमेटर बनाने के लिए n माइनस वन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो n कितना है हमारा देख लीजिए, तो n माइनस वन निकालेगा उसका अंडर रूट कीजिएगा, तो आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा 7.92, ठीक है क्या मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 7.92। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कोई मेट्रोलॉजिस्ट है टेलीविजन स्टेशन का, वो रिपोर्ट करना चाहता है एवरेज रेनफॉल फॉर टुडे, ठीक है आज के एवरेज न्यूकास्ट में। तो डिटेल दिया हुआ है रेनफॉल मेजरमेंट इंचेस फॉर टुडेज डेट फॉर 16 रैंडमली चूज पास्ट ईयर, ठीक है तो आपको सैंपल मीन रेनफॉल बताना है। तो आपके सामने देखिए डिटेल दिया हुआ है, मीन निकालना है, तो मीन तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, सभी को जोड़ दीजिए, देखिए बहुत आसान है, सबको जोड़ दीजिए 16 से भागा दे दीजिए, ठीक है सबको जोड़िए और 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो 16 डिवाइड कीजिएगा मिलेगा 0.36875। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉपुलेशन नोन टू हैव अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.4, तो सिग्मा दिया हुआ है कितना 1.4, सैंपल कितना लिया गया 60 का लिया गया, ठीक है मीन ऑफ सैंपल दिया गया है, मीन ऑफ सैंपल दिया गया है 6.2। आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है यानी सिग्मा एक्स बार बताना है, तो सिग्मा एक्स बार होता है सिग्मा अपॉन रूट एन, तो हो जाएगा 1.4 अपॉन रूट 60, ठीक है जिसे आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाल सकते हैं। देखिए मैंने निकाला है, ठीक है तो मुझे आपको मिल जाएगा 0.18, कितना मिलेगा 0.18। चलिए उसके बाद क्या पूछा गया है, ऑफ एस्टैब्लिश एन इंटर, आपको इंटरवल एस्टिमेट एस्टैब्लिश करना है अराउंड द सैंपल मीन यूजिंग वन स्टैंडर्ड एरर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एक स्टैंडर्ड ही यूज करना है, ठीक है वन स्टैंडर्ड एरर यूज करना है, जेड का वैल्यू कितना लेना है 1 लेना है, तो आप इंटरवल निकाल सकते हैं ना, ठीक है कैसे निकालिएगा, तो देखिए एक तो लीजिए 68 के लिए, 68% के लिए क्या होता है मी माइनस सिग्मा, इतना नहीं करना है एक स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ही होगा, ठीक है ये आपको मिल जाएगा 6.38 और 6.02, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है किसी भी होम कंपनी का, हाँ ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं दोस्तों, ठीक है याद है पिछले मैंने बताया, मैंने आपको बनाया था, ठीक है तो सेम क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, एक कंपनी मैनेज कर रहा है फ्लाई ओवर को, वो है नंबर ऑफ कार रनिंग द टोल गेट एंड इज कंसिडरिंग एल्टरिंग द टोल कलेक्शन प्रोसीजर टू मेक इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव। तो जिसने क्या किया रैंडमली 75 आवर को सैंपल किया, ठीक है तो आपसे ही इसका एवरेज बताया 7, देखिए एन का वैल्यू दिया गया है 75, ठीक एवरेज दिया गया है, एवरेज वॉल्यूशन पर आवर दिया गया है 7 यानी एक्स बार दिया गया है 7, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 0.9 यानी सिग्मा दिया हुआ है 0.9, आपको इंटरवल बताना है कि 95% ये लाई करेगा, इसके जेड का वैल्यू ले लीजिए 2, ठीक है। तो दोस्तों आपके देखिए सब कुछ दिया ही हुआ है, तो सिग्मा और एन से आप सिग्मा एक्स बार निकाल लीजिए, सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है सिग्मा एक्स बार निकाल लीजिए, तो आपके पास जो इंटरवल मिलेगा उसका फॉर्मूला होता है क्या बताइए, उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार, यही तो होता है दोस्तों, ठीक है देखिए एक एक करके निकालते हैं हम लोग। तो सैंपल एन दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, तो इसे आपको स्टैंडर्ड सिग्मा एक्स बार मिल जाएगा 0.10, ठीक है। तो देखिए 68% के लिए ये रेंज होगा, 95% के लिए ये रेंज होगा और 90% के लिए ये रेंज होगा, तीनों के लिए आप रेंज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन दिया हुआ है, इसका वेरियंस दिया हुआ है 185, वेरियंस दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड एरर आप निकाल लेंगे रूट ऑफ और वेरियंस से, ठीक है सैंपल सिग्मा मिल जाएगा आपको पॉपुलेशन का, ठीक है सैंपल का साइज दिया हुआ है एन इक्वल टू 64, ठीक है और मीन दिया हुआ है कितना एक्स बार दिया हुआ है 217, ये स्टैंडर्ड एरर निकल गया ना, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है तो वो आपको कितना मिलेगा बताइए, आपको मिल जाएगा 1.70, निकाल के देखिए 1.70 मिलेगा, ठीक है फिर से इंटरवल एस्टिमेट बोलेगा 68.3 के लिए, 68.3 के लिए आपको मैंने बताया ना,
68.3 के लिए सिग्मा 1 सिग्मा लेते हैं, 95 के लिए 2 सिग्मा लेते हैं, 99 के लिए 3 सिग्मा लेते हैं। याद रखिए रूल, 68, 95 और 99। 68 के लिए सिग्मा जेड का वैल्यू 1 होता है, 95% के लिए 2 होता है और 99% के लिए कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो मतलब एक अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं कहेंगे, इसे अप्रॉक्स कहेंगे, इससे आपका कैलकुलेशन आसपास आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एज ईच कस्टमर एंटर्स हिज बार्बर शॉप, सैम येल्स आउट द नंबर ऑफ मिनट दैट कस्टमर विल हैव टू वेट बिफोर गेटिंग हिज हेयर कट। ठीक है, द ओनली स्टैटिस्टिशियन इन द टाउन आफ्टर बीइंग फ्रस्ट्रेटेड बाय द सैम इनकरेक्ट पनिशमेंट हैज डिटरमाइंड दैट एक्चुअल वार्निंग टाइम ऑफ द कस्टमर। देखिए एक लंबा चौड़ा इसका डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, आपको काम का चीज़ ये है कि देखिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सैम, स्टैंडर्ड देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 5। ठीक है, और 95% प्रोबेबिलिटी इंटरवल निकालना है। ठीक है, तो ये सब डाटा है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए दोस्तों। CCI स्टेडियम है, तो दोस्तों इसको आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, पनिशमेंट निकालना है। और ये भी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज हम लोग इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस कर लिए जो कि इस टॉपिक से थे। आपको यदि PDF की रिक्वायरमेंट है, यदि आपको MCQs की PDF चाहिए, थ्योरी की PDF चाहिए, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, इस पर आप मुझे मैसेज कीजिए। ये पेड PDF है, आपको मैं पेड PDF प्रोवाइड करूँगा। लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं डेली क्विज करवाता हूँ। और दोस्तों यदि आपको नहीं मिलता है तो आप CIIB मेट सिंपल करके सर्च कीजिए, CIIB मेड सिंपल करके टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, मेरा चैनल आपको वहाँ मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेसन में अगले नए चैप्टर के साथ। होपफुली आप अपना फीडबैक दीजिए, आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल के इंप्रूवमेंट के लिए। आप जो भी कहेंगे उसे मैं अपने अगले लेसन में इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलेबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कॉलेबल बॉन्ड के बारे में कहा जा रहा है। कॉलेबल बॉन्ड को जरा समझते हैं, कॉलेबल बॉन्ड का मतलब समझना काफी आवश्यक है। ये मैंने पहले भी समझाया है आपको, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए जो बॉन्ड को इशू कर रहा है उसके पास एक राइट होता है कि वो बॉन्ड को बैक कर सकता है। ठीक है, और एक फिक्स प्राइस को पे कर देगा, और ऑब्वियस सी बात है वो पार वैल्यू पे क्या रहेगा, प्रीमियम रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉलेबल बॉन्ड पे। नाम ही है, दोबारा वापस आप कॉल कर दो बॉन्ड को। ठीक है, तो आप बताइए कि यदि मान लीजिए मार्केट का इंटरेस्ट रेट, यदि आप खुद सोचिए यदि इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब बॉन्ड का प्राइस यदि बढ़ेगा तो वो जो बॉन्ड इशू किया है वो क्या चाहे, वो क्या करेगा, वो चाहेगा ना कि हम बॉन्ड को कॉल बैक कर लें, तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कॉलेबल बॉन्ड। अब जरा ऑप्शन को देखिए, आर कॉल्ड व्हेन इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन, गलत बात है। हैव अ कॉल प्राइस दैट डिक्लाइन टाइम पास, ये भी गलत बात है। आर कॉल्ड व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ये भी सही है। अभी मैंने बताया ना, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, ये सही है। सॉरी यहाँ पे इसे सही कीजिए, यहाँ पे दोस्तों मैं इसे इरेज करता हूँ, ये वाला गलत है। देखिए अभी मैंने क्या बताया कि जब बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, तब ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। डिक्लाइन डिक्लाइन टाइम पासिस, दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया आपको क्यों ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो जो जिसने बॉन्ड इशू किया है वो क्या करेगा, उसे कॉल बैक करेगा। ठीक है, तो इसी कारण से आप इसे कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अभी आपके सामने चार स्टेटमेंट है, उसमें से इनकरेक्ट कौन है इसका बताना है। अ गवर्नमेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड इशूड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन इंडियन रुपीस, गवर्नमेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि भारतीय सरकार इशू करती है इंडियन रुपीस में, बताइए सही है कि गलत है। सही है, बॉन्ड इशूड बाय नेशनल गवर्नमेंट इन फॉरेन करेंसी रेफर, ये भी सही है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू, ये भी सही है। गवर्नमेंट बॉन्ड डो नॉट हैव एनी मार्केट रिस्क, दे डो नॉट हैव एनी क्रेडिट, आप बताइए गवर्नमेंट बॉन्ड में मार्केट रिस्क नहीं होता है क्या,
मार्केट रिस्क तो होता ही है, इंटरेस्ट रेट रिस्क तो एक तरह का मार्केट रिस्क ही है ना। मैंने बताया ना कि चाहे कैसा भी बॉन्ड हो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क तो होगा ही होगा, और इंटरेस्ट रेट रिस्क एक मार्केट रिस्क का टाइप है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। आइए आगे देखते हैं, यूके बॉन्ड आर नोन एज, अब बताइए यूके बॉन्ड क्या कहते हैं, जैसे हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो यूके बॉन्ड को हम लोग बताए थे कि यूके बॉन्ड का नाम क्या होता है, उसे कहते हैं गिल्ड्स, क्या कहते हैं उसे, गिल्ड्स कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ जान लीजिए, इसके अलावा भी जान लीजिए कि जो बॉन्ड फ्रांस को, जो बॉन्ड फ्रांस इशू करती है यूरो में, उसे ओट्स कहते हैं, जर्मन बॉन्ड्स को बुंड्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जर्मन बॉन्ड्स को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जर्मन बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, तो जर्मन बॉन्ड्स को हम लोग कहते हैं बुंड्स, बॉन्ड्स नहीं बुंड्स, BUNDS, ठीक है बुंड्स, इसलिए नाम याद रखिए बुंड्स, जर्मन बॉन्ड का नाम है बुंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओवर स्टेटिंग द रिटर्न ऑन प्रीमियम बॉन्ड एंड अंडर स्टेटिंग द रिटर्न ऑन डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट बॉन्ड इज जनरली ट्रू व्हेन वी यूज वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब हम लोग आपके सामने एक, आपको मैंने बताया ना इंडिकेटर के रूप में हमारे पास क्या क्या है बताइए, इंडिकेटर के रूप में हमारे पास एक तो है, एक तो तीन चीज़ है, पहले बताइए, पहला है क्या करेंट यील्ड, ठीक है, दूसरा क्या है YTM, और तीसरा क्या है रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये तीन तरह के हमारे इंडिकेटर्स हैं, है ना। तो दोस्तों ये हमारे इंडिकेटर्स हैं। अब आपसे क्या पूछा रहा है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो प्रीमियम बॉन्ड को ओवर स्टेट कर देता है और डिस्काउंट बॉन्ड के रिटर्न को अंडर स्टेट कर देता है। तो दोस्तों देखिए ये जो है ना हमारा वो करंट यील्ड है, ठीक है। अब YTM परफेक्ट है, YTM मैंने बताया क्यों परफेक्ट है, और रेट ऑफ रिटर्न भी ठीक है, लेकिन करंट यील्ड क्या करता है कि हमारा जो प्रीमियम बॉन्ड है उसको ओवर स्टेट कर देता है, और जो हमारा डिस्काउंट बॉन्ड है उसे अंडर स्टेट कर देता है। तो ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा करंट यील्ड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार खुद से पढ़िए एक क्वेश्चन को, मैं फिर आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ठीक है, बॉन्ड ए का फेस वैल्यू है $1,000 और कूपन रेट है 10%। बॉन्ड बी का आपका, बॉन्ड बी के बारे में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बॉन्ड बी का फेस वैल्यू 1,000 दिया हुआ है और कूपन रेट 5% दिया हुआ है। देखिए दोनों का फेस वैल्यू सेम है और दोनों बॉन्ड का सेम मैच्योरिटी है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क किस में ज़्यादा होगा बताइए, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है किस में ज़्यादा होगा बताइए दोस्तों। तो फ्रेंड्स अंतर क्या है बताइए, अंतर है मात्र कूपन रेट पे, अंतर किस पे है कूपन रेट पे। तो क्या कूपन रेट से इंटरेस्ट रेट रिस्क पे कोई फर्क पड़ता है क्या, ठीक है। तो दोस्तों ज़रा देखिए, आपके पास 1,000 का यहाँ पे क्या है, इस समझिए 1,000 का फेस वैल्यू का एक बॉन्ड है और ये भी 1,000 फेस वैल्यू का एक बॉन्ड है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है हमें, इसमें दिया हुआ है कि इसका कूपन रेट है 10% और इसका कूपन रेट कितना है, इसका कूपन रेट है 5%, ठीक है। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इस मैच्योरिटी टाइम सेम है, इसका भी टाइम सेम है, इसका भी टाइम सेम है। तो दोस्तों देखिए जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो डिपेंड करता है किस पे, वो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ टाइम तो सेम है ना, ठीक है, दोनों बॉन्ड का टाइमिंग सेम है, तो इस केस में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा रेट ऑफ, वो भी क्या है कि ये कूपन रेट है, ठीक है। तो कूपन रेट से इंटरेस्ट रेट रिस्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि बोथ विल हैव सेम रिस्क, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखते हैं, आप देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि आपको दो बॉन्ड दे दिया है, ठीक है, बॉन्ड जी का फेस वैल्यू दिया हुआ है 1,000। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बॉन्ड सी का जो है फेस वैल्यू दिया हुआ है $1,000 और 5 साल रिमेनिंग है, ठीक है। मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, कौन कौन सा बॉन्ड है, बॉन्ड सी और डी है, ठीक है। यहाँ पहले सी लिखता हूँ मैं, यहाँ डी लिखता हूँ। तो बॉन्ड सी के बारे में क्या दिया हुआ है कि बॉन्ड सी का फेस वैल्यू है $1,000 है, ठीक है, और बॉन्ड डी का फेस वैल्यू कितना है, एक इसका भी $1,000 है, चलिए दोनों का $1,000 है। और क्या दिया हुआ है कि बॉन्ड सी 5 ईयर रिमेनिंग टू मेच्योरिटी, ये फाइव ईयर है मेच्योरिटी का, और बॉन्ड डी कितना साल का मेच्योरिटी है, 10 ईयर रिमेनिंग मेच्योरिटी। अब देखिए यहाँ पे ईयर का अंतर है, ठीक है, यहाँ पे क्या ईयर का डिफरेंस है। अब क्या कह रहा है, ये हैविंग द सेम कूपन रेट, कूपन रेट यहाँ पे 10%
यहाँ भी 10% है। अब आपसे क्या पूछा है कि किसका ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रेशियो होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए क्या बताया था मैंने आपको कि जितना लॉन्गर आपका वो होगा इंटरेस्ट, लॉन्गर टाइम बॉन्ड जो होता है ना उसमें ज़्यादा प्राइस में चेंज आता है। ये ग्राफ याद है आपको, ये ग्राफ मैंने आपको समझाया था, मैं ग्राफ प्लॉट करके फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए यदि आप प्लॉट करेंगे यहाँ पे प्राइस प्लॉट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट को प्लॉट करेंगे, ठीक है, यहाँ प्राइस प्लॉट कीजिए और यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट को प्लॉट कीजिए, तो आप देखिएगा कि जो लॉन्गर टर्म जो स्मॉलर टर्म बॉन्ड रहेगा ना उसमें कुछ इस प्रकार का फ्लक्चुएशन रहेगा, और जो लॉन्गर टर्म बॉन्ड रहेगा ना उसमें ऐसा फ्लक्चुएशन रहेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। ये वाला है लॉन्ग टर्म बॉन्ड के लिए और ये वाला क्या है शॉर्ट टर्म बॉन्ड के लिए। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क भी ज़्यादा होगा ना, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चेंज हो रहा है। आप ये देखिए ना, इसमें देखिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे बॉन्ड का प्राइस कम हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव है, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या था क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क है, तो ऑब्वियस ये बात है जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है। आप बताइए क्वेश्चन को देखिए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड कौन सा है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड इसमें इसका सी का है 5 ईयर और डी का है 10 ईयर, तो ऑब्वियस ये बात है डी हमारा लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, व्हेन इंटरेस्ट रेट गोज अप प्राइस ऑफ द फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड, ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो आपको पता ही है कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा जो फिक्स इंटरेस्ट बॉन्ड है उसका प्राइस क्या होगा, डाउन होगा, ये तो इन्वर्सली रिलेशन होता ही है, सबको पता ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब करेंट मार्केट इंटरेस्ट रेट लोअर है देन द फिक्स्ड कूपन रेट ऑफ बॉन्ड द बॉन्ड इज सोल्ड। अब देखिए पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, इसको मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवन करेंट मार्केट इंटरेस्ट रेट आर लोअर देन फिक्स्ड कूपन रेट। देखिए एक होता है हमारा कूपन रेट, ठीक है, ये क्या होता है हमारा कूपन रेट होता है दोस्तों, एक मिनट में फिर से लिख के दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए यदि करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट आपका कम है, तो इंटरेस्ट रेट यदि कम होता है तो इसका इफेक्ट क्या होता है बताइए, तो इंटरेस्ट रेट यदि कम होगा तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे कोई आपका आप यदि इसका कैश फ्लो डायग्राम बनाते हैं तो ये आपका फेस वैल्यू होता है और ये आपका बॉन्ड प्राइस होता है, तो बॉन्ड प्राइस ये वाला कंपोनेंट बढ़ गया ना, तो ये वाला कंपोनेंट आपका यदि बढ़ गया तो वो कैसे सेल हो रहा है आपका, तो वो जो सेल होगा वो सेल आपका होगा प्रीमियम पे, ठीक है, वो किस पे सेल होगा, प्रीमियम पे सेल होगा, समझ रहे बात, क्योंकि बॉन्ड प्राइस आपका बढ़ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बॉन्ड विद अ कूपन रेट ऑफ 8%। अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या बॉन्ड दिया हुआ है कूपन रेट दिया हुआ है 8% पेड एनुअली एंड फेस वैल्यू ऑफ 1000 मैच्योर इन 15 ईयर द करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट 6% ऑफ द बॉन्ड मार्केट वैल्यू। आप देखिए इसको कैश फ्लो डायग्राम पे बनाइए, जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन, ये रहा हमारा कैश फ्लो डायग्राम। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कूपन रेट दिया हुआ है 8%, यानी CR हमें दिया हुआ है 8%। मैं इसको यही समझाता हूँ आपको, शॉर्ट में समझाता हूँ दोस्तों,
देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, सीआर दिया हुआ है, सीआर कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ है, और फेस वैल्यू दिया हुआ है कितना 1000। ठीक है, तो फेस वैल्यू को यहाँ शो करते हैं हम लोग, 1000 इसका फेस वैल्यू है। मैच्योरिटी 15 साल है, मतलब 1, 2, 3, 4 से करके 15 होगा। ठीक है, करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 8%, 6%, मतलब रेट 8 जो है वो कितना है हमारा 6% है। तो हमें मार्केट वैल्यू बताना है, तो ये बताना है ये कितना होगा। तो दोस्तों एक तरह से बॉन्ड का प्राइस ही तो पूछ रहा है, बॉन्ड का प्राइस आपको निकालना है, कैसे निकालेगा बताइए। तो बॉन्ड का प्राइस निकालने के लिए मैंने आपको बताया ना कि पहले कूपन रेट्स दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है, तो कूपन वैल्यू निकाल लीजिए। तो 8% ऑफ 1000 निकाल लीजिए, कितना होगा 8000 पर दिक्कत है बताइए, तो आपको मिल जाएगा 80। ठीक है, तो इस आपको मैंने बताया था ना कि कूपन रेट को मल्टीप्लाई करते हैं PVIF से, और जो फेस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं PVIF से। अब PVIF का फॉर्मूला और PVIF का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, पहले ये निकाल लीजिए फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको PV मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, देखिए आपके सामने कैलकुलेशन है। देखिए करंट 80 रुपये मिला ना था, 80 रुपये मिला था ना हमें कूपन वैल्यू का, तो कूपन वैल्यू 80 रुपये मिला, 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे PVIF से, है ना, और हमारा 1000 जो फेस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे PVIF से, तो हमें बॉन्ड का प्राइस मिल जाएगा जो कि मिलेगा 1194। अब आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए जरा, देखिए तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अब जरा देखिए आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो बॉन्ड का प्राइस है वो आपका जो फेस वैल्यू से ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका प्रीमियम पे सोल्ड हो रहा है ना, डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा है, प्रीमियम पे सोल्ड हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड का जो प्राइस है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, प्रीमियम पे सोल्ड हो रहा है। लेकिन इस केस में आप जरा बताइए कूपन रेट कितना था, 8% था। ठीक है, और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6%। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना लिखा हुआ है 6%। तो आप जरा देखिए कि जब आपका कूपन रेट ज़्यादा है और रेट ऑफ रिटर्न कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा प्रीमियम पे सोल्ड होता है। वही तो मैंने पिछले केस में आपको बताया था, ये आप YTM ले सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न को क्या ले सकते हैं, YTM। जब YTM आपका कूपन रेट से कम होता है तो आपका प्रीमियम पे सोल्ड होता है। आप पिछले केस में देखिए, पिछले केस में आ जाइए, जो कि एग्जांपल मैंने से पहले आपको बताया था, यहाँ लिखा है ना कि वेन द करंट मार्केट इज लोअर देन कूपन रेट, मतलब YTM जो है कूपन रेट से कम है, तो बॉन्ड को कैसे कैसे सोल्ड करते हैं, प्रीमियम पे सोल्ड करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया उस एग्जांपल से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब एक बॉन्ड है जिसका पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, ठीक है, दिया हुआ है 1000 है। कैश फ्लो डायग्राम बना लीजिए, ये कितना दिया हुआ है 1000। ठीक है, चलिए कूपन रेट दिया हुआ है 12%। चलिए यहाँ लिख दीजिए कूपन रेट कितना है 12%, और मैच्योरिटी है 3 साल। चलिए 1, 2 और 3 साल हमें कूपन रेट मिलेगा, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड इज, मतलब आर दिया हुआ है, यानी YTM दिया हुआ है हमें 10%। ठीक है, तो हमसे बॉन्ड का वैल्यू पूछा है, यानी बॉन्ड का वैल्यू यहाँ जो मार्केट प्राइस होगा ये पूछा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको फेस वैल्यू पता है ना 1000, 12% निकाल लीजिए 1000 का, तो 120 मिलेगा, तो 120 यहाँ मिला, 120 यहाँ मिला, और 120 यहाँ मिला। अब आप क्या कीजिएगा, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालिएगा, वही तो हमारा बॉन्ड का प्राइस होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कीजिए आप, कूपन वैल्यू कितना है 120 इंटू PVIF निकाल लीजिए। फॉर्मूला पता है क्या फॉर्मूला होता है, 1+R^(t-1)R(1+R^(t)। यही होता है ना, R की जगह लिख दीजिए आप 10%। ठीक है, और T की जगह लिख दीजिए आप क्या, T की जगह लिख दीजिए आप 3 साल। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप इसे कीजिए, और यहाँ पे फेस एक विधि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 120 से, और फेस वैल्यू कितना है 1000 है, इसके लिए यूज कीजिए 1+R^(t)। ठीक है, इसका वैल्यू आप बताते हैं। अब जरा ऑप्शन को जरा देखिए, मैं आप कुछ ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना इतना कैलकुलेशन किए। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कुछ तरीका बताता हूँ दोस्तों। एक तो ये तरीका बता दिया आपको बॉन्ड प्राइस निकाल के, जो लंबा तरीका है। अब आपको मैं समझाता हूँ दोस्तों, देखिए कंसेप्ट को यूज कीजिए, आप क्या जानते हैं इस केस में जरा देखिए। तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, यानी YTM आप मान सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न को, YTM है 10%। ठीक है, और आपका जो कूपन रेट है वो कितना है 12% है। तो फिर से वही केस हो गया, YTM हमारा CR से कम है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि हमारा जो मार्केट वैल्यू मिलेगा ना वो फेस वैल्यू से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी प्रीमियम पे सोल्ड होगा। ठीक है, अब जरा देखिए आपका फेस वैल्यू है कितना 1000। ठीक है, लेकिन सर चारों ऑप्शन तो आपका 1000 से ज़्यादा ही है ना, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो आपको निकालना ही पड़ेगा बॉन्ड का प्राइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है बॉन्ड का प्राइस आपके सामने है, देखिए ये हमने ये निकाला। ठीक है, और फाइनल वैल्यू आ गया 1049.44। चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, सामने कैलकुलेशन में मिलाइए अपने आंसर को, देखिए कि ऐसे आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब देखिए यहाँ पे आपको कंसेप्ट का यूज करना है, 15 साल का 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% कूपन रेट, नहीं दिया हो तो कूपन रेट समझिए, 1000 फेस वैल्यू, करंटली ट्रेडिंग है 958। अब बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए करंटली ट्रेडिंग कितना है 958, आप कितना, आपको 958 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है, और 80 15 साल है, 80 देते देते 15 साल हो गया, लास्ट में कितना मिल रहा है आपको, 1000 मिल रहा है, 1080 रुपया मिल रहा है, तो आपको बताना है कि YTM जो है क्या होगा। अब आप बताइए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया है कि कूपन रेट है हमारा कितना 8%, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो ये हमारा मार्केट वैल्यू है और ये हमारा क्या है फेस वैल्यू है, तो आप जरा देखिए जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से कम है ना, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट पे हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट पे यदि हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो YTM है हमारा वो हमारा क्या होगा करंट रेट से, वो हमारा क्या होगा कूपन यील्ड से ज़्यादा होगा, या आप कूपन रेट से ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं, तो YTM जो है 8% से ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। चलिए कंसेप्ट क्लियर करना है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विच वन हैज़ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किसका है, देखो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया दोस्तों कि देखिए सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है लेकिन ईयर अलग अलग है। मैं क्या बताया था कि जितना लॉन्गर ईयर बॉन्ड होगा, ठीक है, जितना लंबा बॉन्ड चलेगा तो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो इंटरेस्ट रेट चेंज से, ठीक है, बॉन्ड कोई भी बॉन्ड है इंटरेस्ट रेट का चेंज का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको बॉन्ड के प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है ना उसमें ज़्यादा बॉन्ड का प्राइस का इफेक्ट पड़ता है, जिसका टाइम पीरियड कम होता है वो कम होता है। तो जरा देखिए तो 20, 5, 10 में सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड किसका है, 20 का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने समझाया भी है इसे दोस्तों, यदि आपको इस तरह का MCQs का PDF चाहिए जो कि मैं हर एक टॉपिक का आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो ये नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये पेड PDF है, ये जो मैं पेड मेंबर को देता हूँ, तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपको इस तरह के जितने भी MCQ हर एक टॉपिक के MCQs दूंगा, हर एक टॉपिक में लगभग 40 से 50 MCQs हैं, उसके साथ साथ थ्योरी का भी चाहिए, इस तरह का आप थ्योरी भी ले सकते हैं दोस्तों, थ्योरी का भी PDF है वो भी अवेलेबल है, तो आपको यदि चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप थ्योरी का PDF देखना चाहते हैं दोस्तों तो वो कुछ इस प्रकार है, आपको मैं दिखा देता हूँ, इफ यू वॉन्ट टू सी थ्योरी PDF यू कैन सी इट लाइक दिस। ओके नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए इसे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मिसेस कृष्णा कॉर्पोरेशन हैड जस्ट इशू 10 ईयर 7% कूपन बॉन्ड, ठीक है, तो दोस्तों देखिए 10 साल का बॉन्ड है, 7% कूपन इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, फेस वैल्यू 1000 दिया हुआ है, बॉन्ड एंड एनुअल कूपन पेमेंट है, इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%, व्हाट इज द बॉन्ड प्राइस। आप देखिए इसमें कंसेप्ट का यूज करते हैं, जरा देखिए तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये आपका ये कैश फ्लो डायग्राम है, तो कैश फ्लो डायग्राम में फेस वैल्यू कितना है 1000 है, ठीक है, 1000 का 7% कितना होगा 70 रुपया होगा, और कितने साल तक है 10 साल तक है, मतलब 10 साल तक 70 70 70 मिलता चला गया, और मार्केट प्राइस कितना है ये पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है निकालना, और रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ 10%। अब आप बताइए कूपन रेट कितना है आपका, कूपन रेट है 7%, YTM या रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका, वो है आपका 10%, कौन ज़्यादा है, YTM ज़्यादा है, इसका क्या मतलब निकलता है बताइए, इसका मतलब ये निकलता है कि जो मार्केट वैल्यू होगा ना वो बॉन्ड प्राइस से कम होगा, यानी ये जो होगा उससे छोटा होगा। अब छोटा जरा देखिए कौन कौन सा है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, देखिए दो ऑप्शन आप ऐसे ही छांट सकते हैं, तो देखिए बिना कैलकुलेशन के यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप दो ऑप्शन को छांट सकते हैं, आप बचा ये दोनों में से कौन सा होगा, इसको तो आप निकालना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो वही तरीका है बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला, बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, देखिए ऑप्शन कैसे छांटना है वो सीखिए, ठीक है, तो ऐसे आप ऑप्शन को छांट सकते हैं। दोस्तों मैं आपको PDF दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह का PDF है, हर एक चैप्टर का PDF अवेलेबल है, मैंने अपने लेवल पे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है डायग्राम के साथ, और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाया है, जहाँ हो सकता है वहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया दोस्तों। यदि इस तरह का PDF भी चाहिए आपको तो आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों तो ये समझ में आया आपको, अब जरा इसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाले वो जरा देखते हैं। दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करेंगे, ये जो हमारा कूपन रेट है 70, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे PVIF से, और जो हमारा फेस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे PVIF से, ठीक है, तो PVIF कैसे निकालेंगे, तो 1+R^(t-1)R(1+R^t), आर की जगह ले लेना है कितना 10%, 0.01, ठीक है, और टी की जगह ले लेना है कितना 10 ईयर्स,
ठीक है, तो आपका आंसर आपको आंसर मिलेगा, देखिए सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर वन यानी 815। तो देखिए एलिमिनेशन का कितना फायदा हुआ कि दो ऑप्शन तो हम ऐसे ही हटा दिए, तो बचा हमारा दो ऑप्शन, तो 815 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, बेवेरियन सॉसेज जस्ट इशूड 10 ईयर 7% कूपन बॉन्ड, द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1000 एंड बॉन्ड मैक्स सेमी एनुअल, देखिए यहाँ सेमी एनुअल लिखा हुआ है, ये कीवर्ड है, वाइज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड 10% इज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। फिर से आप ऑप्शन लिमिट कर सकते हैं क्या, देखिए तो देखिए YTM कूपन रेट है 7%, YTM ज़्यादा है, तो YTM ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो YTM आपका कूपन रेट आपका कम है YTM से, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डिस्काउंट होगा, तो 1000 होगा नहीं और 1035 होगा नहीं, 815 या 813 में से कोई एक आंसर है तो क्लोज है, तो क्लोज के लिए वही मैथड, लेकिन बस ध्यान रखना सेमी एनुअल बॉन्ड है, ठीक है सेमी एनुअल क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, कूपन अमाउंट निकाल लीजिए कितना 1000 हाँ यहाँ पे क्या है कि 7/2 करना पड़ेगा क्योंकि सेमी एनुअल बॉन्ड है, पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 साल, और रेट को भी क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर प्राइस का फॉर्मूला तो पता ही है 1/, ये तो फॉर्मूला हमको पता ही है, ठीक है कैलकुलेशन आपके सामने है, और ये कम ही वैल्यू आएगा वो है ना, तो बस सेमी एनुअल में ध्यान रखना है कि जहाँ भी रेट लेंगे वहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, और जहाँ भी टाइम लेंगे वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली पेमेंट है, ठीक है, मतलब ये रेकरिंग हो जाएगा, इसका एन्यूटी जो है 20 बार होगा, समझ रहे हैं आपको। चलिए आगे से करके देखिए, कैलकुलेशन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन है, अ बॉन्ड हैज बीन इशूड फॉर 10 ईयर 12% कूपन बॉन्ड, फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, बॉन्ड मैक्स एनुअल कूपन पेमेंट, बॉन्ड ट्रेडिंग है कितना, व्हाट इज बॉन्ड, ये आप देखिए YTM निकालने का दिया, अब देखिए वही तो है उल्टा पुल्टा के कुछ भी पूछेगा, कभी YTM निकालने बोलेगा, कभी आपको ये निकालने बोलेगा, YTM कैसे निकालेंगे बताइए। तो दोस्तों YTM का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, सी टाइम्स यहाँ देखिए लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है, कूपन टाइम्स ए प्लस पी अपॉन एन डिवाइडेड बाई ए प्लस पी अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है ये फॉर्मूला है। तो इसमें कूपन आपको दिया हुआ है 120, ठीक है अमाउंट ये ए क्या है, ये आपका क्या है फेस वैल्यू है, ठीक है, और पी क्या हमारा मार्केट प्राइस है, ठीक है ए मतलब फेस वैल्यू, पी या एफ बी एम बी भी ले सकते हैं आप, और एन कितना हमारा 10 ईयर्स, ठीक है, तो YTM निकालेगा तो 12% आएगा, समझ रहे हैं, YTM की निकालेगा तो क्या आएगा 12% आएगा। चलिए तो आपको समझ में आ गया कि आप देखिए इसमें भी आप चाहें तो नहीं, इसमें नहीं कर पाएंगे आप। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को स्किप करते हैं, 19 को देखते हैं, इसमें क्या करें 19 नंबर क्वेश्चन में, यह 6 साल का बॉन्ड है, 6 ईयर बॉन्ड है, इसका इंटरेस्ट है 80 रुपया एनुअली, और सेल हो रहा है 950 पे, तो कूपन रेट बताना है, करंट रेट बताना है, वाइटिंग में तीन चीज़ बताना है आपको, ठीक है। तो इसका यदि हम कैश पे डायग्राम बताएं तो 950 रुपया ये है, 6 साल का बॉन्ड है, ठीक है, और इंटरेस्ट मतलब 80 यहाँ मिला, ठीक है। तो पहला क्या पूछा है, कूपन रेट बताना है, मतलब कूपन रेट परसेंटेज बताना है, ठीक है, और हमें फेस वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है। चलिए तो करंट ईयर तो बता सकते हैं ना कि 80 जो है 950 का कितना परसेंटेज है, तो 80/950 × 100 कर लीजिए, अब करंट ईयर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे देखिए आपको कूपन, एक चीज़ देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू का आप 1000 मान लीजिए, फेस वैल्यू क्या मान लीजिए 1000, जैसे यहाँ माना गया है, फेस वैल्यू का आप क्या मान लीजिए क्वेश्चन में 1000 मान लीजिए, तो फेस वैल्यू 1000 मानेंगे तो कूपन रेट कितना मिलेगा बताइए, तो फेस वैल्यू को 1000 मानते हुए आपका जो कूपन रेट मिलेगा 8%, ठीक है, और करंट है जो कि आपको मैंने बता दिया 8.42% आएगा, ठीक है। दोस्तों YTM का फॉर्मूला पता है, सी प्लस ए प्लस पी अपॉन एन ए प्लस पी बाई 200, ए क्या है हमारा, ए है हमारा दोस्तों मार्केट वैल्यू, और पी है हमारा फेस वैल्यू, ठीक है, या ए फेस वैल्यू है और बी है पी है मार्केट वैल्यू, एन है 7 साल, तो अब YTM निकालेगा तो मिलेगा 9.059%। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी प्लस ए प्लस पी अपॉन एन और ए प्लस पी अपॉन 2 × 100, ठीक है। देखिए बॉन्ड कह रहा है कि एक बॉन्ड है जिसका रिमेनिंग मेच्योरिटी दिया हुआ है 5 साल का, और यील्ड दिया हुआ है 6%, मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है 8%, मैक्रो ड्यूरेशन बताना है, तो क्या होता है 5/1 + y/n, ठीक है, वाई कितना है 0.06/n, एन कितना है 5 साल, ठीक है निकाल लीजिए, वही क्या हुआ ना, ठीक है, तो YTM 1 + YTM, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 5.30।
फॉर अ कूपन बॉन्ड द यील्ड टू मैच्योरिटी। अब बताइए यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, इज एनुअल इंटरेस्ट रेट पेमेंट डिवाइडेड बाय बॉन्ड रेट, गलत, इंटरेस्ट दैट इक्वेट एंड इंटरेस्ट रेट दैट इक्वेट बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्राइस। बिल्कुल सही बात, बॉन्ड का अपना, हर एक बॉन्ड का अपना प्रेजेंट वैल्यू होता है, तो आप क्या करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और इसके प्राइस के बराबर करना चाहते हैं, जिस रेट पे हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है बॉन्ड पे, मैंने बताया है कि रिटर्न ऑफ बॉन्ड का दो कंपोनेंट है, एक तो अपना करंट यील्ड है और एक अपना है कैपिटल गेन का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, करंट यील्ड भी होगा और कैपिटल गेन भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखते हैं, 15% कूपन बॉन्ड है, फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, ठीक है, 3 साल का बॉन्ड है, रिमेनिंग मैच्योरिटी है इतना, ठीक है, आपने 1 साल के बाद क्या किया, बॉन्ड को सेल कर दिया जब रेट गिरा और बॉन्ड का वाई टी एम 10%, तो बॉन्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके बुक का पीछे का लिया गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सॉल्व कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ने का प्रयास, समझने का प्रयास कीजिए क्या हो रहा है। 15% कूपन बॉन्ड है, फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, 3 साल है इसका मैच्योरिटी रिमेनिंग, ठीक है, इसको खरीदा गया 1050 रुपये पे, 1 साल के बाद आपने क्या किया, अब देखिए रेट ऑफ रिटर्न निकालने का आ गया है, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला तो पता है ना आपको, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो इन्वेस्टमेंट को लिखते हैं नीचे में और ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं हम लोग कूपन करंट यील्ड, या आप कूपन, ये कूपन से जो आपका करंट यील्ड हो रहा है और प्लस प्राइस चेंज, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो कूपन इनकम को लिखते हैं यहाँ पे मैं करंट ईयर लिख रहा हूँ, यहाँ कूपन इनकम लिखते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कूपन इनकम, ठीक है, अब प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस लिखते हैं प्राइस चेंज, ठीक है, अपॉन क्या लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। वो क्या रहा है कि 15% का कूपन बॉन्ड है, तो ये 15% क्या है, कूपन रेट दिया हुआ है, ठीक है, फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, तो कूपन इनकम तो निकाल ही सकते हैं 1000 का 15%, यानी ये तो मिल गया 150, ठीक है, ये आपको मिल गया। अच्छा, 3 साल रिमेनिंग है मैच्योरिटी का और उसको खरीदा गया कितना पे, 1050 पे। चलिए प्राइस चेंज निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, एक तो प्राइस पता है हमें 1050 पे जिसपे खरीदा गया, यानी हमें ये पता है दोस्तों 1050 पे इसे खरीदा गया, लेकिन आपने 1 साल के बाद इसे बेच भी तो दिया, ठीक है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा किस रेट पे बेचा, आखिर सेलिंग प्राइस क्या था आपका, समझ रहे हैं बात को, सेलिंग प्राइस क्या था आपको, और जब रेट घटा तो आपने उसे बेच दिया और बॉन्ड का YTM दिया हुआ 10%। आप देखिए इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, देखिए 1 साल बाद, मतलब जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 साल था, यहाँ पे आपने इसे बेच दिया, ठीक है, तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं ना कि ये वाला जो देखिए वो क्या रहा है कि आपको कूपन अमाउंट कितना मिला, 150 यहाँ मिला और यहाँ कितना मिलेगा बताइए, 1000 प्लस 150 यानी 1150 मिलेगा, ठीक है, और YTM क्या क्या दिया हुआ 10%, तो YTM में तो कहता ही है, YTM का मतलब ही क्या है, YTM का मतलब ही है कि ये आपको जब आप YTM निकाल रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे जो हमारा मार्केट वैल्यू होगा वही हमारा बॉन्ड का प्राइस होगा, तो आप क्या कीजिए इस 150 का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और इस 1150 का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, वही हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को, तो 150 का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और 1150 का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, 150 कैसे निकालिएगा, तो 150 अपॉन 1 प्लस आर, आर कितना लीजिएगा 0.1, ठीक है, और 1150, ठीक है, 1150 अपॉन 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। देखिए मैंने ये किया है यहाँ पे, अब देखिए सॉरी ये मैंने शायद बनाना भूल गया हूँ, ठीक है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास कीजिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ दोस्तों, देखिए ये चीज़ समझ में है आपको, प्राइस चेंज हम निकालना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो हमें पता है 1050 है, तो आप इसका वैल्यू निकालिए, ये आपका वैल्यू मान लीजिए आ जाएगा, इसको आप निकालिएगा, ठीक है, 150 अपॉन ये, इसका वैल्यू मान लीजिए आ गया 1100, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा प्राइस चेंज में क्या कीजिएगा, 1050 है शुरू का वैल्यू और 1100 है बाद का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1100 माइनस 1050, ठीक है, और कूपन अमाउंट कितना है 150 और इन्वेस्टमेंट कितना हमने किया 10050। दोस्तों ये आपका आंसर आएगा, आप खुद से नीचे कैलकुलेट करके बताइए, ये आपका काम है, ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप करके देखिए, आप इसका वैल्यू बताइए कितना है आ रहा है और फिर हमको एग्जैक्ट वैल्यू बताइए कि रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, आपके सामने 4 ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, ये आप खुद से करके बताइए, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया,
जो लोग नहीं समझे मैं फिर से बता देता हूँ कि जो फॉर्मूला है मैं आपको फिर से एक बार फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए। दोस्तों देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेट ऑफ रिटर्न पूछा जा रहा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आपको पता है, ये रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है, कंसेप्ट यदि क्लियर है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए दोस्तों, देखिए जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है वो है कूपन अमाउंट प्लस प्राइस चेंज अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आप देखिए, आप ये देखिए फिर टाइम डायग्राम, कैश फ्लो डायग्राम बनाते हैं तो हो क्या रहा है कि हमारा 1000 तो मिल ही रहा है लास्ट में, तीन, अब देखिए एक साल बाद, ये एक दो तीन, तीन साल में यहाँ पे, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है कि इस समय पे बॉन्ड का प्राइस दिया हुआ है 10.50। अब आप इस समय पे निकालना चाह रहे हैं बॉन्ड का प्राइस, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, तो ये आपको प्राइस मिल जाएगा। ये प्राइस मान लीजिए पी मिला, और इनिशियल प्राइस कितना है 10.50, तो चेंज कितना के मिला, पी माइनस 10.50 मिला ना, तो जो भी चेंज आएगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा। और कूपन अमाउंट कितना है आपका, 15% ऑफ 1000 यानी 150, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 10050, ठीक है, इसे आप लोग इसे निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न को निकाल सकते हैं। चलिए उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यील्ड ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है। यील्ड ऑफ मैच्योरिटी इज बिलो कूपन रेट व्हेन बॉन्ड सेल एट डिस्काउंट एंड हैव कूपन रेट बॉन्ड, आप बताइए। ये तो आपको पता ही है कि YTM जो है वो कूपन रेट से यदि कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड जो है वो प्रीमियम पे सेल हो रहा है, और YTM जो है कूपन रेट से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड डिस्काउंट पे सेल हो रहा है। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, इस बिलो कूपन रेट एंड बॉन्ड सेल, ये गलत है, इंटरेस्ट रेट बॉन्ड, ये सही है, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिजर्वेशन दैट ऑल फ्यूचर पेमेंट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट कूपन रेट, ऑल फ्यूचर पेमेंट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इंटरेस्ट दैट मीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट इक्वल टू बॉन्ड प्राइस इन रिजर्वेशन दैट, ओके। अब देखिए क्या कह रहा है कि बॉन्ड हैज 3 years टू मैच्योरिटी, एक बॉन्ड है इसका 3 साल का मैच्योरिटी है, कूपन रेट दिया हुआ 6% और पे जस्ट 1 year, फेस वैल्यू दिया हुआ 1000, यील्ड टू मैच्योरिटी 5%, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालना है। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कैसे निकालिएगा दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड का मैंने आपको तरीका बताया है, एक बार आप सबमिशन ऑफ पीवी निकाल लीजिए। तो दोस्तों इसको मैं आपको टेबल से बताता हूँ, मैं आपको ये जो हमारा कैश फ्लो डायग्राम उसे समझाता हूँ दोस्तों। देखिए कैश फ्लो डायग्राम बनाइए, ठीक है, फेस वैल्यू दिया हुआ 1000, यहाँ 1000 दिखाइए, कूपन रेट कितना साल का है, 3 साल है ना, तो यहाँ 60 मिलेगा, 1000 का 6% 60 होता है, यहाँ भी 60 मिलेगा और यहाँ भी 60 मिलेगा, लास्ट साल दोनों मिलेगा। चलिए आप क्या कीजिए, यील्ड ऑफ मैच्योरिटी 5% दिया हुआ है, तो क्या कीजिए, देखिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पीवी इनटू टी अपॉन समेशन ऑफ पीवी, इसका पीवी निकालिए, इसका पीवी निकालिए, इसका पीवी निकाल लीजिए और इनटू टी भी कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे आपके सामने किया हुआ है, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो मिलेगा 2.770, ठीक है, आप इसे निकाल सकते हैं, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकाला बॉन्ड का, मैक्लाउड रेशियो निकाला, मॉडिफाइड निकाला, जैसे आपके सामने है। YTM इज द डैश एट विच, तो YTM बताइए डिस्काउंट रेट होता है या आपका कूपन रेट होता है या प्रीमियम वैल्यू पे चले, तो डिस्काउंट रेट होता है, बी ऑप्शन सही है, इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है डिस्काउंट रेट। आगे देखते हैं, आप देखिए कॉन्सोल बॉन्ड का कंसेप्ट है, कॉन्सोल बॉन्ड जानते हैं क्या होता है, कॉन्सोल बॉन्ड को मैं समझाता हूँ दोस्तों, कॉन्सोल बॉन्ड, देखिए कॉन्सोल्ड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है, ठीक है, इसको जैसे 10,000 का बॉन्ड है, 6% पे इशू किया गया, कूपन करंट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 9%, आपको करंट वैल्यू बताना है उसका कॉन्सोल्ड बॉन्ड का। तो दोस्तों देखिए कॉन्सोल्ड बॉन्ड के लिए जो होता है ना, कॉन्सोल्ड बॉन्ड एक तरह का परपेचुटी होता है, परपेचुटी समझते हैं ना, कि मतलब एक ऐसा बॉन्ड जिसका एन इन्फिनिटी हो, मतलब वो हमेशा के लिए रेकर होता है, मतलब समझिए कि जैसे कॉन्सोल्ड बॉन्ड कितना का है, 10,000 का है ना, ठीक है, और 6% पे इशू किया गया है, तो ये 6% हमेशा के लिए रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। आपको करंट वैल्यू पूछा गया, यानी ये पूछा गया है, और ये आपका प्रेजेंट, ये फेस वैल्यू दिया हुआ है, 10,000 जो है क्या है इसका फेस वैल्यू है, ठीक है। तो दोस्तों आप कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको, करंट वैल्यू निकालना है। अब आप बताइए कॉन्सोल बॉन्ड का यदि आपको करंट वैल्यू निकालना है, तो आप ये जो एन्युटी का फॉर्मूला है आप जरा देखिए, तो एन्युटी का फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, PVIFA का फॉर्मूला याद है आपको क्या है, देखिए तो क्या है, 1+R होल टू द पावर टी माइनस 1 अपॉन R इंटू 1+R होल टू द पावर टी, यही है ना। अब जरा इसको एक मिनट, मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, जरा आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1-1 अपॉन 1+R होल टू द पावर टी, देखिए ठीक से ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक R भी डाल दीजिए, एक R भी डाल दीजिए, नहीं R मत डालिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं ना,
आर को आप बाहर कर दीजिए, वन बाय आर कर दीजिए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। अब आप जरा इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखिए, यदि इस केस में टी क्या हो रहा है हमारा, टी इन्फाइनाइट हो रहा है ना, टी जब इन्फाइनाइट होगा तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर इन्फाइनाइट हो जाएगा ना, और वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो हो जाएगा ना, मतलब ये टर्म पूरा हट जाएगा ना, इसीलिए ये इसके पता है पी वी आई एफ ए क्या हो जाएगा, पी वी आई एफ ए केवल आर हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो दोस्तों, और यदि हम लोग पी वी आई एफ देखें, पी वी आई एफ देखें, पी वी आई एफ क्या होता है, वन बाई वन प्लस आर रोल टू द पावर टी होता है, यदि ये इन्फाइनाइट होगा तो ये इन्फाइनाइट होगा तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब पी वी आई एफ जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं? ठीक है, तो बॉन्ड प्राइस का दो पार्ट है, यदि बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, सी इंटू पी वी आई एफ ए प्लस सी कूपन रेट है, कूपन अमाउंट है, और प्लस एफ बी इंटू पी वी आई एफ, समझ रहे हैं? तो दोस्तों पी वी आई एफ तो जीरो हो गया, मतलब ये टर्म ही गया, बचा क्या पी वी आई एफ ए, और पी वी आई एफ ए क्या आ रहा है, वन बाई आर आ रहा है, तो दोस्तों इसका बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला क्या आ रहा है, सी बाई आर नहीं आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? यदि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, तो आप यदि डिराइव करेंगे ना बॉन्ड प्राइस किसी भी कॉन्सोल्ड बॉन्ड का, तो वो आ जाएगा सी बाई आर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो कॉन्सोल्ड बॉन्ड समझिए होता क्या है। कॉन्सोल्ड बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसका जिसका आपका मैच्योरिटी टाइम जो है वो इन्फाइनाइट होता है, ठीक है, और मैच्योरिटी टाइम इन्फाइनाइट होने के कारण हमारा पी वी आई एफ ए हो जाता है वन बाई आर, और पी वी आई एफ हो जाता है जीरो, इस कारण से जो हमारा करंट प्राइस है, यानी प्राइस ऑफ बॉन्ड जो होता है, प्राइस ऑफ बॉन्ड वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा सी बाई आर, ठीक है। सी क्या है हमारा, कूपन रेट। अब जरा बताइए 10,000 का 6% कितना होता है, 10,000 का 6% यदि आप निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको 600, और आर कितना है हमारा, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो 0.09, ठीक है, इसको निकाल लीजिए वैल्यू, ठीक है, 600 बटे 0.09, देखिए यहाँ पे मैंने किया है, देखिए है ना, 600 बटे 0.09 मिल जाएगा 66.67। देखिए मैंने आपको सभी कंसेप्ट को समझा दिया, कॉन्सोल बॉन्ड होता क्या है, क्यों P इज इक्वल टू ए बाय आर है, और इस फॉर्मूले को आपको क्यों याद करना है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, P इज इक्वल टू ए बाय आर है, रटने का जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत है, चीज़ें समझ रहे हैं तो आप हमेशा ये के लिए याद कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लोग शायद किए हैं, एक ये है कि 1000 क्या है इसका फेस वैल्यू है, 970 क्या है मार्केट वैल्यू है, 8% क्या है कूपन रेट है, ठीक है, YTM पूछ रहा है कि 8% से कम होगा, फिर से देखिए फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फेस वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ, यानी कि यदि आप कैश फ्लो डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा एम बी है और ये हमारा एफ बी है, ठीक है, फेस वैल्यू है, ये नीचे क्या है हमारा कम है, ठीक है, नीचे कम है, तो इस ये कब हो सकता है कि जब हमारा कूपन रेट जो है वो YTM से क्या हो कम हो, ठीक है, जो हमारा कूपन रेट है वो YTM से कम हो, क्योंकि YTM आपको इधर वाला देखिए एक तरह से समझिए कि ये बेसिकली आपका एक तराजू है, ठीक है, एक तरह से आप समझिए कि एक तरफ का आपका तराजू है, यदि ये कम है तो YTM को बढ़ना पड़ेगा ताकि ये इक्वल रहे, समझ रहे हो आपको, कूपन रेट आपका ऊपर है, YTM आपका नीचे है, इसको मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, देखिए एक ट्रिक से समझा देता हूँ ट्रिक से, ठीक है, कभी आप मान लीजिए याद नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है, समझा देता हूँ, देखिए ये ट्रिक से आप हमेशा के लिए याद, ये मेरा सेल्फ बनाया हुआ ट्रिक है, और आप इससे आप कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं बहुत कुछ बताता हूँ। देखिए ये मान लीजिए कि आपका एक तराजू है, ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको डगमग नहीं होने देना है, नीचे है आपका क्या, नीचे है आपका मार्केट वैल्यू, और ऊपर क्या है आपका, ऊपर है आपकी वैल्यू, ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ देखिए फेस वैल्यू है कितना 1000, और ये कितना हो गया 970, इसको सपोर्टिंग के लिए है कूपन रेट, और इसको सपोर्टिंग के लिए है YTM, ठीक है, अब देखिए ये वाला तरह, ये वाला ऊपर हो गया, ये वाला ज़्यादा भार है, तो ऐसे नहीं लटक जाएगा ये, हमको क्या करना है, इसको सीधा करना है, इसको सीधा कैसे करेंगे, जब YTM बढ़ाएंगे ना तभी तो होगा सीधा, तो YTM को क्या करना पड़ेगा कि CR से कम होना पड़ेगा, यानी YTM को कूपन रेट से कम होना पड़ेगा, तभी तो ये ऐसे ये यहाँ पे हिंज मान लीजिए, तभी तो ऐसे रहेगा, तो YTM शुड बी लेस देन CR, तो YTM 8% से कम होगा, ठीक है, YTM शुड बी ग्रेटर देन CR, YTM को ज़्यादा होना पड़ेगा ना, तब तो ये वाला भार इधर आएगा, तब तो इधर वेट बढ़ेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि ये वेट ज़्यादा है इधर, ठीक है, आप ऐसे समझिए इसको, सिंपल भाषा में समझिए, यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, वेट के हिसाब से समझिए, ठीक है, एक वेट के हिसाब से समझ लीजिए, सीसो आप जानते हैं ना, सीसो में क्या होता है, जैसे ये सीसो है, यहाँ पे हिंज रहता है, तो इधर समझ लीजिए कि आपका मार्केट वैल्यू है, इधर समझ लीजिए फेस वैल्यू है, ठीक है, यदि 1000 का लोड आप यहाँ डालेंगे और यदि 970 का लोड यहाँ डालेंगे, तो ये क्या होगा, तराजू ऐसे नहीं हो जाएगा, ये सीसो इस तरफ हो जाएगा,
तो हमको क्या करना है, इसको सीधा करना है, मतलब इधर वेट बढ़ाना पड़ेगा, इधर इधर सपोर्ट कौन आता है, YTM आता है, और इधर सपोर्ट कौन आता है, CR आता है, तो YTM को ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, इसलिए YTM शुड बी ग्रेटर देन 8%, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसी तरह ये इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखिए आपने पाँच साल का जीरो कूपन बॉन्ड को खरीदा, 1000 का फेस वैल्यू है, कितने पे खरीदा, 735 खरीदा, YTM पूछ रहा है। देखिए फिर से बनाइए तराजू, कंसेप्ट क्लियर करना है। 1000 का यहाँ पे है, ठीक है, 5 साल है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, चलिए, और 735, देखिए जीरो कूपन है, कूपन तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ये सब तो सब गया ना बीच का, ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, YTM पूछा है, और कितने पे खरीदा, 735.67 पे खरीदा, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि YTM बताना, मतलब कूपन रेट तो होगा ही नहीं होगा इसमें। आप बताइए दोस्तों, जब आपको, देखिए फिर से बताता हूँ कि जो बॉन्ड प्राइस होता है ना, उसका दो कंपोनेंट है, एक तो हमारा है कूपन इनटू, कूपन है ही नहीं तो ये टर्म जीरो ही हो जाएगा, दूसरा जो टर्म है वो क्या है हमारा, FV इनटू 1/1 R होल टू द पावर T। दोस्तों ये पहला टर्म तो गया ना, FV दिया हुआ है, BP दिया हुआ है, इसे आप निकाल सकते, BP कितना है बताइए, BP है आपका बॉन्ड प्राइस है 735.67 = FV कितना है 1000, और R आपको निकालना है, R मान लीजिए R, T कितना है आपका 5 है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके, देखिए मैंने निकाला है, ठीक है, तो यहाँ से आपका R का वैल्यू आएगा 6.2%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज़ जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, प्राइस में गेन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है गेन ही, हाँ गेन वाली प्राइस की सही है, बिल्कुल सही है, प्राइस में गेन होता है। देखिए यहाँ पे देखिए ना, अब आप बताइए, यदि मान लीजिए कि ये खुद आप दिमाग लगाइए ना कि इसका सपोर्ट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसको कमी तो होना पड़ेगा ना 1000 से, यदि इसको ज़्यादा कर देंगे 1000 से तो आदमी खरीदेगा क्यों, खरीदेगा, मार्केट वैल्यू ही इसका ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, हमेशा कम करते हैं, इसीलिए हमेशा गेन होता है यहाँ पे, क्योंकि कूपन तो हमें मिल नहीं रहा है, तो एक तरह से एक ही ऑप्शन बचा बॉन्ड। देखिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है वो दो तरह से हो रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक तो कूपन का अमाउंट है और एक हमारा गेन है, तो यहाँ तो कूपन अमाउंट से कुछ मिल नहीं रहा है, बचा गेन से मिल रहा है, तो वही गेन होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। देखिए फिर से जीरो कूपन बॉन्ड पे क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है 1000, यानी फेस वैल्यू मैच्योर इन 2 ईयर एंड कैन बी करेंटली परचेज बना डेट, करंट यील्ड बताना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जीरो कूपन बॉन्ड है, ये 925 हो गया, ये डायग्राम भी समझिए, डायग्राम समझिए, और 2 साल है, मतलब 1 होगा और 2 साल होगा, ठीक है, तो ये कूपन रेट तो कुछ है नहीं, मैच्योर इन 2 ईयर्स एंड कैन बी करंटली परचेज बना डेट, करंट यील्ड बताना है। अब बताइए दोस्तों, करंट यील्ड जो है वो YTM के बराबर ही तो होता है, ठीक है, करंट यील्ड किसके बराबर होगा, YTM के बराबर होगा, तो YTM कैसे निकालेंगे बताइए, 925 = 1000/1+R, R आपको निकालना है 2, ठीक है, तो 1+R का होल स्क्वायर = 1000/925, इसे आप R निकाल सकते हैं, ठीक है, देखिए R निकलेगा 3.98%। चलिए तो याद रखिएगा जीरो कूपन बॉन्ड का YTM और करंट यील्ड क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। चलिए अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बॉन्ड का ड्यूरेशन दिया हुआ है 2.5% और यील्ड दिया हुआ है 5%, तो आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताना है, ठीक है, तो दोस्तों देखिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या है, पहले समझिए, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का जो फॉर्मूला है वो है ड्यूरेशन अपॉन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है। अब दोस्तों ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है 2.5, ठीक है, प्रिंसिपल को आप मान लीजिए 1, प्रिंसिपल 1 रुपया है मान लीजिए, तो दोस्तों यदि 1 रुपया प्रिंसिपल है तो आप प्रिंसिपल समझ रहे हैं ना, ठीक है, तो प्रिंसिपल यदि 1 रुपया है, यील्डिंग कितना है 5% है, तो 1 साल का इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा बताइए, 0.05 होगा ना, ठीक है, कितना होगा 5% ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0.05, ठीक है, ये हो जाएगा 0.05, तो यही फॉर्मूला है, तो इसको आप निकाल सकते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज में निकाला गया है, ठीक है, तो मिलेगा 2.38। अब देखिए प्लस मिलेगा कि माइनस मिलेगा वो कैसे पता करिए, बता कीजिएगा, तो देखिए अभी वो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है, तो वो आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है, हम लोग BFM जब पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको डिटेल में कि इसका क्या मीनिंग है। अब दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन, अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ क्योंकि हमारे मैकमिलन बुक से लिया गया है, मैकमिलन बुक का कुछ क्वेश्चन आपके सामने, आप बुक खोलिए, आपको मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ अपनी मैकमिलन बुक का, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इन सभी क्वेश्चन से। देखिए आपको मैं समझा देता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने कहा था पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जरा आप बुक खोलिए, बुक में देखिए
क्वेश्चन नंबर फोर में 6 साल का बॉन्ड है, पार वैल्यू दिया हुआ है 1000, करेंट यील्ड दिया हुआ है 7%। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर को, ये हमारा डायग्राम है ठीक है। देखिए ये मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, ये हमारा 1000 फेस वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए अपने मैकमिलन बुक का, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है। करंट यील्ड दिया हुआ है 7.5%, ठीक है, करंट यील्ड दिया हुआ 7.5%, कूपन रेट दिया हुआ है 8%, ठीक है, और बॉन्ड प्राइस पूछ रहा है, 6 साल का बॉन्ड है। तो दोस्तों आप जरा बताइए कि कूपन रेट निकाल सकते हैं ना, कूपन अमाउंट बताइए, कूपन अमाउंट कितना निकल रहा है, 1000 का 8% कितना होता है, 80, ठीक है। और इसका बॉन्ड का आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड का प्राइस पूछ रहा है कितना है, मतलब ये पूछ रहा है। दोस्तों बताइए, सिंपल तो है क्वेश्चन, आपको करंट यील्ड जो होता है वो क्या होता है, सी ए अपॉन बॉन्ड प्राइस इंटू 100। करंट यील्ड कितना दिया हुआ है बताइए, करंट यील्ड दिया हुआ है आपको 7.5%, 7.5। कूपन अमाउंट कितना निकला, सी बी पी आपको निकालना है, इंटू 100 कर लीजिए, तो बी पी यहाँ से निकल जाएगा कितना, 80/7.5 को ले सकते हैं ना, 3/4 इंटू 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, इससे आप बी पी यदि निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा देखिए 320, 3200, ठीक है, 32,000/3, सॉरी ये 30/4 होगा, नॉट 3/4, 30/4 होता है, तो मतलब 3200/3 यानी इसको कीजिएगा तो मिल जाएगा 1066.7, समझ रहे हैं। तो ये आपका आंसर है, तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं आपको समझ में आया, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है, आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है ना आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर रखना है, करंट यील्ड होता क्या ये जानना है आपको बस, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है कि 6 ईयर बॉन्ड है ठीक है, इसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग, 6 ईयर का बॉन्ड है। देखिए तो ये कैश फ्लो डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 ईयर बॉन्ड पेज इंटरेस्ट ₹80 एनुअली ठीक है, हर एक साल कितना मिल रहा है, 80 मिला, और यहाँ भी 80 मिला ठीक है, 6 साल तक मिला, और सेल हो रहा है 950 पे, मतलब 950 इसका प्रेजेंट वैल्यू है ठीक है। और व्हाट इज कूपन रेट निकालना है, पहले कूपन रेट निकालना है, और उसका क्या निकालना है, यील्ड टू मैच्योरिटी ठीक है। तो फेस वैल्यू का मान लीजिए, फेस वैल्यू का मान लीजिए 1000, तो 1000 का 80 कितना परसेंट है, 8% है, तो कूपन रेट मिल गया 8%। फिर क्या पूछ रहा है आपसे, करंट यील्ड बता रहा है, तो करंट यील्ड कैसे निकलेगा, 80/950×100 ठीक है, ये हम लोग सॉल्व किए थे, ये मिल जाएगा 8.42 ठीक है। और लास्ट में क्या पूछ रहा है, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होगा बताइए, C+A+P, ये फॉर्मूला है, C+A+P/N/A-P/2 ठीक है, इन 200, तो ये फॉर्मूला को बताइए जिसे आप निकाल सकते हैं। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं, दो बॉन्ड दिया हुआ है ठीक है, और किसमें इन्वेस्ट करना है वो आपको पूछ रहा है। तो बॉन्ड पहला दिया हुआ है कि 10 साल का मैच्योरिटी है, कूपन रेट दिया हुआ है 8% और यील्ड टू मैच्योरिटी है 10%, और दूसरा दिया हुआ है कि 10 ईयर की मैच्योरिटी है, कूपन रेट 12% है और यील्ड टू मैच्योरिटी 10% है। तो दोस्तों देखिए क्या है कि मैंने बताया था ना कि साल पे डिपेंड करता है ठीक है। तो देखिए YTM दोनों के लिए 10% ही है ठीक है, तो YTM 10% ही है, तो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेक्ट आंसर वो एक इन्वेस्ट इन आइडियल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर सेवन है, सेवन पे आ जाइए, अब बॉन्ड सेल बैंक सेल बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1000 कैरी कूपन रेट 8% विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 ईयर, द बॉन्ड सेल एट YTM ऑफ 9%, व्हाट इज द इंटरेस्ट पेमेंट। दोस्तों पहला पूछ रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट निकालने से, यानी कूपन रेट निकाल सकते हैं आप, सेलिंग प्राइस निकालने का रहा है, बॉन्ड का प्राइस निकाल लीजिए ठीक है। अब तो यही सब क्वेश्चन है आपके सामने ठीक है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक बार सॉल्व कीजिए बाकी सभी क्वेश्चन को, होपफुली आप सभी को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए, और यदि आपको कोई भी कठिनाई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले लेसन में।